हेलो माय डियर स्ट्रेंड्स हाउ आर यू होप यू आर फाइन कैसे हैं आप लोग अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल वेरी वेरी गुड इवनिंग सो वेलकम टू अन अकेडमी यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सो हाउ आर यू पुष्पा यश सरफराज, पायल वीरेश आशु, सूर्यभान कर्तव्य रंजन वीरेश सचिन संदीप शालू वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल गाइस। वेरी गुड इवनिंग सो माय टू स्ट्रेंड्स क्योंकि पिछली मैराथन क्लास में हमने जब प्लान किया था कि आई विल गो फॉर थ्री आर लॉन्ग मैराथन एंड टाइम गॉट एक्सटेंडेड काफ़ी लेट नाइट हो गया था आपको याद है ना so this time in series of complete ncrt fine so this time i have preponded time or aaj hum 4 to 8 pm mein is ncrt ko cover karne wale hain okay fine welcome Mr या परमिंदर left there वहां छोड़ दिया मैंने okay संदीप नाम ले लिया आपका फाइन सो माई डर स्टूडेंट्स इन प्रीवियस सीरीज आई हैव कवर्ड इन वन सिंगल क्लास क्लास सिक्स एन सी आर टी आप में से जो लोग क्लास सिक्स एन सी आर टी वाली मैराथन क्लास को देख नहीं पाए थे गाइज इट इज मस्ट 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 वॉच जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में तो बताया था कि ऑन दिस चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सी एस सी आई एम गोइंग टू कवर कंप्लीट जोग्राफी एनसीआर टी सीरीज गाइज एज पर योर सजेशन एज पर योर रिक्वेस्ट जैसा कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस टेलीग्राम पे मुझे कॉन्टेक्ट किया कि सर आप कंप्लीट एनसीआर टी सीरीज लेकर आओ एंड दस ऑन योर रिकमेंडेशन सजेशन रिक्वेस्ट जो बोल लीजिए आप घर की बात है मैं पूरी कंप्लीट एनसीआर सीरीज लेकर गाइज आ रहा हूं एंड आई नो दैट देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू गाइज फॉर फिल्म सो डोंट वरी फॉर दैट आप बिल्कुल इसको चिंता ना करें वी आर गोइंग टू मेमराइज एनसीआरटी हेयर इट सेल्फ हम यहीं इसे याद करने वाले हैं फाइन सो जो जिन लोगों ने आवर अर्थ आवर हैबिटेट नहीं देखा है ऑन दिस चैनल सर्च इट एंड गो थ्रू इट मैराथन क्लास लिया था मैंने फाइंड सो माई डर फ्रेंड्स टूडे वी आर गोइंग टू कवर क्लास सेवन एनसीआर इन नेक्स्ट वीक क्लास एट नेक्स्ट वीक नाइन्थ नेक्स्ट 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 एंड सो आप देखोगे मिड अप्रैल तक आई एम गोइंग टू कवर ऑल जोग्राफी एन सी आर टी ऑन दिस प्लेटफॉर्म हेयर इट सेल्फ ओके लेट्स स्टार्ट वन बाई वन सो आज हम लोग क्लास सेवन की एनसीआर टी खत्म करने वाले हैं। लाइक एवरी टाइम आपको मैं बताने वाला हूं कि आप जानते हो कि ये जो एन सीरीज मैं लेकर आया हूं इट इज एक्स्ट्रा इन एडिशन इट इज एक्स्ट्रा इन एडिशन टू द सीरीज विच इज गोइंग ऑन दिस चैनल आप जानते हो जो चैनल पे सीरीज चल रही है उसके लिए एक्स्ट्रा जा रहा है फाइन तो हम लोग रेगुलर क्लासेस में फिजिकल जोग्राफी कर रहे हैं हमारा लैंड फॉर्म चल रहा है आफ्टर दैट आई विल टेक क्लाइमेटोलॉजी देन ओशनोग्राफी एंड गाइज बिग अनाउंसमेंट फॉर यू जस्ट है लुक ऑन द स्क्रीन सो माई सेल्फ अजीत तिवारी आप हमसे फेमिलियर हो चुके हो दू गाइज आर पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल फाइन सो आप जानते हो आई एम रनिंग माई ओन इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज एट न्यू डेली इट इज ऑफलाइन क्लासेज डूइंग ग्रेट एंड ये सबको मालूम है लेक्चर्स आर फ्यूज विद द ट्रिक्स फॉर द लॉन्ग टर्म रिटेंशन। हम कैसे लाइट मूड में मुस्कुराते हुए पढ़ते हैं और मेमोराइज ऑल द टॉपिक्स ओके सो आई यूज टू इंट्रेक्ट अलॉट लिसन 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 हर चैप्टर के लास्ट में देयर विल बी लेट्स रिवाइज सेगमेंट और वही वो टाइम होगा आपके लिए कितना फास्ट क्विक आप इंटरेक्ट कर रहे हो ओके सो द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न इंटरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस सो ऑलवेज आप इंटरेक्ट करोगे फाइंड एंड माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज अ चैनल ऑन योर सजेशन टेलीग्राम चैनल इज अजीत तिवारी सर एट द रेट जनरल स्टडीज गाइज आज बजे, 9 बजे लिसन केयरफुली टुडे 9 पीएम आज जो ये क्लास एनसीआर की मैराथन सीरीज हो रही है इसकी पूरी पीपीटीज टुडे आई विल शेयर एट 9 पीएम ऑन दिस चैनल विच चैनल अजीत तिवारी सर एट द रेट स्टडीज लिंक इज टी डॉट मी स्लैश अजीत लाइव जितनी मेरी स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है ऑल माई स्पेशल क्लासेस न्यू कोर्स ऑन द प्लस अबाउट माई प्रोग्राम्स ऑन द अनअकेडमी और कितने अन अकेडमी यूट्यूब पे कौन कौन से मेरी वीडियोज पढ़ी हैं आई एम शेयरिंग ऑल दिस लिंक ऑन दिस चैनल एंड गाइज टू डील विथ योर डाउट एंड क्वेरीज मै वीक में वन डे आई एम कमिंग टू हैव अ लाइव चैट विद यू गाइज फ्रॉम मार्च फर्स्ट वीक थ कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज सो फॉर योर प्रस एग्जाम तक मैं इस कोर्स को कंप्लीट करूंगा एंड माई डर स्टूडेंट्स आपको ये जानकर अच्छा फील करेगा कि ऑल द करेंट अपडेट ऑफ इंडियन जोग्राफी मैं इस पूरे प्रोग्राम में एड करने वाला हूं एंड टाइमिंग विल बी अगेन सेम नाइन थर्टी टू इलेवन पी एम एट टू नाइन हम यूट्यूब चैनल पे लेट्स क्रैक यूपीएससी सी एस पे मिलने वाले हैं और फिर नाइन थर्टी टू इलेवन पी एम, और अभी तक अगर आपने प्लस कोर्स जिसे हम अब listen, इस प्लस कोर्स को अब हम अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन बोलते हैं तो अगर आपने अभी तक अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन नहीं किया गाइज सो डोंट वरी सो डोंट वरी गाइज सो आप क्या करोगे आप क्या करोगे आप अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन जरूर ले लोगे क्यों उसके क्या फायदे होंगे फायदा नंबर वन दिस कोर्स इज ऑनली अवेलेबल ऑन द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन ऑल्सो कॉलेज प्लस क्यों क्योंकि यूट्यूब पे हम क्या करने वाले गाइज यूट्यूब पे हम एनसीआर टी सीरीज देन ऑन देर इज ए बिग डिमांड बिग बिग डिमांड कि सर एक एट आवर्स की लॉन्ग वीडियो बना दो आप टू कंप्लीट एंटायर जी सी लियोम आर इन वन पार्ट और टू पार्ट ये चलेगा यूट्यूब पे एंड एमसिक्यूज ऑन द जोग्राफी एंड एनवायरमेंट वेन प्रेशर ऑफ प्रम्स विल वेरी हाई सो हम बार बार पूरे जोग्राफी और एनवायरमेंट को एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज करने वाले हैं सो so, ये चलेगा यूट्यूब पे फिजिको जोग्राफी चलेगी यूट्यूब पे एंड गाइस दिस कोर्स इज एक्सक्लूसली अवेलेबल ऑन द प्रेस और जब आपने प्लस सब्सक्राइब किया है अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन ली है गाइस सो डोंट वरी आप क्या करोगे कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहां पे अवेलेबल हैं ओके okay? एंड मेरी जो जोग्राफी जो 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 की पार्ट वन चल रही है जॉग्राफी पार्ट वन इज गोइंग ऑन और आप इसे ज्वाइन कर सकते हो वन टू वन इंटर कर सकते हो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन प्लस कोर्सेस दैट इज टेकिंग ऑफ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन एंड वेरी गुड न्यूज इज अगेन फॉर यू गाइज हैवे लुक ऑन स्क्रीन यू कैन यूज कोड अजीत लाइव टू गेट डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट और आप जान जा अच्छा फील करोगे जैसे आपने मेरा सब्सक्रिप्शन लिया मेरे साथ साथ ऑल दिस टॉप एजुकेटर्स आर अवेलेबल ऑल दिस टॉप एजुकेटर्स आर अवेलेबल गाइज तो मेरे साथ साथ आप इनकी क्लासेस कर सकते हो ओके फॉर वन ईयर फी इज फोर्टी थाउजेंड वेल वाइल अप्लाइंग कोड अजीत लाइव यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट एंड इट बिकम थर्टी सिक्स थाउजेंड और अभी टीम अन अकेडमी ने एक हैवी डिस्काउंट दिया है इन टू ईयर प्रोग्राम माई डूडेंट्स नाउ द टू ईयर प्रोग्राम इज हाईली सब्सराइज हाईली डिस्काउंटेड क्वेश्चन कितना डिस्काउंटेड है टू ईयर प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट्स बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट्स ने इसे ज्वाइन किया है फी इज फिफ्टी टू थाउजेंड बट 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 वाइल अप्लाइंग कोड अजीत लाइव इट बिकम फोर्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड दैट मीन्स लेट्स कंपेयर थर्टी सिक्स थाउजेंड फॉर वन ईयर वाइल अप्लाइंग माई कोड फॉर टू ईयर प्रोग्राम इट इज ओनली फोर्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड सो जितने लोग क्लास ट्वेल्थ पास आउट है ग्रेजुएशन कर रहे हैं बी ए बी एस सी बी टेक बी कॉम वॉट एवर आपके लिए हाईली रिकमेंडेड कोर्स इज दिस टू ईर प्रोग्राम ओके माइनर फ्रेंड्स सो फॉर अ मोर डिटेल विजिट वेबसाइट गेट सब्सक्रिप्शन एंड डोंट फॉर गेट टू अप्लाई कोड अजीत लाइव गेट डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट ओके फाइन जैसे कि जैसे आपने कोड अप्लाई किया आपको डिस्काउंट मिलेगा नाउ गाइज लिसन वेरी 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 केयरफुल बिल्कुल आप बिल्कुल या आई एम कमिंग ऑन द यूट्यूब लेट्स क्रैक यूपीएससी सी एस सी अगेन विद द मैपिंग सेगमेंट सो मैपिंग सेगमेंट में यहां पर करने वाला हूं ऋतुराज डोन्ट वरी बी okay, अटेंटिव कोई और क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो मुझसे टेलीग्राम पूछ सकते हो और जब मैं अजीत तिवारी सर यूट्यूब चैनल पे लाइव आऊंगा वीक में वन और ट्वाइस तो आप कोई अन अकेडमी के रिगार्डिंग कोई डाउट कोई क्वेरी कोई कंफ्यूजन गाइज मुझसे आप पूछ सकते हो फाइन सो नाउ बी अटेंटिव लेट्स फोकस एंड सी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस सेवेंथ के एनसीआरटी में हम आज क्या याद करने वाले गाइज वी आर गोइंग टू मेमोराइज एंट है लुक है लुक एनवायरमेंट वन चैप्टर इज इनसाइड आवर अर्थ आवर चेंजिंग अर्थ एयर वाटर नेचुरल रेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ह्यूमन एनवायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कॉम्युनिकेशन ूमन एनवायरमेंट इंट्रैक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड लाइफ इन द डिजर्ट माइडो स्टूडेंट्स ऑन अन अकेडमी यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीरीज ऑफ फिफ्टी वीडियोज ऑफ मास्टरिंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इन फिफ्टी आर्स इज अवेलेबल उसकी पूरी प्ले लिस्ट अवेलेबल है मस्ट 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 वॉच फॉर यू guys. ठीक तो आप इस बात को समझें कि एक तरफ हम यहां पे ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं एंड ऑलरेडी फिफ्टी लेक्चर्स रिगार्डिंग एनवायरमेंट आई हैव कवर्ड एंड माय डियर फ्रेंड्स इन मंथ ऑफ अप्रैल लास्ट थर्ड वीक हम एक कंप्लीट करंट अपडेट्स ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी लेकर आएंगे फोकसिंग फिलीम्स 2020 तो पूरी आप 50 क्लासेस एनवायरमेंट इकोलॉजी करें ठीक मैराथन हैं एनवायरमेंट पे वो देखें एंड गाइस तब तक आप यहाँ पे जोग्राफी एन तैयार करते रहें और फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा एंड इन दिस वे वी बोथ विल वर्क टूगेदर वेरी हार्ड आई एम ऑलवेज फॉर यू गाइज हम अच्छे से हार्ड करेंगे और होप सो यू आर गोइंग टू क्रैक एग्जामिनेशन सो लेट्स वर्क टूगेदर लेट्स वर्क हार्ड एंड लेट्स क्रैक इट लेट्स क्रैक यूपीएससी सी एस सी ओके है लोम तो आप आज टेन चैप्टर्स को कंप्लीटली तैयार करने वाले हो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एट द लास्ट ऑफ इच चैप्टर दिस सेगमेंट विल कम लेट्स रिवाइज हर चैप्टर के लास्ट में सेगमेंट आएगा गाइज सो so, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और फिर मैं आपके कमेंट सेक्शन को वॉच करूंगा हाउ यू आर एंसरिंग और जो सबसे करेक्ट आंसर करेगा फास्ट आंसर करेगा मैं उसका नाम लेने वाला हूं गाइज सो so, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम लू सो गेट रेडी स्टे फोकस्ड बी अटेंटिव एंड हैव लेजर साफ फोकस ओके एनवायरमेंट इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो नेचुरल एनवायरमेंट ्यूमन एन्वायरमेंट वॉट इज लीथोस्फेयर व्हाट इज एटमोस्फेयर व्हाट इज इको सिस्टम ओके है लुक तो यह एन सी आर टी का सेवेंथ का फर्स्ट चैप्टर है आफ्टर लॉन्ग वेकेशन वेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन उसने क्या देखा कि प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू स्कूल वॉज डगअप और वहां पर लोगों ने बताया कि एक बड़ी बिल्डिंग जो चूंकि ये बच्चों की किताब है तो आई विल पुट मोर फोकस ऑन द सो क्या देखा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग उस प्लेग्राउंड में जो नेक्स्ट टू स्कूल थी वहां पे खड़ी होने वाली है रवि की आंखों में आंसू थे वाज ऑलमोस्ट इन इंटीअर्स जब उसने देखा कि जिस प्लेग्राउंड में वो खेल रहा था हैविंग सॉफ्ट ग्रासेस नंबर ऑफ बटरफ्लाइज मैरीगोल्ड अब वो वहां पे नहीं रहेगा वो ऑलवेज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा उसने अपनी इस फीलिंग को अपने क्लासमेट से, से शेयर करी फाइन जस्ट अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिर इन द स्कूल द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग बहुत ध्यान सुनना हम बच्चों की किताब से कैसे बड़ों के कंसेप्ट निकालने वाले हैं इन द क्लास रवि हिज हिस्ट्रीचर सर व्हाट इज एनवायरमेंट नाउ क्वेश्चन फॉर यू गाइज इज व्हाट इज एनवायरमेंट इसके पीछे जाएंगे व्हाट इज फैक्टर क्या एनवायरमेंट बायोटिक होगा क्या एनवायरमेंट ए बायोटिक होगा क्या एनवायरमेंट दोनों का सम होगा क्या एनवायरमेंट एटमोसफेयर से डिफरेंट है सो एनी फोर्स एनी सफ्टेंस एनी कंडीशन दैट एफेक्ट इंडिविजुअल इन एनी वे इज कॉल्ड एज फैक्टर इसे आप हिंदी में कारक बोलते हो कोई भी फोर्स कोई भी सफ्टेंस कोई भी कंडीशन जो आपको किसी भी तरीके से प्रभावित करे इट इज कॉल्ड एज फैक्टर और माई ड्रेंड्स जब सारे फैक्टर्स को जोड़ोगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कलेक्टिवली इट इज फॉर्मिंग एनवायरमेंट उसे आप एनवायरमेंट बोलते हो हैव हैवलो व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेट द टीचर इज एनवायरमेंट टीचर ने क्या कहा कि भाई आप अपने अगल बगल जो भी देखते हो वो आपकी सराउंडिंग में जो देखते हो आप दैट इज एनवायरमेंट रवि ने सोचा रवि थाट था। क्या भाई द स्कूल बिल्डिंग टेबल चेयर इन द क्लास Even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of environment. Environment may biotic or abiotic, living or non-living. Both will come in this. Here said the teacher, but wait, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees, animals. Others are made by people, man-made. रोड्स कार्स क्लोथ्स बुक्स फाइन सो आप अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जहां से अभी मेरी क्लास देख रहे हो आप वहां से एक एन्वायरमेंट की लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से एन्वायरमेंट के कॉम्पोनेंट मैन मेड है और कौन कौन से एनवायरमेंट के कॉम्पोनेंट नेचुरल है आप उसका एक लिस्ट बना सकते हो क्लास के बाद आप उसे लिस्ट को प्रिपेयर करना है चिल्ड्रंस आर इंटरेक्टिंग एंड ट्राई टू फाइंड आउट लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट रवि परमजीत जैसी मुस्तफा आशा सब एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए क्वेश्चन इज क्या आप जहां पे रह रहे हो याद करो अपने बचपन से आज तक क्या आपका एनवायरमेंट क्या आपका नेचुरल सराउंडिंग ठीक क्या ये आपकी नेचुरल सराउंडिंग चेंज हो रही है यस नो गाइस क्लास बाइलिंगल होगी पूरा स्क्रीन की प्रेजेंटेशन पीपीटी विल बी इन इंग्लिश और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा बिल्कुल ओके okay, है देखें आप वाई इज आवर एनवायरमेंट चेंजिंग भाई आप जहां रह रहे हो आपका एनवायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है क्योंकि आपकी हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं हमारी नीड्स बढ़ती जा रही हैं और जितनी हमारी नीड्स इंक्रीज करेंगी डे बाय डे उतना हम नेचर को एक्सप्लोय करेंगे और जितना हम नेचर को अपने नेचर सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय करेंगे बट ऑब्वियस यही कारण है कि हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट इज चेंजिंग सो so, टीचर ने क्या रिप्लाई किया देर इंक्रीजिड डे बाई डे वी आर देयर फॉर मॉडिफाई आवर क्यों हमारी नीड्स बढ़ती जा रही है ठीक नीड्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल एनवायरमेंट ठीक हम अपने नेचुरल सराउंडिंग को कई बार हम अपने एयर को वाटर को ग्राउंड वाटर को को, लैंड को सबको डिग्रेड पॉल्यूट डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रहे हैं सो बिकॉज आवर नीड्स आर इंक्रीजिंग दिस इज मेजर फैक्टर मेन फैक्टर फॉर हैविंग मल्टी डाइमेंशनल एडवर्स इफेक्ट डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरमेंट हैव ए लुक आप ध्यान से देखें कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट नेचुरल क्या आ रहा है इसमें हाइड्रोस्फेयर जलमंडल एयर एटमोसफेयर वायुमंडल लैंड लिथोस्फेयर स्थलमंडल और अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद लिविंग थिंग्स बायोस्फेयर जैवमंडल ये सारे मंडल्स आपको दिख रहे हैं हाइड्रोस्फेयर एटमोस्फेयर लिथोस्फेयर बायोस्फेयर हम सब पढ़ने वाले हैं ह्यूमन मैड मानव द्वारा जनित एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड बिल्डिंग्स पार्कस ब्रिजेस रोड इंडस्ट्रीज मोन्यूमेंट्स ठीक आते हैं अबाउट ह्यूमन इंडिविजुअल फैमिली उस कई तरह की फैमिली मिलकर कॉम्युनिटी और कई तरह की कॉम्युनिटियों का अपना अपना धर्म ठीक एजुकेशन इकोनॉमिक पॉलिटिकल दैट मीन्स सब कुछ को आप एनवायरमेंट के कॉम्पोनेंट मानते हो सो ऑल दिस ऑन वन साइड नेचुरल ऑन वन साइड ह्यूमन मैड मैन मैड एंथ्रोपोजेनिक दिस आर द कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट माय डियर फ्रेंड्स एज आई टोल्ड यू क्लास इज गोइंग टू बाई लैंग्वल गाइज सो ऑलवेज पेशेंस इज रिक्वायर्ड हिंदी वालों के लिए धैरोलॉजी बहुत ही जरूरी है माय माई ड्रेंड्स आप बिल्कुल पेशेंस बनाए रखेंगे एंड अगेन डोंट वरी आई विल टेल एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन बोथ तो आप इस बात चीज से क्या देख पा रहे हो व्हाट यू आर गोइंग टू कंक्लूड फ्रॉम द एब कन्वर्सेशन दैट दैट द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मैट फिन वाइल नेचुरल एन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड ए बायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ ह्यूमन एन्वायरमेंट रिविल्स द एक्टिविटीज क्रिएशंस एंड इंट्रेक्शंस एमोंग द ह्यूमन बींग आप इसमें क्या देख पा रहे हो कि दोनों नेचुरल मैन मेड बायोटिक ए बायोटिक ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं Biotic the world of living organisms, plant, animal, or javik Abiotic the world of non-living elements. Let's summarize environment in few lines. Take my friends, what is environment? It is sum of all factors. That is. एनी फोर्स सफटेंस कंडीशन अफेक्टिंग इंडिविजुअल इन एनी वे इट सम इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट एंड सो इट हैज बोथ कॉम्पोनेंट नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक लिविंग नॉन लिविंग बिकॉज इन सब का आपके ऊपर आपके ऊपर प्रभाव होगा हम इस बात को समझने वाले हैं नेचुरल एनवायरमेंट लैंड वाटर एयर प्लांट एनिमल नेचुरल एनवाइ आप जानते हो यह सब नेचुरल एनवायमेंट के कॉम्पोन हैं ठीक आपको हाइड्रोस्फेयर वाटर एटमोस्फेयर एयर एंड बायोस्फेयर जैवमंडल इन द प्रीवियस मैराथन ऑफ प्लास्टिक अबाउट हमने बात की थी आपसे लिथोस्फेयर स्थलमंडल हाइड्रोस्फेयर वाटर बॉडीज जैवमंडल बायोस्फेयर सॉरी जलमंडल बायोस्फेयर जैव मंडल एंड एंथ्रोपोजेनिक मीन्स इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट इंपैक्ट इंड्यूस्ड बाय मैन इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक इन हिंदी मानव द्वारा जनित So let's learn some facts about these domains. Lithosphere. Lithos means rock. Solid crust or the hard top layer of the earth. If this is our earth, the solid top, the solid top crust of earth, the hard top layer of earth is called as lithosphere. Hard rock. Hard rock. Hard rock, they are called as lithosphere. On this surface of Earth, more than 70% is covered with water. 70% प्रतिशत ज़्यादा जल से मगन है, जल से कवर है, hydrosphere, जल मंडल, जो water body को comprise कर रहा है. Okay, my dear friends, so lithosphere is made up of rocks. ये रॉक्स का बना है. एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल जो लिथोस्फेयर है वो रॉक्स और मिनरल्स का बना है लिथोस्फेयर इट इज एन इेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म्स क्या क्या आएंगे माउंटेन्स प्लेटूज प्लेन वैलीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ विच टाइप ऑफ लैंड फॉर्म इज माउंटेन फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर माउंटेन प्ले टू प्लेन तीनों फर्स्ट ऑर्डर की हैं सेकेंड ऑर्डर की हैं थर्ड ऑर्डर की हैं गाइज हम रेगुलर क्लास में अन अकेडमी के दिस इस चैनल पे फिजिकल जोग्राफी में पीछे पढ़ चुके हैं माउंटेन प्ले टू एंड प्लेन्स ठीक अगर आप नहीं बता पाओगे रिवाइज दो वीडियोज लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर गाइज इन आवर रेगुलर क्लास ऑन फिजिकल जोग्राफी नाउ डेज वी आर गोइंग थ्रू लैंड फॉर्म और पिछली क्लास में हमने डेल्टा और फ्लूवल लैंड फॉर्म खत्म किया था कल पढ़ेंगे एलियल लैंड फॉर्म एट एट पी एम सो पी रेडी फॉर दैट ऑल्सो मैडो स्टूडेंट्स सो Mountain plateau plains they are second order landform continent or ocean a first order kill landform a mountain plateau plains second order kill landform lithosphere is domain that provides us forest grassland for grazing land for agriculture and human settlement इट अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ जितने लोगों की बस्तियां हैं सेटलमेंट हैं आबादी हैं फॉरेस्ट जितने बायोम्स पढ़ते हो आप सब के सब कहा मौजूद है लैंड पे लिथोस्फेयर पे प्रेजेंट है जो खेती हो रही है एग्रीकल्चर वेर इज पॉसिबल ऑन द लैंड इट सेल्फ सो लिथोस्फेयर प्रोवाइड्स अस अग डोमैन दैट प्रोवाइड फॉरेस्ट ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग जानवरों की चरगाई के लिए ताकि प्रॉपर ग्रेजिंग फूड चेन वहां से ऑपरेट हो पाए ठीक एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मिनरल रिसोर्सेस जिसे आप इंडियन जोग्राफी में अच्छे से पढ़ने वाले हो हैव अ लुक द जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर हैविंग लिविंग कॉम्पोनेंट इज बायोस्फेयर इस तीनों मंडलों का स्थल मंडल जल मंडल और वायुमंडल का संक्रमण क्षेत्र जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पतियां उपलब्ध हैं उसे आप बायोस्फेयर और जैवमंडल जीव मंडल बोल रहे हो सो दिस इज हैविंग इमेज इज हैविंग डोमेन्स ऑफ द एनवायरमेंट लिथोस्फेयर वन डोमेन एटमॉस्फेयर वन डोमेन हाइड्रोस्फेयर वन डोमेन ओके हाइड्रोस्फेयर द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर क्या आएगा इसमें सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज रिवर्स लेक्स सीज ओशन ये सब इसमें आएंगी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक क्या है वायुमंडल अच्छे से करेंगे थोड़ी देर के बाद पूरा एक चैप्टर इसी एनसीआरटी में है अर्थ के सरफेस पे ऑल ऑफ यू नो दैट द सरफेस ऑफ अर्थ इज ओरिजिन और इवोल्यूशन हो रहा था अर्थ के इंटीरियर से गैसे रिलीज हुई एंड दीज गैसेस आर हेल्ड बाय सरफेस ऑफ अर्थ वाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज मैक्सिम एट द सर्फेस ऑफ अर्थ चूंकि पृथ्वी के सतह पे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अधिकतम है तो जितनी एटमोस्फेयर अर्थ के अंदर से गैस बाहर रिलीज हो रही थी दे आर हेल्ड बाई सर्फेस ऑफ अर्थ एंड दट इज वाई आवर एटमोस्फेयर इज एंडोजीनस इन ओरिजिन वट डू मीन हमारे जो वायुमंडल है उसकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर से रिलीज गैसों से हुई है विच इज मैक्सिम एट द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड द गैसेस एंडलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमोस्फेयर इन हिंदी आप उसे वायुमंडल बोलते हो थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड द एटमोस्फेयर अराउंड इट एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रंडीशंस स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन हम आगे इसी एनसीआरटी में जब एटमोसफेयर के चैप्टर में आएंगे माई डर फ्रेंड्स देन विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमोसफेयर हम पूरे चीजों को वन बाई वन याद करने वाले हैं सो गाइज इवन इफ यू आर वॉचिंग माई फर्स्ट वीडियो जो लोग न्यू हैं बिल्कुल परेशान ना हो ट्राई टू बी फोकस्ड ट्राई टू बी अटेंटिव एंड आज हम देखने वाले हैं कि कितनी अद्भुत है आपका रेंज ऑफ टॉलरेंस हिंदी में कितनी अद्भुत आपकी झेलन शक्ति है ठीक ऑलवेज सरवाइवल ऑफ फिटेस्ट जो फिट है वही करेगा survive। हमें इस बात को समझने की जरूरत है एटमोस्फेयर नंबर ऑफ गैसेस डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर कुछ कॉम्पोनेंट्स पर्मानेंट होंगी कुछ ट्रेस होंगी कुछ वेरिएबल होंगी वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स पॉलिटेंट दे आर वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट जो हम एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं ये एयर पोल्यूशन एटमोस्फेयर को चेंज कर रहे हैं किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेर और द लिविंग वर्ल्ड क्या है बायोस्फेयर नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद इच अदर टू सपोर्ट लाइफ सिस्टम हमने आपसे बताया कि जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन लिथोसफेयर हाइड्रोस्फेयर एटमोस्फेयर हैविंग लिविंग कॉम्पोनेट बायोटिक कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड एज बायोस्फेयर आप उसे बायोस्फेयर बोलते हो क्या था एटमोस्फेयर की पॉइंट्स फोकस ऑन द की पॉइंट ओरिजिन कैसी थी एंडोजीनस था आगे पूरा एक चैप्टर आप इस पर पढ़ने वाले हो गैस कहां से आई अर्थ के इंटीरियर से आई क्यों क्योंकि सरफेस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम है मून के पास चंद्रमा के पास कोई वायुमंडल नहीं मून हैज नो एटमोसफेयर क्यों भाई? क्योंकि मून की फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ की वन बाई सिक्स है और ये वन बाई सिक्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नॉट सफिशियंट टू होल्ड गैसेस एंड दैट इज वाई आवर ओनली नेचुरल नेचुरल सेटेलाइट मून इज विदाउट एटमोसफेयर और बात करेंगे इन चैप्टर फाइव एयर कि मून के पास वायुमंडल के न होने से कौन कौन सी बातें होने वाली है माइस्टेंट्स लिसन वेरी केयरफुली चूंकि बच्चों की किताब एन जब आपको पढ़ना होता है गाइज देन ऑलवेज यू हैव टू रीड इन बिटवीन लाइन्स आपको उसे बहुत ध्यान से और उस लाइनों का उस पैराग्राफ का दूर तक क्या इम्पैक्ट है माई फोकस इज दूर तक उन लाइनों का क्या इम्पैक्ट है और आपका कोई टाइम खराब ना हो आपको दोबारा एन पढ़ने की जरूरत ना पड़े इसलिए मैं इसके पी को अपने टेलीग्राम चैनल पर अजीत तिवारी सर एट जनरल स्टडीज पर डाल दूँगा ताकि आप आज रात में आप अच्छे से पी के थ्रू रिवाइज कर लें और रिविजन टाइम में वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे जाएं और फास्ट फास्ट रिवाइज करें ऑलवेज एनीथिंग फॉर यू गाइस बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ माय दिस ऑनलाइन फैमिली ओके सो गाइस बी अटेंटिव एंड लिसन केयरफुली सो मून के पास वायुमंडल नहीं है ठीक इकोसिस्टम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ वीव डिस्कस इन एनवायरमेंट इकोलॉजी क्लासेस हु गेव द टर्म इकोसिस्टम। माय माई फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है ए टर्म ऑज गिवेन बाई ओडम बी गिवेन बाई हीकल सी गिवेन बाई टेंसले डी नन ऑफ द एब चार ऑप्शन आपके पास है ओडम मैसाइड आप ध्यान से देखें ओडम हिकल ही नन हुव द टर्म इको सिस्टम वेल्डन गाइस वेल्डन गाइस ऋतुराज सोलरिक्स मधुरिया से क्या निश्चय आशु यू हैव गिवन राइट आंसर इट इज इट इज टेंसले टेंसले गेव द टर्म इको सिस्टम गिव गेव द टर्म इकोलॉजी ओडम गेव द टर्म इकोलॉजिकल इकोसिस्टम डेवलपमेंट ठीक इन्होंने इकोसिस्टम डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया का टर्म दिया ओके okay? क्लास सिक्स एनसीआर की पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा गाइज डोंट वरी फॉर दैट ऑलवेज फॉर यू गाइज वॉट इज इकोसिस्टम है लुक एक तरफ मेरा हाथ है सन की रेज का इंटेंस होना एक्सपोज वाटर बॉडी से इवेपोरेशन होना डस्ट पार्टिकल पे इनका सेटलमेंट होना क्लाउड की फॉर्मेशन का होना रेनफॉल का होना एक तरफ सारे अजैविक कंपोनेंट, ऑल ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स आर इंट्रैक्टिंग विथ अदर। ऑन On वन हैंड ऑल बायोटिक कंपोनेंट, ग्रासेस का आपस में इंट्रैक्शन ग्रासेस रूट में सॉयल में न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर के लिए इंट्रैक्ट कर रही हैं। एरियल पार्ट में सनलाइट और स्पेस के लिए इंट्रैक्ट कर रही हैं हर्बीवोर आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं फॉर सेल्टर एंड आपस में इंटरेक्शन जब हरबी गाय भैंस भेड़ बकरी जब घास के साथ इंटरेक्शन करेगी तो क्या होगा घास खा लेगी घास का खाना इन इंग्लिश इज कॉल्ड हरबी बोरी एंड हरबी इज ऑलसो ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन और जब इंट्रैक्शन दो जाति के सदस्यों के बीच में होगी उसे आप बोलते हो इंटर स्पेसिफिक इंट्रेक्शन अगर इंट्रैक्शन एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में हो उसे आप बोलते हो इंट्रास्पेसिफिक सो गाइज लिसन केयरफुली एक तरफ ऑल ए बायोटिक कॉम्पोनेट्स आर इंट्रैक्टिंग एक तरफ बायोटिक कॉम्पोनेंट आर इंट्रैक्टिंग ग्रासेस हर्बिवोर प्राइमरी कार्डिवर सेकेंडरी कार्डिवोर टॉप कार्निवोर एक तरफ जैविक घटक एक तरफ और जैविक घटक वेन दीस टू कॉम्पोनेट्स आर इंट्रैक्टिंग विद इच अदर इंट्रैक्टिंग ए बायोटिक कॉम्पोनेंट विद ऑफ इंट्रैक्टिंग बायोटिक कॉम्पोनेंट देन दिस्टम देन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज इको सिस्टम हिंदी कॉल्ड पारिस्थितिक तंत्र क्या है पारिस्थितिक तंत्र ऐसा तंत्र जो आपस में क्रिया करती हुई जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप बनी सिस्टम विच इज फॉर्म्ड बाई इंट्रैक्शन बिटवीन इंट्रैक्टिंग बायोटिक कंपोनेंट विद दैट ऑफ ए बैटरी कॉम्पोनेंट गाइज इज फॉर्मिंग इको सिस्टम किसने दिया टर्म टेंसले टेंसले गेव द टर्म आइए अब इस कंसेप्ट के साथ इसे हम समझने के प्रयास करते हैं वॉट इज इको सिस्टम एन की कैंप में रवि क्लास गया ठीक और फिर वहां पे झमाझम जम बारिश होती है जैसे मेरी क्लासेस में झमाझम जम नॉलेज की बरसात होती है फाइन देन वहां पे बारिश हुई इट रिमाइंड मी ऑफ माई होम इन केरला केरला इज हैविंग एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैवी रेनफॉल कोस्टल लोकेशन ओके उ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन हीरा फ्रॉम जैसलमेर तो रवि केरला से हैं और रवि अपने केरला की झमाझम बारिश की बातें कर रहे हैं फाइन और हीरा इज फ्रॉम जैसलमेर वी गेट नो रेंज क्यों क्योंकि हीरा जैसलमेर से है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री से है जहां पे दोनों स्ट्रीम्स का अरेबियन सी से जो मानसून विंड आ रही है और बे ऑफ बंगाल से आ रही है दोनों पहुंचते पहुंचते बारिश न के बराबर करती है बिकॉज ऑफ इंटीरियर लोकेशन इन द कंट्री इस बात को हम मानसून में और अच्छे से समझेंगे चूंकि मैं सेवन की बात कर रहा हूं तो बहुत देर में नहीं जाऊंगा फाइन वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइस कैन सी लेकिन आप वूट भी मिलता है आपको शिप ऑफ डेजर्ट कैमल्स आर ऑल्सो फाउंड कीकर एक मरुस्लि अनुकूलन का फलस्वरूप है इंपैक्ट ऑफ जीरो फिटिक एडेप्टेशन हैवलु हैवलु दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पौंड इकोसिस्टम इस तालाब में पौंड इकोसिस्टम में अंदर लाइट आ रहा है, फोटो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, कुछ फ्लोटिंग प्लांट हैं, उसे जू प्लैक्टोन इंसेक्ट खा रही हैं, उसे छोटी मछलियां खा रही हैं, ठीक आपको एक्वेटिक एनिमल दिख रही हैं, सबका आपस में पारस्परिक क्रिया हो रही है ये इस पॉन्ड का लिटोरल जोन है लैंड मार्जिन है वहां पे आपको फोना एनिमल्स और कुछ इमर्जिंग ग्रासेस दिख रही हैं तो यहां पे जैविक और अजैविक घटकों का फ्लोरा एंड फोना का प्रॉपर इंट्रेक्शन हो रहा है एंड गाइस दिस इज फॉर्मिंग अ इकोसिस्टम सिस्टम जीरो फिटिक बात करेंगे इन हिंदी मरुस्थली अनुकूलन हीरा से नॉट जस्ट कैमल्स रवि ने कहा था कि भाई आपको कैमल भी तो दिखता है हीरा ने कहा भाई नॉट ओनली कैमल्स जब आप डेजर्ट में जाओगे तो डेजर्ट्स में आपको क्या क्या दिखेंगे स्नेक्स लिजर्ट्स एंड मेनी इंसेक्ट और बहुत सारे एनिमल्स नॉकटर्नल होंगे रात्रिचर होंगे ठीक दिन भर वो सोएंगे और रात को सक्रिय होंगे रात्रिचर इन हिंदी एंड नॉक्टर्नल इन इंग्लिश। फाइन एनिमल्स दिस्टेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर ओ यस टीचर ने कहा भाई ऑल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन हम सब के सब डिपेंड करते हैं ऑन इमीडिएट सराउंडिंग कि हमारी इमिडिएट सराउंडिंग कैसी है फाइन सो so, जैसी हमारी इमिडिएट सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग इंपैक्ट आता जो गाइस वीडियो इज ओके एनी प्रॉब्लम बिकॉज देर इज नो बफरिंग फ्रॉम माय साइड इट इज फाइन फ्रॉम माय साइड सो माय डियर फ्रेंड्स ऑलवेज किसी भी लोकेलिटी पे जो प्लांट होंगी जो एनिमल होंगी फाइन सो so जो प्लांट होंगी जो एनिमल होंगी ऑलवेज दे आर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन हैव ए लुक कैसे ऑफ देर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेजम एंड द सराउंडिंग फॉर्म एंड इकोसिस्टम तो ऑलवेज हम समझने के प्रयास कर रहे थे कि कैसे आपस में लिविंग बींग्स का एनवायरमेंट के साथ अपनी सराउंडिंग के साथ जो इंट्रेक्शन हो रहा है गाइस इट इज फॉर्मिंग इकोसिस्टम। इट कैन बी लार्ज रेन फॉरेस्ट कैन बी घास के मैदान ग्रासलैंड, कैन बी डेजर्ट कैन बी माउंटेन कैन बी लेक कैन बी पॉन्ड कैन बी रिवर कैन बी ओशन क्या समझ में आ रहा है कि जो इको का स्पेशल डायमेंशन होगा वो हाईली वेरिएबल है अगर मैं आपसे बताऊं माय डियर फ्रेंड्स कि अगर मैंने यहां से पानी गिराई और ये वाटर का ड्रॉप नीचे गिरा और गिरते वक्त अगर इसने कोई बैक्टीरिया ट्रैप करी ठीक और दो चार बैक्टीरिया इस पानी के बूंद में ट्रैप हो गई दिस स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग फ्यू बैक्टीरिया फ्यू ताकि वो आपस में पारस्परिक क्रिया कर पाए This is the smallest ecosystem, my friends, ecosystem ka spatial dimension variable, hai. and it is variable from a drop of water having few bacteria up to the whole earth, and when उस्ट होल अर्थ इज टेकेंड एज इकोलॉजिकल मॉडल जब आप संपूर्ण पृथ्वी को एज इकोलॉजिकल मॉडल लोगे इसके पूरे बायोटिक और ए बायोटिक कॉम्पलेंट के इंट्रेक्शन को देखोगे दिस इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम कॉल्ड एज इकोस्फेयर क्या वर्ड इकोस्फेयर लार्जेस्ट इकोसिस्टम कब व्हेन होल अर्थ इज टेकन एज इकोलॉजिकल मॉडल डो थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिस्स फ्रेंड्स आर प्लेइंग इकोसिस्टम यस रवि और उसके फ्रेंड आपस में बातचीत करेंगे सो so, वो क्या करेंगे वो बनाएंगे बायोटिक कॉम्पोनेंट और उस पार्क में जो सन के रेज आएंगी इंट्रैक्ट करेंगी सोयल से मॉइस्चर रिलीज होगा ये सब ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स की आपस में इंट्रैक्शन करेंगी ठीक तो इको सिस्टम स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर अप टू होल अर्थ वेन होल अर्थ संपूर्ण पृथ्वी इज टेकन एज इकोलॉजिकल मॉडल इट इज लार्जेस्ट इको सिस्टम कॉल्ड एज इकोस्फेयर जब पूरी पृथ्वी को लोगे एज ए मॉडल तो ये बन जाएगा इकोसिस्टम इकोस्फेयर ठीक इसमें क्या होगा पूरा अर्थ होल अर्थ ठीक इस बात को समझेंगे एन्वायरमेंट ह्यूमन बींग इनफ्रैक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू दर नीड जाहिर से बात है अर्ली ह्यूमन अडेप्टेडसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग द लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड दम विथ टाइम समय बढ़ता गया हमारी इच्छाएं बढ़ती गई हमें अब पक्की सड़कें चाहिए थी हमें अब रेलवे चाहिए था हमें अब टेक्नोलॉजी चाहिए थी ठीक ह्यूमन लर्न न्यू टू यूज एंड चेंज दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लेड अ सेटल लाइफ हम घर बसाने के का कार्यक्रम शुरू कर दिया हमने हमारे सिविलाइजेशंस नदियों के किनारे स्थापित होनी स्टार्ट हुई फाइन इस बात को हम और समझते हैं द व्हील वाज इन्वेंटेड फिर पहिए का आविष्कार हुआ सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड बाटर सिस्टम आपने शायद सुना होगा कि आपके घर के बुजुर्ग आपको बताएंगे कि जब करेंसी मुद्रा इतनी प्रचलन में नहीं थी तो गांवों में देहातों में लोग क्या करते थे किसान वगैरह कि जो उनके घर में अनाज बंद उपजाऊ होता था ठीक उस अनाज को दुकान पर लेकर जाते थे वो दुकानदार को अनाज देते थे और उसके बदले में सामान लेकर आते थे दैट वॉज कॉल्ड एज अ सिस्टम एग्जाम्पल ऑफ बार्टर सिस्टम ठीक ट्रेड स्टार्टेड कॉमर्स डेवलप्ड फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन और जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल हुई तो देयर वॉज अ हाई रिक्वायरमेंट ऑफ हाई रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सो ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर फिर इंफॉर्मेशन रेवल्यूशन आई टी रेवल्यूशन कॉम्युनिकेशन के फील्ड में रेवोल्यूशन मेक इजियर स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड गाइज इसी इंफॉर्मेशन रेवल्यूशन का तो देन है कि मैं दिल्ली में हूं मैं भारत की राजधानी दिल्ली में हूं और यहां से क्लास ले रहा हूं फाइन और आप इंडिया की किसी भी पार्ट पे वर्ल्ड की किसी भी पार्ट पे होते हुए मुझसे आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो आर गेटिंग और मैं लाइव इंटरेक्ट करके आपके डाउट्स को भी क्लियर बता कर सकता हूं सो so, इस तरह हम बात समझ रहे थे कि बाटर सिस्टम में आप वस्तुएं देकर वस्तुएं ले रहे थे करेंसी उपयोग नहीं हो रहा था आप रुप, अभी आज के डेट में क्या करते हो आप? आप जाते हो तो या तो करेंसी आप डिजिटल ट्रांसफर करते हो पेटीएम करते हो ठीक या आप गूगल पे करते हो या ऑनलाइन किसी भी मोड पर ट्रांसफर करते हो ठीक या कार्ड पेमेंट करते हो या कैश देते हो और फिर उसके बदले में सामान लेकर आते हो उसमें क्या था किसानों के घर पे जो फसल की पैदावार थी उसी का कुछ हिस्सा लेकर वो दुकान पे जा रहा था और उसे दे के बदले में सामान लेकर आ रहा था दिशवास अप्रिमिटिव पैटर्न ऑफ ट्रेड बार्टर सिस्टम बी ए आर टी ई आर ठीक आप जो देखते हो हमारे इंडिया इज हैविंग डाइवर्सिटी डायवर्सिटी इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ओके एंड हैव अ लुक कैसे अलग अलग मौसम में आप अलग अलग चीजों का आनंद लेते हो ऑलवेज यू लव टू ईट जूसी वाटर मेलन इन समर आपको गर्मी के मौसम में जूसी वाटर मेलन खाने में आनंद आएगा तो वही विंटर्स में आप क्या चाहोगे हॉट रोस्टेड पीनट्स ऑलवेज देर इज अ बैलेंस परफेक्ट बैलेंस इज रिक्वायर्ड बिटवीन द नेचुर एंड ह्यूमन नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन एन्वायरमेंट के बीच में एक बैलेंस की रिक्वायरमेंट है मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरमेंट इन हारमोनियस वे सी न्यूरी इज अ गर्ल्ड न्यूरी इज गर्ल्ड फ्रॉम मिजोरम अब मिजोरम के नाम लेते आ रहा है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री डेंस फॉरेस्ट लेस ग्रीन वेजिटेशन लेस सेटलमेंट लेस पॉपुलेशन मोर लैंड प्रेशर ऑन लैंड इज लेस so but obviously there will be a different pattern of all these conditions ravi from kerala to alak environment hana so nuri from mizoram to alak environment if anyone is from jammu and kashmir alak environment seeing ravi upset at having lost his playground nuri invited him to visit her home home state

विच इज लार्जेस्ट इको सिस्टम हु टर्म इको सिस्टम बायोस्फेयर किनके बीच का जोन ऑफ ट्रांजिशन है हैविंग लिविंग कॉम्पोनेंट बायोस्फेयर किसके बीच का जोन ऑफ ट्रांजिशन है हैविंग लिविंग कॉम्पोनेट गाइस बी क्विक एंड फास्ट largest ecosystem is ecosphere tensile gave the term ecosystem or lithosphere hydrosphere atmosphere zone of transition having a living component is biosphere well done guys you are doing great well done guys well done now let's see inside our earth कुछ इमेजेस जैसे ये इमेज है दिस इज नॉट गिवन इन एनसीआर कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा इमेजेस दूंगा जो मैं आज रात में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा सो मस्ट ज्वाइन माई चैनल टी डॉट मी स्लैस अजीत लाइव है बोलो इनसाइड आवर अर्थ इंटीरियर ऑफ अर्थ किसका बना है एंड रॉक्स एंड मिनरल्स हम बात करेंगे इंक्लूसिव रॉक्स क्या है एक्सक्लूसिव क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है वॉट इज रॉक साइकिल ठीक हाउ रॉक्स आर और कैसे जब इन रॉक्स पे एक्सेसिव टेम्परेचर और प्रेशर पड़ेगा हाउ दे विल चेंज देयर फॉर्म एंड हाउ दे विल बिकम मेटामॉर्फिक रॉक हिंदी में आग्नेय चट्टानों के बारे में अवसादी चट्टानों के बारे में और कयांत्रित और रूपांतरित चट्टानों के बारे में ओके है मैड फ्रेंड्स तो इस चैनल पे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी वाला वाले चैनल पे हम सिर्फ यूपीएससी की पढ़ाई करने वाले हैं और जो मेरा पर्सनल चैनल है उस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है जितने मेरे यूपीएससी के सी के कोर्सेज हैं ऑनलाइन no confusion at all my courses are either paid on academy subscription or free youtube let's crack upccsc and other courses like biology for ssc up PCS, bihar pcs jharkhand pcs all these courses on my personal channel ajit tiwari sir so join it for that only यूपीएससी सी एस सी के लिए ऑनली ऑन दिस प्लेटफॉर्म नो कन्फ्यूजन एट ऑल कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है लुक द अर्थ आवर इज डायनेमिक प्लेनेट इट इज कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इन साइड एंड आउटसाइड ठीक हैव वंडर्ड है इज इन इंटर ऑफ अर्थ क्या कभी हमने सोचा ये बात बच्चों की किताब के बारे में हो रही थी ठीक है तो उसके रिगार्डिंग ये बात हो रही थी कि भाई अर्थ के अंदर क्या है गाइज हैव अ क्विक रिकैप दिस इज हैव अ लुक ये है आपका वन लेयर वन लेयर वन लेयर मैं कुछ आपको ब्लैंक्स दूंगा फिल करने के लिए दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड दिस इज थर्ड This first is called crust. Crust ko or kis naams this is blank A for you. This second is called mental. Is mental ko kis naams this B wala dash is for you. And my dear students, this third is called as core. कोर को आप किस नाम से जानते हो सी डैश फॉर यू राइट इन कमेंट सेक्शन ए बी सी का आंसर क्या होगा इन बिटवीन क्रस्ट आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट देयर इज जोन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इस जोन ऑफ डिसकॉन्टिनिटी को डी क्या बोलेंगे आप इन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल देर इज जोन ऑफ डिसकॉन्ट्यूनिटी इस जोन ऑफ डिसकॉन्ट्यूनिटी ई को क्या बोलेंगे आप इन बिटवीन मेंटल एंड कोर देर इज जोन ऑफ डिसकॉन्ट्यूनिटी इस डिसकॉन्ट्यूनिटी को क्या बोलेंगे फाइन क्रास्ट मेंटल कोर वेरी गुड गायज वेरी गुड वेरी गुड दिव्यमान आरती प्रियंका सरफराज, दिव्यमान आशु मधुरिया ऋतुराज शना बिल्कुल 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 गाइस हैव अ लुक हैव अ लुक गाइस हैव अ लुक क्रास्ट इज सियाल मेंटल इज सीमा कोर इज निफे वेल्डन well गाइस बहुत अच्छा क्रस्ट क्रस्ट के बीच में दिस इज कॉनरेड सी ओ एन आर ए डी कॉनरेड डिस्कटी क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहोरविक शॉर्ट में मोहो ठीक और मेंटल और कोर के बीच में आपके पास दो ऑप्शन है गाइस गॉटिनबर्ग या लेहमेन गाइज इट इज गॉटन बर्ग वी गॉट हैवी मटेरियल गॉटन बर्ग बिटवीन मेंटल एंड कोर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमैन जहां पहुंच ना पाए मैन वो है लेहमैन ठीक क्या था जहां पहुंच ना पाए मैन आउटर कोर इनर कोर के बीच में देअर इज लेहमैन वेरी गुड गाइज वेरी गुड बहुत अच्छा कर रहे हो वेरी गुड जस्ट लाइक एन ओनियन प्याज की तरह अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रेट लेथ वन एनदर आउटर मोस्ट इज क्रस्ट देखा आपने कितनी थिकनेस थर्टी फाइव किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासस ऑनली फाइव किलोमीटर ठीक है एंड ऑन द कॉन्टिनें मासेस कितना थर्टी फाइव किलोमीटर एंड ऑनली फाइव किलोमीटर ऑन द ओशन फोर्स इसकी मीनिंग ये हुई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लाइटर इट इज थिकर ओशनिक क्रस्ट थिक ओसनिक क्रस्ट थिन है डेंस है बेसॉल्ट की बनी है रिपोर्टाई लाइज इन मेंटल मेंटल आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल इज रिपोटाई डिस्क है लुक ऑन द कॉन्टिनेंटल मासव किलोमीटर एंड ओनली फाइव किलोमीटर ऑन द ओशनिक फ्लोरस सियाल सीमा निफे बात हो चुकी थी आपसे द मेन मिनरल कॉन्स्टेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम यहीं से आपने क्रस्ट को सियाल कहा इट इज दस कॉल्ड ए सियाल सिलिका एंड एल्यूमिनियम ओशनी क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम ठीक एंड जस्ट बीनीथ द क्रस्ट यहीं पर थोड़ी सी एनसीआरटी में चुकी बच्चों की किताब है आप एडवांस लेवल में इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया ठीक है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो एंड हैव लुक जस्ट बिली द क्रस्ट इन द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू डेफ ऑफ ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर बिलो द क्रस्ट हैव लुक कैसे कॉन्टेन्टल क्रस्ट इज थिक अप टू 35 किलोमीटर और इसके नीचे लगभग 2900 किलोमीटर तक लाइज मेंटल और उसके बियॉन्ड लगभग 6,400 किलोमीटर लाइज द इनर कोर कोर का सेंटर दिस इज ओशन दिस इज ओशनिक क्रस्ट सो ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस कम है ओनली अप टू फाइव किलोमीटर द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर रेडियस ऑफ अबाउट 3,500 किलोमीटर ठीक है इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन कॉल्ड एज निफे कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रॉक्स आपको मालूम है कि आउटर कोर इज लिक्विड इन नेचर इनर कोर इज इन सेमी मॉल्ट इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ ट्रिमेंडस प्रेशर फ्रॉम द एब प्रोफाइल आपको याद है कि मैसिव प्रेशर फ्रॉम द एब प्रोफाइल मेक्स इनर कोर सॉलिड और आपको याद है कि आउटर एंड इनर कोर की डिफरेंशियल रोटेशन ज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड गाइज दस आवर अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट सारी बातें मैं आपसे बहुत डेफ्त में डिटेल में कर चुका हूं द अर्थ क्रस्ट इज मेडअप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स वॉट इज रॉक रॉक की क्लास हमने बिल्कुल झमाझम जम किया था एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अपर्थ क्रस्ट इज

अवसादी चट्टान एंड रॉक वेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स आपसे बात हुई थी कि जब मोल्टेन मैग्मा की कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होगी सारा उस मैग्मा का ऑर्गेनिक मेटर लॉस्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, कोई उसमें लिविंग कार्बन ऑर्गेनिक कंटेंट जैविक पदार्थ फॉसिल्स मौजूद नहीं होंगी

पीछे क्लासेस ले चुका हूं तो यहां मैं आपको एनसीआर के ही इंफॉर्मेशन को और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं है लुक इग्नियस रॉक इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव अगर मैग्मा की कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन पृथ्वी के अंदर हुई तो आप उसे इंक्लूसिव बोलते हो इंक्लूसिव इग्नेस रॉक अगर ये मैग्मा लावा के फॉर्म पे अगर पृथ्वी के सरफेस पे आया और फिर इसकी कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन हुई लावा के फॉर्म में आप इसे एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हो इग्नेस रॉक इंट्रूसिव जब अर्थ के नीचे एक्सट्रूसिव ऊपर कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉलोस वॉल लावा इज एक्चुअली फियरी रेड मॉल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑन द सर्फेस लावा है क्या फिय रेड मोल्टेन मैग्मा कहां से आ रहा है इंटीरियर ऑफ अर्थ कहां आया सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन दिस मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड कूल्स डाउन रैपिडली बिकम सॉलिड रॉक्स फॉर्म इन सच वे आर कॉल्ड एज अगर ये कूलिंग अंदर हुई इंक्लूसिव ऊपर हुई एक्सक्लूसिव सो ऑन द सर्फेस एक्सक्लूसिव इग्नस रॉक देव वेरी फाइन ग्रेंड स्ट्रक्चर बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया का द डेक्न प्लेटू ऑफ इंडिया विच इज मेडप ऑफ बेसॉल्ट हमने इस बात को समझने का प्रयास किया था हाउ डेक्कन प्लेटू इज मेडप ऑफ दिस समाइम द मोल्टे मैगम कोस डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट डीप इनसाइड दिस इज द केस ऑफ इंक्सिव राइट इन कमेंट सेक्शन कब आप बोलोगे प्लूटोनिक बताया था आपको याद है और कब बोलोगे हाइपा बिसल प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन जो सरफेस से डीपर होगा अर्थ के बहुत नीचे होगा उसे आप ए प्लूटोनिक बोलोगे या बी उसे हाइपा बिसल बोलोगे राइट इन कमेंट सेक्शन विच इज प्लूटोनिक वेरी डीप इंटीरियर इन अर्थ इज प्लूटोनिक और क्लोज टू सरफेस मैं साइड हो में गाइस आप इसके आंसर लिख के मुझे बताएं कि किसे आप प्लूटोनिक बोलोगे वेरी डीप इंटीरियर को बोलोगे प्लूटोनिक या क्लोज टू सरफेस को बोलोगे प्लूटोनिक लेट मी नो वेरी गुड गाइज शिव मोहन वेरी डीप इज प्लूटोनिक बिल्कुल सही है एंड क्लोज टू सरफेस को आप इंट्रूसिव पायल क्लोज टू सरफेस को आप इंट्रूसिव हाइपर बिस्ल इग्नियस रॉक बोलते हो वेल वेल डन डन वेल डन गाइस बहुत अच्छा वेरी गुड सरफ्रास जो डीप होगा उसे आप प्लूटोनिक बोलेंगे और जो मधुरिया जो सरफेस से क्लोज होगा बिल्कुल सही बता रहे हो आप इट इज कॉल्ड एज हाइपा बिसल वेल डन गाइज क्या आपको हाइपा बिसल में लेकोलिथ फैकोलिथ बैथोलिथ याद है मशरूम सेप को हमने कहा था लेकोलिथ डोम सेप को कहा था हमने बैथोलिथ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ से कहा था हमने फैकोलिथ राइट इन कमेंट सेक्शन सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन लार्ज ग्रेन कहां पे इंट्रूसिव इग्नस रॉक ये धीरे से ठंडा क्यों हो रही है क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में ऑलरेडी टेम्परेचर इज हाई ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक ग्राइंडिंग स्टोन क्या आपने कभी आजकल तो आप देख रहे हो लाइफ कितनी रेडीमेड हो चुकी है फाइन सो गाइस इंट्रूसिव रॉक में प्लूटोनिक और हाइपर दोनों आएंगे क्योंकि तो दोनों अर्थ के सरफेस के नीचे हैं क्या कभी आपने हिंदी बेल्ट में बोलते हैं सील बट्टा कि एक रॉक है और एक इस तरह के राउंडेड रॉक से लोग पे मसाले पीस रहे हैं ग्राइंडिंग ऑफ स्पाइसेस जिस सील बट्टे पे ग्राइंडिंग ऑफ स्पाइसेस हो रही है उसे आप पाउडरी बना रहे हो इट इज सी ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेडप ऑफ ग्रेनाइट वो किसकी बनी है वो ग्रेनाइट की बनी है इट इज मेडप ऑफ ग्रेनाइट आज कल शहरों में लोग इसे देख नहीं पाते जान नहीं पाते लाइफ इज सो इंस्टेंट एंड हाउ एनवायरमेंट इज चेंजिंग जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस सेटमेंट्री रॉक रॉक्स रोल डाउन क्रैक्स एंड हीट इच अदर और ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट जब बड़े बड़े इग्नस रॉक रोलिंग होगी आपस में एक्सक्लूसिव इग्नेस रॉक टकराएंगे उसके फ्रेगमेंट्स निकलेंगे िस फ्रेगमेंट स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड एस सेडमेंट दि सेडमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाई विंड वाटर एंड दिज लूज सेट आर कॉम्प्रेस्ड एंड हार्ड एन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स कई बार ऐसा होगा कि इग्नेस रॉक्स रोलिंग हो रही है आपस में टकरा रहे हैं लूज फ्रेगमेंट रिलीज हो रही है दिस लूज फ्रेगमेंट आर कॉल्ड एज सेडमेंट एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये सेडिमेंट्स आपस में कंप्रेस हो रहे हैं सीमेंट हो रहे हैं हार्ड हो रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ रॉक दिस टाइप ऑफ रॉक फॉर्म्ड बाय सीमेंटेशन कॉम्पेक्शन स्क्वीज़िंग ऑफ सेडिमेंट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक इसके पास फॉसिल कंटेंट मौजूद होंगे ये स्टेटिफाइड होंगी सतह के रूप में लेयर के रूप में होंगी फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेजम्स कई बार क्या होगा कि इसके पास जीवाश्म उपलब्ध होंगे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा मेटामॉर्फिक रॉक इग्नेस रॉक एंड सेटमेंट्री रॉक कैन बी चेंज इन टू मेटामॉर्फिक रॉक कब जब वो एक्सेसिव हीट और प्रेशर को फील करें फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इंटू स्लेट लाइम स्टोन इंटू मार्बल जो ताजमहल वाइट मार्बल की बनी है ये एक रॉक है क्वेश्चन इज कैसा रॉक इट इज एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल इज एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक स्लेट इज एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक सेटमेंट्री रॉक्स टर्न इंटू मेटामॉर्फिक रॉक स्टोन्स इन गेम्स कई बार आजकल के बच्चे मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं क्या आपने अपने बचपन में कोई ऐसा गेम खेला है जिसके नाम है पिट्ठू या गिट्टी पिट्ठू गिट्टी इस तरह के खेल आपने पत्थरों से कंकड़ों से खेला कभी Okay, have a look. Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses, buildings. You use stone in many games. Seven stones, two hop scotch, stapukit, five stone, gitti. Find out some more such games by asking your grandparents, your neighbors, take. तो आप अपने पड़ोसियों से ग्रैंड पेरेंट्स से अपने पापा मम्मी से पूछेंगे तो दे विल टेल यू अबाउट द स्टोन गेम्स कि कैसे वो लोग स्टोन गेम्स खेलते थे अब आजकल के बच्चे मोबाइल गेम्स खेलते हैं सी हाउ लाइफ इज चेंजिंग एक्सलेंट एग्जाम्पल गिवन इन एन सी आर टी ताजमहल इज मेडप ऑफ वाइट मार्बल रेड फोर्ट इज मेडअप ऑफ सीडमेंट्री रॉक रेड सैंड स्टोन किसका बना है सैंड के सेडिमेंट से बना है सो रेड फोर्ट आपको डेली का दिख रहा है ताजमहल ऑफ आगरा मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल का बना है रॉक साइकिल सो गाइस रॉक आपस में वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इनटू अदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू एनदर इज कॉल्ड एज रॉक साइकिल आप उसे रॉक साइकिल बोलते हो फाइन यू हैलरेडी लर्न वेन द मॉल्टेन मैगमा कूल्स इट सॉलिडिफाइड एंड इट बिकम्स इग्नस रॉक आपने अभी समझा ध्यान सुनेंगे कैसे रॉक साइकिल हो रही है मैग्मा जो मॉल्टेन था हॉट था फेरी रेड था लेट्स रिकैप जब उसकी कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन लेट्स मेमोराइज अर्थ के नीचे हुई इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बहुत नीचे हुई प्लूटोनिक क्लोज टू सरफेस हाइपाबिसल क्लोज टू सरफेस अलग अलग फॉर्म में हुई डोम सेफ्ट बैथोलिथ वॉल की तरह डाइक बेड की तरह सिल मशरूम लाइक लेकोलिथ और जब एंटीक्लाइन सिंह में इसकी इंजेक्शन हुई फैकोलिथ सोसर से डिप्रेशन लोपोलिथ याद आया जब यही मैग्मा क्रस को तोड़ फोड़ के सरफेस पे आया क्रैक्स के थ्रू आया फिशर टाइप इरप्शन दूर तक फैला प्लेटूस का निर्माण हुआ को तोड़ के एक वेंट के थ्रू बाहर आया सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन वॉल्केजम ज्वालामुखी कोन वॉलिक माउंटेन्स आर फॉर्म सरफेस के ऊपर एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक जब एक्सुस इग्नेस रॉक्स की रोलिंग ट्रांसपोर्टेशन हो रही है टेम्परेचर एंड प्रेशर गाइस दे आर फॉर्मिंग मेटामॉर्फिक रॉक है ना मजे की बात हो रहा ना याद Guys, अगर याद हो रहा है तो let me know in the comment section. Fine? So, ये सब आपस में चीजें हम एक एक के बाद एक समझ चुके थे और रॉक्स जब आपस में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे आ रही हैं दे आर फॉर्मिंग मेटामॉर्फिक रॉक ठीक और फिर जब मेटामॉर्फिक रॉक फिर अगर अधिक प्रेशर पे आई हीट पे आई तो मेटामॉर्फिक रॉक फिर पिघल के बना देगी मॉल्टेन मैग्मा और फिर इस मॉल्टेन मैग्मा की जब वापस में कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होगी तो साइकिल वापस में कंप्लीट हुई देन साइकिल इज अगेन कंप्लीटेड है न मजे की बात मैग्मा से इग्नियस इग्नियस से सेटिमेंट्री सेटिमेंट्री से मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक हाई टेम्परेचर पर फिर पिघल के मैग्मा साइकिल हो गई कंप्लीट है लुक मैग्मा, इग्नियस सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, ब्रेकडाउन हुआ और फिर मेटामॉर्फिक फिर मैग्मा। इसे आप बोल रहे हो रॉक साइकिल क्या बोल रहे हो रॉक साइकिल वेरी इंटरेस्टिंग मिनरल्स एंड देयर यूजेस are आर up ऑफ डिफरेंट मिनरल्स मिनरल्स आर क्या है नेचुरली विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन मिनरल्स है क्या ठीक ये नेचुरली अकरिंग पदार्थ है जिनकी अपनी एक कुछ भौतिक लक्षण होंगी और उनका खास एक रासायनिक संगठन होगा केमिकल कॉम्पोजिशन होगा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स हमारे लिए आपके लिए मिनरल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है कईयों के इस्तेमाल करोगे आप एज ए इथन यूज एज फ्यूल्स फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम देर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज आयरन एल्यूमिनियम गोल्ड यूरेनियम इन मेडिसिन इन फर्टिलाइजर्स सो मिनरल्स को आप आयरन एल्यूमिनियम गोल्ड यूरेनियम मेडिसिन फर्टिलाइजर्स इसमें आप इस्तेमाल कर रहे हो गाइस, लेट्स रिवाइज सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर टू एज वेल आइए इसे रिवाइज करते हैं क्या ये पॉसिबल है आप मुझे बताना यस और नो क्या पॉसिबल है, है कि इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री बन जाए राइट यस और नो क्या पॉसिबल है सेडिमेंट्री से मेटामोरफिक बन जाए राइट यस और नो क्या पॉसिबल वापस मेटामॉर्फिक से इग्नियस बन जाए राइट यस और नो फाइन क्या आपको याद आ रहा है कि जैसे अर्थ के सर्फेस नीचे जाओगे याद आएगा तो एक थम्सअप करना आप ठीक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेटल क्रस्ट थिकर, ओशनिक थिनर। एनसीआरटी में दिया कि क्वॉन्टेटल क्रस्ट इज अप थर्टी 35 किलोमीटर ठीक एडवांस बुक्स में 0 टू 33 किलोमीटर ओशनिक क्रस्ट थिन है डेंस है कॉन्टिनेटल लाइट है थिक है क्रस्टों के बीच में कॉनरेड क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो मेंटल इज सीमा मेंटल और कोर के बीच में गॉटनबर्ग आउटर कोर इज लिक्विड इनर कोर इज सॉलिड आउटर और इनर कोर के बीच में लेमन जेफरीज याद आया यस गिव अ बिग थम्स अप गाइस एंड लेट्स मूव अहेड हेड सो आवर चेंजिंग अर्थ गाइस कुछ भी पॉसिबल है अगर आप पेशेंस बना के मेरे साथ टिके रहोगे तो चार घंटे में हम पूरी एनसाइटी को यू ही याद करने वाले हैं क्या पढ़ेंगे हम व्हाट आर एक्सोजेनिक फोर्सेस एंडोजेनिक फोर्सेस लिथोस्फेरिक प्लेट्स सडन मूवमेंट डाइस्ट्रफिक फोर्सेस अर्थक्वेक वॉल्केनो फोकस इपिसेंटर मेजर लैंड फॉर्म्स ये सब हम देखने वाले हैं क्या है वाटरफॉल मियंटर्स ऑक्सबो लेक्स फ्लड प्लेन्स हैं मजे के बाद ये सब चीजें सेवन की एनसीआर टी में माई डिफ्रेंट दी हैं लेविस डेल्टा सी केफ्स सी आर्चेस स्टैक्स सी क्लिप्स ग्लेशियर फॉर्म्स मशरूम रॉक्स सैंड ड्यून्स ठीक और फिर इस तरह की चीजों को आप गाइस समझने वाले हो सो बी रेडी फॉर दैट बिल्कुल आप उसके लिए तैयार हो जाए ओके टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ एक लंबी गहरी सांस लें अगर आसपास पानी है तो जल का ग्रहण करें मैं भी पानी तक पीता हूं माय डियर फ्रेंड्स और फिर हम इस चैप्टर को फटाफट याद करते हैं माय डियर फ्रेंड्स ऑलवेज हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन अंडर परफेक्ट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस के सो लेट्स हैव अ लुक वन बाई वन द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इन टू नंबर ऑफ प्लेट्स जब लिथोस्फेयर स्थल मंडल कई सारे टुकड़ों में टूट जाएगा तो ये बनाएगा प्लेट्स एंड गाइस यू नो दैट दिस प्लेट्स आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड साइड द अर्थ सोचिए क्लास सेवन की बुक में ये बात बता दी गई है कि मोल्टेन मैग्मा की मूवमेंट जिसे हम लोगों ने बड़े होके कन्वेक्टिव करेंट कन्वेक्टिव करेंट और थर्मल करेंट्स इसे बोलते हैं दिस कन्वेक्टिव करेंट्स और थर्मल करेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रैगिंग ऑफ द प्लेट्स ओके द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज सोन इन द एक्टिविटी देखेंगे ऐसे आप इस तरह के सर्कुलर मूवमेंट को ही तो आप क्या बोलते हो मेंटल प्लूम बोलते हो मेंटल प्ल्यूम बोलते हो क्या बोलते हो इसे आप कन्वेक्टिव करेंट्स बोलते हो क्या बोलते हो इसी को आप माइ फ्रेंड्स थर्मल करंट बोलते हो क्या बोलते हो इसी को आप थर्मल करंट्स बोलते हो फाइन द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफ़ेस ऑफ अर्थ यही प्लेट की मूवमेंट अर्थ के सरफ़ेस पे कैसे मूवमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्मा इन द सर्कुलर फॉर्म क्या बोलेंगे कन्वेक्टिव करेंट्स थर्मल करेंट्स और मेंटल प्लूम्स बोलेंगे द अर्थ मूवमेंट आर डिडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज विच कॉजेज दम द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक की वर्ड एक्सोमींस बाहर जेनेसिस और ओरिजिन जिन फोर्सेस की ओरिजिन अर्थ के सरफेस के ऊपर हुई उसे आपने एक्सोजेनिक कहा ओरिजिन अर्थ के नीचे हुई उसे आपने एंडोजेनिक कहा अ लुक अर्थ मूवमेंट एक्सोजेनिक फोर्सेस का ओरिजिन सरफेस के ऊपर ये क्या करेंगी इरोजन और डिपोजिशन कई से चीज़ों को इरोड करेंगी और कहीं जाके जमा करेंगी कौन सी मेन फोर्सेस हैं रिवर विंड सी वेव्स ग्लेशियर्स इन्हीं को आप पॉपुलरली बोलते हो एजेंट्स ऑफ डीन्यूडेशन क्या बोलते हो आप एजेंट्स ऑफ डीन्यूडेशन को आप एजेंट्स ऑफ डी न्यूडेशन बोलते हो एंडोजेनेट्रिक फोर्सेस जिसकी ओरिजिन अर्थ के अंदर होगी सडन फोर्सेस अर्थक्वेक वॉल्केनो लैंडस्लाइड स्लाइड डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस बिल्डिंग माउंटेन्स स्लोली स्लोली लंबे टाइम्स में ओरोजेनी हो रही है ओरोजेनी मीनस पर्वतों का निर्माण सबसे हाल की ओरिजनी रिसेंट ओरिजेनी इज एल्पाइन ओरिजिनी इस एल्पाइन ओरिजिनी में जो हाल ही में खत्म हुई है कितने हाल में थर्टी मिलियन ईयर्स एगो इसे आप रिसेंट बोलते हो इसी में यंग फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन हुई यंग फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यूरिंग एल्पाइन ओरिजिनी एल्पाइन ओरिजिनी में यंग फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई एंडोजेनिक फोर्सेसम टाइम्स प्रोड्यूसेस सडन मूवमेंट एंड नंबर टाइम स्लो मूवमेंट सडन मूवमेंट अर्थक्वेक वॉल्केजेस मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ अर्थ क्या आप मुझे इस बात को समझ के बता सकते हो कि विच इज मोर हार्मफुल सडन मूवमेंट और डायस्टोफिक फोर्सेस जाहिर सी बात है have a look. वॉलो इज इवेंट, गाइस बी अटेंटिव और वॉलो में जो मैंने आपको पढ़ाया है मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैग्मा इज कमिंग आउट दिस इज मैग्मा चैम्बर और यहां से मैग्मा नेक और ओपनिंग से बाहर निकल रहा है जब मैग्मा लावा के फॉर्म में सरफेस पे आ जाए तो यहां के लोग हो जाएंगे दुखी क्योंकि यह हो रहा है ज्वाला मुखी महकमा ने कर दिया लावा के फॉर्म में दुखी क्योंकि हो चुका है ज्वाला मुखी गुड ट्रिक टू मेमोराइज इस लावा में मैसिव ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन कार्बन वाटर वेपर फिर वॉल्केनिक एरोसॉल्स वॉल्केनिक एरोसॉल्स डस्ट पार्टिकल्स ये सब के सब मैसिव फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं कई बार मेन नेक की प्लगिंग हो गई और इस मैग्मा ने यहां से रास्ता ढूंढ लिया और एक कॉम्पोजिट वॉलक्यूनो कॉम्पोजिट कोन की फॉर्मेशन कर दी किसका इफेक्ट है सडन फोर्सेस का इफेक्ट है किसका इफेक्ट है एंडोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस का इफेक्ट है माइड फ्रेंड्स दिस इज इफेक्ट ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस अर्थक्विक आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ द पॉइंट थ्रू विच आर्थक्विक ओरिजिनेट इज कॉल्ड राइट इन द कमेंट सेक्शन द पॉइंट थ्रू विच आर्थक्विक ओरिजिनेट इज कॉल्ड उसे आप क्या बोलोगे जो पॉइंट उसके बिल्कुल ऊपर है वर्टिकली अब है उसे आप क्या बोलोगे उसे आप क्या बोलोगे माइड स्टूडेंट्स हैव लुक वेन लिथोस्फेरिक प्लेट मूव सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट्स एंड दिस वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ

और जो पॉइंट इसके ऊपर है इसे आप बोलते हो ईपी e. सेंटर आपको तो याद है माय डियर फ्रेंड्स कि कैसे इस ईपी e. सेंटर के एंगल से 105 डिग्री टू 145 गिवन इन एनसीईआरटी 105 जीरो टू वन इज रीजन ऑफ सिस्मिक सैडो जोन सिस्मिक सैडो जोन में कोई सी सिस्मिक वेव्स एंटर नहीं करती ठीक है बोलो वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम द ईपी सेंटर एज वेव्स एंड ग्रेटेस्ट डैमेज इज क्लोजेस्ट टू द ईपी सेंटर एंड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ के डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर और 105 और 145 के एंगल में कहीं कोई भूकंप के झटके महसूस नहीं होंगे तो उसे आप बोलते हो सिस्मिक सैडोजोन सिस्मिक सैडोजोन में नो अर्थक्वेक इज फेल्ड है लुक फोकस पॉइंट वर्ड एब ईपी सेंटर प्लेट बाउंड्री सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन ये आपको एनसीआरटी में इमेज दिखा रहा है हाउ देयर इज ओरिजिन ऑफ फोकस ऑल दो अर्थक्विक कैनॉट बी प्रडिक्टेड इम्पैक्ट को आप मिनिमाइज करोगे अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो सम कॉमन अर्थक्वे प्रडिक्शन मेथड एडोप्टेड लोकली बाई पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर कुछ कुत्ते वगैरह भोगने लगते हैं जानवरों को कुछ बेचैनी सी महसूस होती है और वो कुछ एब एबनॉर्मल फीचर्स को फील करते हैं एक्सप्रेस करते हैं फिश इन पॉन्ड गेट्स एजिटेटेड, स्नेक्स कम्स टू सरफेस सांप अपने बिल से बाहर निकल आते हैं आपको दिख रहा है एक बिल्डिंग कैसे इसका डिस्ट्रक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ इंपैक्ट ऑफ सिस्मिक वेव्स। वेवस माइड्रेंड्स राइट आंसर विच अर्थक्वेक वेव इज मोर डेंजरस ए प्राइमरी वेव्स बी सेकेंडरी वेव्स, सी सरफेस वेव्स सरफेस वेव्स ऑल्सो कॉल्ड लव वेव्स। कौन सी सबसे ज्यादा खतरनाक है प्राइमरी वेव्स ए बी और सी राइट इन कमेंट सेक्शन गाइस जो सबसे पहले नाम लेगा यह शिवमोहन इज करेक्ट ऋतुराज इज करेक्ट अनुराग इज करेक्ट सरफराज इज करेक्ट सरफेस वेव्स सोलरिक्स इज करेक्ट सरफेस वेव्स और एल वेव्स और लव वेव्स आर मोस्ट डेंजरस जब प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स सरफेस पर आती हैं यही सरफेस के थ्रू प्रोपगेट करती हैं एंड गाइज वेन दे आर प्रोपेटिंग थ्रू सरफेस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज डिस्ट्रक्शन एंड दे आर कॉल्ड एट सरफेस वेब्स उसे आप सरफेस वेब्स बोलते हो है लुक अर्थक्वेक वेब्स याद है आपको दुख भरी भूकंप छब्बीस जनवरी दो हजार एक वाली सिक्स पॉइंट नाइन ऑन द रिक्टर स्केल जो कि भुज टाउन को जिसने हिट किया था है कि नहीं आपके सामने कुछ वर्स्ट केसेस आपको दिख रही हैं माइड स्टूडेंट्स हम दो टर्म्स को रिकैप करेंगे किसी भी भूकंप के दौरान ड्यूरिंग एनी स्पेसिफिक अर्थक्वेक ऑफ एनर्जी रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक उसे आप रिक्टर स्केल में मेजर करते हो और किसी अर्थक्वेक के दौरान जो डैमेज होगी उसे बोलोगे इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक उसे आप मॉडिफाइड मर्केली स्केल पे मेजर करते हो बिल्कुल स्पष्ट है एनर्जी रिलीज मैग्निच्यूड मेजर इन रिक्टर स्केल डैमेज इंटेंसिटी मेजर इन मॉडिफाइड मर्केली स्केल पॉइंट थ्रू विच ओरिजिनेट फोकस बोलो एक केस स्टडी के बारे में बात की गई आपसे तो क्या क्या करेंगे आप जब कभी भूकंप आए तो सेफ स्पॉट पे जाएंगे आप कैसे किचन काउंटर के नीचे टेबल के नीचे डेस्क के नीचे दीवालों के किनारे पे कॉर्नर ऑफ वॉल ऑलवेज स्टे फ्रॉम द फायर प्लेसेस दूर है वहां से ठीक चिमनीज लोगों को अवेयर करें

ंग इज ब्रेकिंग ऑफ ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस इरोजन इज वियरिंग अवे ऑफ द लैंड स्केप बाई डिफरेंट एजेंट जिसे मैंने अभी आपको एजेंट ऑफ डी न्यूडेशन बताया था लाइक वाटर विंड एंड आइस कैस कल हम विंड के द्वारा लैंड फॉर्म्स को एट पी एम पे पढ़ने वाले हैं फाइन इस बात का ध्यान रखेंगे आप द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे बाय वाटर विंड एंड सो ऑन एंड देन दे आर डिपोजिटेड द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट लैंड फॉर्म्स अगर कहीं से चीजें इरोड हो रही हैं तो वहां पे अलग अलग तरह की स्थल आकृतियां लैंड फॉर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है अगर वो कहीं पे जमा हो जा रही है डिपॉजिट हो रही है तो जब एजेंट ऑफ डी न्यूडेशन विंड वाटर ग्लेशियर्स, सी वेव्स ये जो चीजों को इरोड करेंगी तो ये जो लैंड फॉर्म्स बनाएंगी उसे आप इरोजनल लैंड फॉर्म्स बोलते हो और इन्हीं के ट्रांसपोर्टेशन के बाद इनके जमा होने से जो लैंडॉम्स बनेगी माइडियर फ्रेंड्स उसे आप डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स बोलते हो वर्क ऑफ ए रिवर द रनिंग वाटर इन द रिवर लैंडस्केप, ठीक और वो हार्ड रॉक को कट करके कैसे वो डीप वैलीज बना रही है और फिर जाके वाटरफॉल हो रहा है एंड वी हैव डिस्कस कैसे वो पॉट होल प्लंज पूल ये सब फॉर्मेशन करेगा गाइज एज रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न एंड याद है आपको कैसे वो मेंडर की फॉर्मेशन हो रही है एंड वी नो दैट आर फॉर्म्ड इन द प्लेन, इन द मिड सेक्शन ऑफ रिवर और लोअर रिचेस ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड ऑफ द मेंडर द एंड ऑफ द मेंडर

लेट्स मेमोराइज एक बार बहुत ध्यान से देखें आप जब नदी लगातार प्लेन पे मेंडर कर रही है मेंडर क्यों कर रही है नदी का ऐसे ऐसे जाना इज कॉल्ड एज मडरिंग क्योंकि स्लोप जेंटल है ढलान बिल्कुल समतल है नदी की एनर्जी कम हो चुकी है और रिवर अपने आउटर बैंक में लगातार इरोजन कर रही है और जो आउटर बैंक को आप बैंक ऑफ कॉन्टिनुअस इरोजन बोलते हो इरोडल मटेरियल्स इनर बैंक में जमा हो रही है बैंक ऑफ डिपोजिशन हो रही है और इस इरोजन और डिपोजिशन के होते होते कितनी बार ऐसा होगा कि ये इरोड होते होते यहाँ पे जमा होते होते ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में ये चीज कुछ ऐसी हो रही है और ये अलग से बन गया और ये जाके दूर हो गया मेन लूप से और जब यहां पानी का जमाव होगा इट इज कॉल्ड ऑक्स बो लेक इन हिंदी गोखुर झील इन लैंडफॉर्म्स फॉर्मड बाय रिवर वी हैव डिस्कस इन ग्रेट डिटेल मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था थाव लुक फ्लड प्लेन एज इट फ्लड्स क्या करेगा फाइन से ये मेन आपको यहां पे डिपॉजिट हो रहा है यहां पे इरोजन हो रहा है और कैसे कट के अलग हो गया ऑक्स बो लेक की फॉर्मेशन होगी जब रिवर में बाढ़ आएगी तो क्या करेगा वो वो अपने मार्जिन से पानी बाहर लेकर जाएगा उसके मार्जिन पर जब सेडिमेंट जमा होंगे तो उसे आप नेचुरल लेविस बोलेंगे और जब सिल सेडिमेंट उसके बाहर जाके प्लेन की फॉर्मेशन करेंगे प्लेन फॉर्म्ड बाय फ्लडिंग ऑफ द रिवर तो उसे आप क्या बोलते हो उसे आप फ्लड प्लेन बोलते हो आपको मालूम है कि दिस फ्लड प्लेन इज वेरी फर्टाइल द रेस बैंकेस आर कॉल्ड एज लेवीज आप याद रखेंगे कई बार स्टेट पीसीएस में बिहार झारखंड राजस्थान यूपी बंगाल, केरला ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूविल लैंडफॉर्म कौन सी स्थल आकृति नदी के द्वारा निर्मित है च्वाइस दे देगा मेन्डर्स लेवीज है ना फ्लड प्लेन ठीक पॉट होल वाटरफॉल और फिर पेयरिंग करेगा सिलेक्ट द करेक्ट कोड आप समझ सकते हो ऑल ऑफ द एबव इस क्वेश्चन में आंसर होगा क्योंकि मैंने सारे वही एग्जाम्पल्स लिए जो रिवर के लैंडफॉर्म्स हैं एज अ रिवर अप्रोच द सी द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस क्यों फ्लैट सम जेंटल स्लोप हो रहा है रिवर बिगे टू ब्रेकअप इन टू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स देखिए मेन रिवर जब लोअर रिचेज पे आ रही है एनर्जी कम हो रही है सेडमेंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है सेडमेंट लूज कर रहा है और अब मेन कोर्स ब्लॉक करके वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटरीज आर फॉर्म और जब इसके मुहाने पर माउथ पे टर्मिनेशन पॉइंट पे अवसादों का सेगिमेंट जमा होगा डेल्टा इज फॉर्म द मोस्ट कॉमन फार्म ऑफ डेल्टा इज ट्राइंगुलर फॉर्म ठीक सो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरीज आर फॉर्म द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिनस टू डिपोजिट इट्स लोड एंड ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट ओन माउथ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स आपको मालूम है कि अगर यह नदी का मुहाना है और यह समुद्र है देन ओनली सेगमेंट्स आर डिपोजिटेड एट द माउथ एंड डेल्टा इस फॉर्म अगर माउथ ऑफ रिवर अगर नदी का मुहाना समुद्र में डूबा है ट आर डिपोज करेंट वेब सेडिमेंट को लेकर चले जाएंगी एंड दिस इज दस वेर एस्टूरीज आर फॉर्मड वहां एस्टूरीज की फॉर्मेशन होगी वर्क ऑफ सी वेवस इन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेवस गिव्स राइस टू कोस्टल लैंड फॉर्म ठीक सी वेवस तटीय क्षेत्रों में बार बार इरोजन और डिपोजिशन से कोस्टल लैंड फॉर्म्स की फॉर्मेशन करेंगी सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स क्या होगा क्रैक्स एंड वाइडर। और उस क्रैक्स पे गुफा की तरह की आकृतियां केव्स आर फॉर्मड आपको याद रखना है केव्स सी वेव्स का कोस्टल लैंड फॉर्म का एग्जाम्पल है रूफ ऑफ द केव रिमेन दिस इज फॉर्मिंग सी आरचेस सी आरचे क्या है लुक शुरू में क्या हुआ केव क्रैक्स बनी फिर सी कैफ्स बना फिर सिर्फ रूफ बच गया पूरा साइड से खत्म हो गया इसे क्या बोलेंगे सी आरचिस फर्द इरोजन ब्रेक द रूफ और पूरे जब रूफ खत्म हो जाएंगी ऑनली वॉल लाइक फीचर्स जब सिर्फ वॉल लाइक फीचर्स बनेंगी बचे बचेंगी, बचेंगी पूरा ऊपर की रूफ खत्म होगी इसे आप स्टैक्स बोलते हो गाइस लेट्स रिवाइज शुरू में क्रैक्स फिर सी केव फिर सी आर्चेस रूफ भी गायब हो गई स्टैक्स

पेपल बीचेस रॉकी शोर्स रॉकी बीचेस तो कैसे हो रहा है सी वेवस डिपोजिट सेमेंट्स एलॉन्ग द शोर्स एंड फॉर्मिंग बीचस जिस तरह के सेगिमेंट का जमा होगा उस टाइप की बीच की फॉर्मेशन होगी हैवलुक ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स वर्क ऑफ आइस ग्लेशियस आर रिवर ऑफ आइस इन हिंदी कॉल्ड हिम नद ऐसा नदी जो हिम से आच्छादित हो हिम को कैरी करे हिम से निर्मित हो रिवर ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड एज कॉल्ड एज ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस विच टू इरोड लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉल्स एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो क्या करेगा जब ग्लेशियर्स मूव करेगा तो जिस सरफेस पे वो मूव कर रहा है उसकी गाउजलिंग चीजलिंग खरोचना कुरेदना और इस कदर वो नीचे के रॉक को एक्सपोज करेगा दर्व आउट डीप हॉलोज एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद द वॉटर एंड बिकम्स ब्यूटिफुल लेक्स इन द माउंटेन कितनी बार दोस्तों ऐसा होगा कि पहाड़ों पे माउंटेन्स पे ग्लेशियर्स की मूवमेंट हो रही है और वो सरफेस स्लोप को गाउजिंग चीजलिंग को और वहाँ पे हॉलोस डिप्रेशंस बना रहा है और बाद में जब आइस की मेल्टिंग होगी तो वो डिप्रेश पानी से भर जाएगा एंड माई डिफ्रेंड्स देन लेक्स आर फॉर्म्ड द मटेरियल्स कैरिड बाय द ग्लेशियर्स जो ग्लेशियर्स मटेरियल्स को रॉक को सैंड को सिल्ट को कैरी करके लेकर जाएंगी और बिल्कुल अपने जर्नी के एंड फेज पे इन सेडिमेंट्स को रॉक को सिल्ट को जमा करेंगे उसे आप बोलोगे मोरन एम ओ आर ए आई एन ई एस व्हाट इज मोरेन मोरेन इज टर्मिनल डिपोजिशन डिपोजिशन एट द एंड पॉइंट ऑफ ग्लेशियर्स इसे आप बोलते हो ग्लेशियर्स मोरेन एम ओ आर ए आई एन ई एस है कैसे ग्लेशियर्स की मूवमेंट हो रही है अगर इसने कुछ गाउजिंग चिजलिंग करी डिप्रेशन बनाया और पानी भर गया तो लेक बन जाएगा एवोलियन फॉर्म्स इसे आप डिटेल में कल 8 पीएम पे पढ़ोगे पढ़ोगे लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड क्या कभी आप कोई डेजर्ट हॉट डेजर्ट गए हो हॉट डेजर्ट जब गए होंगे आप तो आपने सैंड ड्यून्स देखी होंगी विंड इज एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट डेजर्ट में विंड ब्लो करेंगी तो कहीं से सैंड को उठाएंगी और कहीं पर जाके जमा करेंगे और सैंड की मूवमेंट होगी उसे आप मूविंग लैंड मास को ड्यून बोलते हो इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम कॉमनली कॉल्ड एज मशरूम रॉक विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट मान लीजिए अगर ये कोई रॉक पल है इस चट्टान पे ध्यान सुनिएगा इस रॉक्स पे अगर ये इस रॉक का हार्डर पार्ट है लगातार इस डायरेक्शन से विंड ब्लो कर रही है विंड लार्जर स्वाइल पार्टिकल को सैंड पार्टिकल को लेकर आ रही है ये इस रॉक पे स्ट्राइक कर रही है और कई वर्षों के बाद यही रॉक अब आपको मशरूम शेप स्ट्रक्चर में दिख रहा है नीचे बेस पे ज्यादा इरोजन इसलिए है कि ग्राउंड के क्लोज जो विंड है वो लार्जर लार्जर फ्रैगमेंट से इस रॉक पे लगातार स्ट्राइक कर रही है और बेस पे इरोजन ज्यादा है एंड अपर पार्ट इज सॉफ्ट अपर पार्ट इज सॉफ्ट एज कंपेयर अपर पार्ट इज वाइडर एज कंपेयर टू लोअर पार्ट सैंड विंड ब्लोस इट लिव्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपोजिटेड इन द लो हिल्स ठीक दिस आर कॉल्ड एज सैंड वेन ग्रेन ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी देम अप टू वेरी लॉन्ग डिस्टेंस और जब बहुत दूर जाके ये फाइन फाइंड सैंड जमा होंगी तो ये जाके बनाएंगी लोयसेस Lewis's एक डिपोजिशन लैंड फॉर्म है लार्ज डिपोजिट ऑफ लोयस इज फाउंड इन चाइना देअक्स है दिखाया कि भाई नैरो बेस क्यों है और वाइडर टॉप है वाई देर इज बेस? वाई देर इज वाइडर टॉप वाइडर टॉप क्यों क्योंकि क्यों ऊपर सैंड का इफेक्ट सैंड ब्लास्टिंग का इफेक्ट इरोजन का इफेक्ट कम है और नीचे नैरो क्यों बिकॉज इफेक्ट ऑफ इरोजन इज मोर सैंड ड्यूज मूविंग सैंड मासेस। आपको दिख रहा है सैंड ड्यूज कैसे ये सैंड ड्यूज मूव कर रही है गाइज लेट्स रिवाइज दिस चैप्टर बी क्विक एंड फास्ट टाइम टू स्टे फोकस बी एटेंटिव एंड बी स्मार्ट मैं लैंड फॉर्म का नाम लूंगा आप बताओगे इस लैंड फॉर्म को कौन बना रहा है आर यू रेडी गाइज अगर आप रेडी है गिव अ बिग थम्स अप गिव अग थम्स अपझे आप बताएं कि यू आर रेडी फॉर द एंसर राइट इन द कमेंट सेक्शन गाइज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं फाइन चलिए ओके कौन बना रहा है मियंडर्स हु इज फॉर्मिंग मियंडर्स मी नो मंडर्स कौन बना रहा है हु इज फॉर्मिंग वेल डन श्वेता सोलरिक्स मधुरिया प्रतिभा आरती सेना शालू वेल्डन गाइज वेल्डन गाइज वेल्डन ग्रेट रिवर इज फॉर्मिंग मेंडर्स हु इज फॉर्मिंग ऑक्सबो लेक हु इज फॉर्मिंग ऑक्सबो लेक ऑक्सबो लेक अगेन वेल्डन रिवर ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन रिवर के हेड वाटर ओरिजिन के पास होगी या मिड सेक्शन और लोअर रिचेस में होगी हेड और मिड सेक्शन एंड लोअर रिचेस हेड मिड सेक्शन और लोअर रिचेस वेल एन गाइस डूइंग ग्रेट वेल एन वेल एन गाइस वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड ऑलवेज मैं की फॉर्मेशन ऑक्सबोड लेक की फॉर्मेशन मिड सेक्शन और लोअर रीचेस पे होंगी मोरेन किसका लैंड फॉर्म है मोरेन। हु इज फॉर्मिंग मोरेन रिवर विंड ग्लेशियर सी वेवस रिवर विंड ग्लेशियर सी वेब्स कौन मोरेन बना रहे हैं हु इज फॉर्मिंग मोरेन वेल्ड एंड गाइज वेरी गुड बहुत अच्छे वेरी गुड गाइज वेरी गुड वेरी गुड गाइज केवस कौन बना रहे हैं हु इज फॉर्मिंग केव्स हु इज फॉर्मिंग केव्स वेल्ड एंड गाइज हु इज फॉर्मिंग केवस केव्स की फॉर्मेशन कौन कर रहे हैं गाइज Who is forming caves. Well done guys. Very Sea waves are forming caves. Caves are coastal land form. Well done guys. Very So guys, watching is excellent performance, ko I am feeling very motivated. And now come on the next chapter that is air. My students, always see हम जो हमारी थकान होती है जो हमारी टायर्डनेस होती है वो सब हमारे सोच से है मेंटली इफ यू आर स्ट्रांग मेंटली इफ यू आर टफ इफ यू आर कॉन्फिडेंट ठीक इफ यू आर हार्ड वर्किंग इफ यू आर स्मार्ट वर्किंग हाफ बेटल वन दैट डे आप देखना कैसे चार घंटे में यूं खड़े होके और आप वहीं ऑनलाइन मेरे साथ इंटरेक्ट करते करते चार घंटे की जर्नी कवर करने वालों गाइस एंड इफ रिक्वायर्ड मोर देन फोर आवर्स बिकॉज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ओके अ लुक एटमॉस्फेयर कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर Troposphere, strato, meso, thermo, exo, weather and climate. Guys, very important chapter about high pressure, about low pressure, about pressure belt, about trade wind, about westerlies, about permanent wind, about local wind. Okay, and my dear friends. अबाउट प्रेसिपिटेशन अबाउट रेनफॉल अबाउट साइक्लोन अबाउट कन्वेक्शनल अबाउट ओरोग्राफिक अबाउट ह्यूमिडिटी इन सारी चीजों को हम यू ही पढ़ने वाले हैं फाइन मैटो स्टूडेंट्स शुरू के जो चैप्टर्स हैं वही थोड़ी हैवी हैं लास्ट के चैप्टर्स दे आर वेरी शॉर्ट छोटी हैं एंड वेरी ईजी उसे आप यूं आराम से कर लोगे सो so, बिल्कुल प्रशांत मत होना एंड ऑलवेज बी रेडी हैवे लुक सो व्हाट इज एटमोस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग और सरफेस ठीक जितने लिविंग बींग्स हैं इस अर्थ पे डिपेंड्स अपॉन द एटमोसफेयर फॉर सर्वाइवल वाई बिकॉज ऑक्सीजन हम ले रहे हैं अपने ब्रीथ करने के लिए सो हैव लुक all living beings on this earth depends on the atmosphere for their survival. why? because the air we breathe is the air ka oxygen, up ho and protect us from the harmful effect of sun rays, Abhi bata dunga kaise. without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during the day. एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट ध्यान से सुनना आप गाइज लिसन वेरी केयरफुली ये हमारी पृथ्वी है पृथ्वी के अर्थ के सरफेस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम है एटमोस्फेयर की ओरिजिन एंडोजीनस है हमारे पास हमारी पृथ्वी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट इन साइड व्यू साथ में एटमोसफेयर भी घूम रहा है इस एटमोसफेयर के होने से आप अर्थ के रोटेशन को फील नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास कंपेयर करने के लिए कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं है सन की रेस एटमोसफेयर को पेंटेड करते हुए आ रही है अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है अराउंड 50 यूनिट इज लॉस्ट इन द वे ओके एंड माय डियर फ्रेंड्स अर्थ की सरफेस गर्म हुई पूरे दिन अर्थ की सरफेस गर्म हुई और रात में जब सन ओवरहेड नहीं है वेन सन इज नॉट ओवरहेड द रडिशन्स विच आर एब्जॉर्ब थ्रू आउट द डे दे आर एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स इन कमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड एज इंसोलेशन इन इन कमिंग सोलर डिशन रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल पार्थिविकरण बैक रेडिएशन लॉन्ग वेब सोलरशन फाइन अगर वायुमंडल नहीं होता अगर एटमोस्फेयर नहीं होता अगर एटमोस्फेयर के गैसेस कॉम्पोजिशन नहीं होती तो रात में जो लॉन्ग वेव्स अर्थ के सरफेस से रिलीज हुई हैं उन्हें एब्सॉर्व करने वाला माय डियर फ्रेंड्स कोई नहीं होता क्या हो रहा है पूरे दिन पृथ्वी की सतह गर्म हो रही है कौन गर्म कर रहा है इंसोलेशन शॉर्ट वेव्स शॉर्ट वेव्स क्यों क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ होंगी तो ही वो अर्थ के सरफेस तक आएंगी एंड डियर फ्रेंड्स अर्थ के सरफेस से लॉन्ग वेव्स एमिट हो रही हैं और इस लॉन्ग वेव्स को हमारा एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट उसे एब्सॉर्व कर रहे हैं यानी दिन और रात के बीच तापमान का अंतर कम है दैट मीन्स लो डाईअर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर लो डाइर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर ठीक दिन और रात के बीच तापमान का अंतर कम वाई बिकॉज एटमोसफेयर इज फॉर्मिंग अ ब्लैंकेट सो विदाउट दिस ब्लैंकेट हम सन के रे से बच नहीं पाएंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन 78 परसेंट नाइट्रोजन लेस देन ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन यही दो मेन है परमानेंट कंपोनेंट का मेजर कंपोनेंट है जो आप एटमोसफेरिक प्रेशर फील कर रहे हो मेनली बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम ओजोन आर्गन हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी यही CO2 का अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है माइडे फ्रेंड्स तो इस सीओ टू के बढ़ते हुए कंसंट्रेशन से ही तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हो अपार्ट फ्रॉम दिस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दे दे आर वेरिएबल कॉम्पोनेंट ऑफ द एटमोस्फेयर उसे आप एटमॉस्फेयर की वेरिएबल कॉम्पोनेंट बोलते हो हैव हेलो नाइट्रोजन 78 परसेंट और थोड़ा ही कम 21 परसेंट से ऑक्सीजन 0.03 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन 0.93 परसेंट एंड गाइस इन अदर्स ऑल अदर गैसेस 0.04 परसेंट तो जो आप विंड आधी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये फील कर रहे हो इट्रोजन एंड ऑक्सीजन एक चुनाव सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन को आप ऑप्ट करोगे माई डिफ्रेंड नाइट्रोजन इज दोस्ट प्लेटिफुल गैस इन द एयर वेन वी इनहेल हम कुछ नाइट्रोजन भी अपनी लंग्स में लेकर जाते हैं वेन वी एंड एक्सहेल प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए क्यों क्योंकि नाइट्रोजन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर सर्वाइवल और वो प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लेगा वो प्लांट नाइट्रोजन सोयल से लेगा स्टूडेंट्स आप इस बात को ध्यान रखिएगा लिसन वेरी केयरफुली एंड रिमेंबर पेड़ों के पास पत्तियों के ऊपर माइनूट पोर्स हैं। इस माइनूट पोर्स द माइन्यूट पोर्स किस्म के छिद्र प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एज इंस्टोमेटा इस stomata से प्लांट एटमोस्फेयर के पॉइंट वाले सियोटू को ले रहे हेल्प ऑफ एंजाइम उसे उस सियोटू को ग्लूकोज के फॉर्म में रिड्यूस कर पा रहे हैं वाई बिकॉज प्लांट्स आर हैविंग एंजाइम उसके पास एंजाइम उपलब्ध है जो एटमॉस्फेरिक सियोटू को उसके बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में रिड्यूस कर दे कन्वर्ट कर दे लेकिन प्लांट के पास ऐसा कोई एंजाइम अवेलेबल नहीं है कि वो एटमोसफेयर के 78 परसेंट नाइट्रोजन को अपने बॉडी में रिड्यूस कर दे दैट मीन्स 78 परसेंट एटमोसफेरिक नाइट्रोजन इज ऑफ नो यूज टू प्लांट And they are mainly dependent upon the soil nitrogen. Soils of nitrogen go mainly nitrate ke form or fil nitrite ke form. Mein. Nitrate is the main followed by nitrite. They cannot take nitrogen directly from the air. Why? Because they do not have any enzyme. उनके पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इस नाइट्रोजन को उनके बॉडी में रिड्यूस कर पाए बैक्टीरिया दैट लिव इन द दॉयल एंड रूट्स ऑफ द सम प्लांट आप जानते हो यहाँ पे दलहन वाले पौधों की लेगुमिनस प्लांट की बात हो रही है लेगुमिनस प्लांट्स की बात हो रही है फ्रॉम द एयर एंड चेंजेस इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज यहाँ पे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हो रही है जो आप जानते हो कैन यू नेम बैक्टीरिया क्या आप उस बैक्टीरिया के नाम लिख सकते हो वेरी गुड स्वेता इट इज राइजोबियम राइजोबियम एक ऑक्सीजन सिकिंग एरबिक बैक्टीरिया है वेरी गुड ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट गैस इन द एयर और ह्यूमन और एनिमल ऑक्सीजन को ले रहा फ्रॉम द एयर इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग ग्रीन प्लांट्स जब करेंगी फोटोसिंथेसिस स्टेट एग्जामिनेशन में छोटे मोटे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि भाई फोटोसिंथेसिस के दौरान गाइस आंसर करना फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ फोटो में क्या हो रहा है प्लांट्स आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड उसे ग्लूकोज के फॉर्म में रिड्यूस कर रहा है एंड इन द प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज क्वेश्चन आपके लिए क्या है ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ये कहां से हो रहा है ए दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम ग्लूकोज सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स बी कम्स फ्रॉम सी ओ टू सी कम्स फ्रॉम वाटर डी ऑल ऑफ द एबव गाइज आंसर करिएगा फास्ट क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रॉम वेयर दिस ऑक्सीजन इज कमिंग मैं साइड हो जा रहा हूं आप इसका आंसर लिखें और मुझे बताएं फ्रॉम गाइज वेयर दिस ऑक्सीजन इज कमिंग आखिर ये ऑक्सीजन कहा मुझे बताए है लुक ऑन स्क्रीन एंड लेट मी नो फ्रॉम वेयर दिस ऑक्सीजन इज कमिंग ओके ए ग्लूकोज बी कार्बन डाइऑक्साइड सी वाटर डी ऑल ऑफ द एबव ओके मैक्सिमम लोगों ने ऑल ऑफ द एब आंसर किया है कमलेश हैज ऑप्टेड सी कमलेश हैज ऑप्टेड सी कमलेश हैज ऑप्टेड सी कमलेश हैज ऑप्टेड सी ओके एथेन्स हैज ऑप्टेड हाइड्रोसिस ऑफ वाटर ऋतुराज हैज वाटर एंड गाइज सरफराज हैज वाटर एंड गाइज सपना हैज वाटर एंड वाटर इज द राइट आंसर जब दो मॉलिक्यूल वाटर की फोटो स्प्लिटिंग होगी माय ड फ्रेंड्स एंड देयर इज रिलीज ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन हैव अ लुक ऑन स्क्रीन जब दो वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी तो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में वेल वेल्डन गाइज डन बिग थम्स अप टू यू मॉलिकुलर ऑक्सीजन रिलीज होगी राइट आंसर इज वाटर इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एक तरफ आप एयर इनहेल कर रहे हो एनिमल्स इनहेल कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्लांट ऑक्सीजन एटमोसफेयर में रिलीज कर रहे हैं और जब आप पेड़ काटोगे तो क्या होगा ये बैलेंस डिस्ट्रॉय होगा कार्बन डाइऑक्साइड इज अदर इंपॉर्टेंट गैस ग्रीन प्लांट क्या करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगी इन मैन्युफैक्चरिंग फूड जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होगा और रिलीज करेंगी ऑक्सीजन ठीक हम लोग क्या करेंगे हम जब सांस लेंगे तो एयर के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे और जब ब्रीद आउट करेंगे एक्सहेल करेंगे तो हम अपने ब्लड के सियोटू को एटमोसफेयर में रिलीज करेंगे एंड दस गाइज वी आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमन और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू अमाउंट यूज बाय द प्लांट विच मेक परफेक्ट बैलेंस और अगर ये बैलेंस डिस्ट्रॉय होगा दिस विल लीड टू दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग माइडर फ्रेंड्स इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि अगर यह बैलेंस डिस्ट्रॉय होगा तो दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग ये ग्लोबल वार्मिंग माइडर फ्रेंड्स कॉस करेगा दिस विल लीड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट दिस विल लीड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट और अगर आप बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स करोगे कोल पेट्रोलियम तो ज्यादा से ज्यादा सीओ टू रिलीज होगा अगर कर दोगे डीफॉरेस्टेशन तो ज्यादा से ज्यादा सीओ टू अवेलेबल होगा दे एड बिलियन ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एटमोसफेयर ईच ईयर एज ए रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एफेक्टिंग अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक जुरासरा दिस विंटर वार्मेज ऑन द रिकॉर्ड है ना इस तरह की चीजों को मैं साइड जा रहा हूं आप स्क्रीन पर देखें ये आपके एनसीआरटी में कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स लगी हुई थी जो कि मैंने आपके लिए अवेलेबल कर दिया गाइज लुक स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर फाइव लेयर्स ट्रोपोस्फ़ेयर, स्ट्रेटोस्फेयर मीजोस्फेयर थर्मोस्फेयर एंड देन एग्जोस्फेयर अर्थ के करीब कौन है ट्रोपोस्फेयर है आपको मालूम है कि सरफेस में साइड जा रहा हूं दोस्तों आप स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखो ये मैं अच्छे से बता चुका हूं हैव लुक ऑन स्क्रीन ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घटेगा स्ट्रेटो में टेम्परेचर बढ़ेगा मीजोस्फेयर में टेम्परेचर घटेगा थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा उसके बियॉन्ड इज एग्जोस्फेयर आप अर्थ पे कहीं भी हो सरफेस के क्लोज जो पोल टू तो पोल पहली लेयर है दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम मास ट्रोपोस्फेयर जिसकी हाइट इक्वेटर पे मैक्सिमम है अप टू एटीन किलोमीटर एंड 6 टू 8 किलोमीटर ओवर द पोल्स एवरेज हाइट इज थर्टीन किलोमीटर द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम एटमोस्फेयर विच लेयर टोपोस्फेयर ऑल वेदर फेनमन रेनफॉल फॉग हेल स्टॉर्म जितनी मौसम संबंधी बातें होंगी ऑल वेदर पैटर्न इज कंफाइंड टू ट्रोपोस्फेयर स्टेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा बढ़ती हाइट के साथ ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घटेगा एंड गाइस आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कैसे ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर लैप्स होगा व्हाट इज द रेट ऑफ लैप्स प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो व्हाट इज द रेट ऑफ लैप्स ऑफ टेम्परेचर बिल्कुल सही सरफराज उसे आप एन एल आर बोलोगे एन एल आर उसे आप एन एल आर बोलोगे एन एल आर मींस नॉर्मल लैप्स रेट एब इज द अपर मोस्ट लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एक किलोमीटर हाइट पे जाओगे लैप्स ऑफ 6.5 पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड एवरेजिस सिक्स पॉइंट टू ठीक आप देख पा रहे हो कि स्टेटसफेयर के हाइट इज अप टू तो 50 किलोमीटर ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड कुछ खास किस्म की क्लाउड मिलती हैं जिसे आप बोलते हो नेक्रस क्लाउड जो चमकती मोती की तरह ऑल्सो कॉल्ड एज मदर ऑफ पर्ल फॉर्मेशन क्योंकि इसमें क्लाउड कम है मौसम संबंधी बातें नहीं हो रही दैट इज़ वाई मोस्ट suitable फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन इज stratosphere. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्टेटोस्फेयर इज इट कंटेन्स ओजोन layer. इसके पास फ्रेंड्स ओजोन मंडल है ओजोनोस्फेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटो और इस ओजोन को जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड गुड ओजोन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ओजोन इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव ओजोन क्योंकि यह ओजोन आपको हार्मफुल यूवी रेस से अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है सो so, सरफेस के ऊपर ट्रोपो टेम्परेचर लैप्स होगा मैक्सिमम मास फ्रिक्शन लेयर वेदर पैटर्न ब्रीदिंग एयर ये सब यहां मौजूद है उसके ऊपर स्टेटो टेम्परेचर बढ़ेगा क्यों ओजोनोस्फेयर यूवी रेज को गुड ओजोन प्रोटेक्टिव ओजोन यूवी रेज को एब्जॉर्ब करेंगी एमिट करेंगी इन द फॉर्म ऑफ हीट बियॉन्ड दैट टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इज फाउंड इन मिजो ठीक एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर मिटराइड्स इसमें बर्न कर जाएंगी आपको मैंने क्लास सिक्स की मैराथन वाली क्लास में गाइस आपको बताया था दो टर्म समझाया था मैंने आपको मीटियोर्स एंड मीटियोराइड्स मीटियोराइड्स अगर इसे मैं ए बोल दूं इसे बी बोल दूं विच वन इज कॉल्ड शूटिंग स्टार विच वन इज कॉल्ड शूटिंग स्टार ए और बी विच वन इज कॉल्ड शूटिंग स्टार ए और बी हैव लुक सो मिट्योर आर कॉल्ड एज शूटिंग स्टार देता आपको जो ट्रिक बताया था जो सरफेस आई इज आइट और मिटोराइट सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे मिट्योर्स आर लॉस्ट इन द वे। ठीक? मिट्योर्स को आपने कहा था शूटिंग स्टार्स बिकॉज दे आर लॉस्ट इन द वे क्योंकि साइज उनकी छोटी थी और फ्रिक्शन से जल गई जो आग स्ट्राइक करेंगे मीटोराइड मीटोराइड स्ट्राइक्स ग्राउंड सी ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस नॉर्मल लैब्स रेट एट द रेट ऑफ 6.5 पॉइंट फाइव डिग्री अप्रॉक्स पर किलोमीटर ठीक स्टेटोस्फेयर आपको एरोप्लेन दिख रहा है क्योंकि यहां पर कोई बम्पी एयर पैकेट नहीं है यहां पे क्या प्रेजेंट है गुड ओजोन और पॉजिटिव ओजोन क्या करेगा यूवी रेस को एब्सॉर्व करेगा क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा अपर मोस्ट लिमिट स्टेटोपोज लोवेस्ट टेम्परेचर इज फाउंड इन मीजो क्यों क्योंकि इस मीजोस्फेयर का हीट सोर्स इज ओजोनोस्फेयर जो बहुत इफेक्टिव हीट सोर्स नहीं है किस हाइट तक अप टू एटी किलोमीटर किस हाइट तक दिस वन स्टेटो 50 किलोमीटर एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपो 13 किलोमीटर ट्रोपो की मैक्सिमम हाइट ओवर इक्वेटर कितना 18 किलोमीटर मिनिमम हाइट ओवर पोल कितना सिक्स टू एट किलोमीटर सब कुछ आपको याद करा दिया थर्मोस्फेयर सेंसिबल हीट इज लो क्यों क्योंकि बहुत ही रेयर है विरल है इज लो मोस्ट रेयर लेयर डेंसिटी कम है बियॉन्ड दिस लाइज एग्जोस्फेयर माई डे फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर जहां तक टेम्परेचर घटा ट्रोपो बढ़ा स्ट्रेटो घटा मिजो लोवेस्ट टेम्परेचर मिजो और फिर बढ़ा थर्मो चार लेयर, चार पैटर्न ऑफ टेम्परेचर चेंज हुआ गाइस यू आर डूइंग ग्रेट वेरी गुड गाइस, वेरी गुड कीप इट अप। थर्मोस्फेयर, टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर 80 टू 400 किलोमीटर आपको बताया था मैंने कि आयनोस्फेयर की ई लेयर और कैनली लेयर ये सोलर एक्स रेज को एब्जॉर्ब करती हैं दे एब्जॉर्ब सोलर एक्स लेयर ऑल्सो कॉल्ड एज ई लेयर ऑफ आयनोस्फेयर आयनोस्फेयर रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा है रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाई दिस लेर एग्जोस्फेर अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेर बहिर्मंडल एग्जोमर माइड फ्रेंड्स पूरी बात आपको अगर साथ साथ याद हो रही है देन गाइज गिव अग थम्स अप कि आप इसे बिल्कुल याद कर पा रहे हो लेट बी नो कि आप प्रोपोस टैटोमिजोथर्मो में बता सकते हो विच वन इज हैविंग लोवेस्ट टेम्परेचर वेदर एंड क्लाइमेट वेदर एंड क्लाइमेट गाइज क्या आज मौसम में बारिश होगी क्या आज ब्राइट और सनी डे होगा कितनी बार इस तरह की बातें आप क्रिकेट मैच के दौरान सुनते रहते हो कैसा मौसम होगा क्या डकवर्थ लुइस रूल लागू होगी ठीक किस तरह से आप इस बात को सुनते हो मौसम की बात करते हो वेदर की बात करते हो ओके वेदर इज आर टू आर शॉर्ट टर्म डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर हॉट और ह्यूमिड वेदर मेक वन इरिटेबल जितनी वेदर हॉट होगी जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उतना आपका स्वेटिंग पसीना कम होगा और जब डियर फ्रेंड्स पसीना कम होगा तो आप अपने बॉडी के एक्सेस हीट को रिलीज नहीं कर पाओगे और जब आप बॉडी के एक्सेस हीट को रिलीज़ नहीं कर पाओगे डियर फ्रेंड्स तो आपको चिचरापन बेचैनी इरिटेशन होगी अप्रिजेंट ब्रिजी वेदर में मेक वन चेयरफुल जब बिल्कुल मौसम सुहावना हो हल्की हल्की हवा चल रही हो तो आप बाहर घूमने को तैयार हो जाते हो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में आप घूमने को नहीं तैयार होते आप एसी में कूलर में पंखे के नीचे जैसी आपकी व्यवस्था है उसमें रहने का प्रयास करते हो कम से कम बाहर जाने का प्रयास करते हो लेकिन सब्लीजेंट और ब्रिजी वेदर हो तो आप प्लान करते हो फॉर आउटिंग वेदर कैन चेंज डी फ्रॉम डे टू डे एवरेज वेदर कंडीशन किसी भी स्थान को आप उस स्थान का क्लाइमेट बोलते हो अब आप समझ सकते हो कि क्यों डेली डेली वेदर फॉरकास्ट होती है ताकि आप क्लाइमेट के बारे में जान पाओ टेम्परेचर जो आप डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस फील करते हो इट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन समर्स हॉटर होंगी एज कंपेयर टू विंटर तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर कि एयर कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है आप उसे टेम्परेचर बोलते हो। होमीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर बैरोमीटर टू मेजर प्रेशर रेन गॉस फॉर रेनफॉल विंड वेन फॉर डायरेक्शन ऑफ विंड वॉट इज इंसुलेशन बताया था मैंने आपको इनकमिंग सोलर रेडिएशन गाइज इज कॉल्ड एज इंसुलेशन और मैंने आपको बताया था इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक ये किस फॉर्म में होंगी ये सॉर्ट वेव्स के फॉर्म में होंगी वेव्स की कम है एनर्जी ज्यादा है पेंटेशन पावर ज्यादा है वेबलेंथ कम एनर्जी हाई पेंटेशन पावर इज हाई अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे इंसुलेशन घटेगी तभी तो टेम्परेचर उसी पैटर्न में घटेगी अब आप समझ सकते हो वाई पोल स्नो बिकॉज सन रेज आर एक्सट्रीमली स्लेंटिंग इंसुलेशन इज नॉट एबंडेंट एंड दस टेम्परेचर इज वेरी लो एंड वाटर बॉडीज आर फ्रोजन अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए टू हाई इट बिकम्स टू वार्म फ्रॉम सम क्रॉप टू ग्रो जाह सी बात है ठंडी का पड़ना भी जरूरी है वट इज इंसुलेशन इन कमिंग सोलर डिशन अगर ठंडी ना पड़े तो गेहूं की फसल अच्छी ना हो है कि नहीं सो so, विंटर्स का भी होना जरूरी है सो टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विजेसिटीज में टाउन्स में अर्बन एरिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा हो रहा है इसमें लैंड यूज चेंज ज़्यादा हुआ है हमने पेड़ पौधे ज़्यादा काट दिए हैं ग्रीनरी कम हुई है कंक्रीट जंगल बन चुका है अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट हो रहा है और आप देख रहे हो कि कैसे द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग एंड द एस्प ऑफ रोड गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट ऑल्सो क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वर एंड दस टेम्परेचर ऑफ द सिटीज एयर प्रेशर आप जानते हो कि जो एयर आपके ऊपर है वो अपना वेट एग्जर्ट करता है अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज

प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन अर्थ सरफेस माइ फ्रेंड्स इज कॉल्ड एज एयर प्रेशर और जितनी आप अर्थ से ऊपर जाते हो देन प्रेशर फॉल्स द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद द हाइट हॉर्जेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस बाई टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवेन प्लेस अगर किसी लोकेशन पे टेम्परेचर हाई है तो एयर मास वार्म होंगी वार्म होंगी एक्सपेंड होंगी एक्सपेंड होंगी लाइट होंगी लाइट होंगी राइज करेंगी और वो लो प्रेशर की फॉर्मेशन करेंगी लो प्रेशर इज फॉर्म बिकॉज ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर सो टेम्परेचर इज हाई देन एयर हीटेड एंड वार्म एंड लो प्रेशर एरिया इज फॉर्म लो प्रेशर जब होगी तो कैसी क्लाउड होगी क्लाउडी स्काई और बारिश होगी एज वी गो अप लेयर ऑफ एटमोस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रेपिडली एंड एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट सी लेवल आप जानते हो कि जैसे अगर टेम्परेचर टेम्परेचर अगर लो होगा कोल्ड कंडीशन होंगी तो एयर मास कंप्रेस होंगी कंडेंस होंगी और हाई प्रेशर की फॉर्मेशन होगी अगर लो प्रेशर क्लाउडी स्काई और वेट वेदर कर रहा गाइस, तो हाई प्रेशर क्लियर एंड सनी स्काईज की फॉर्मेशन कर रहा है तो हाई प्रेशर कहां पे हो रहा है जहां पर टेम्परेचर इज लोअर क्या हो रहा है एयर इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सिंपल लॉ ऑफ डिफ्यूजन माय डियर फ्रेंड्स ऑलवेज एयर की मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगी एंड मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड उसे आप विंड बोल रहे हो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड एज विंड और अभी हम विंड विंड के थ्रू देख रहे थे हम कैसे विंड जब ब्लो कर रहा है ठीक कई बार वो जेंटली स्मूथ कई बार डस्ट लेके जा रहा है कई बार वो इतनी स्ट्रांग होगी कि आप विंड के अगेंस्ट मूव नहीं कर पा रहे हो गाइज दिस इज द केस ऑफ स्टॉर्म हैव लुक विंड कैन बी ऑफ ब्रॉडली थ्री टाइप्स मैं साइड जा रहा हूं आप स्क्रीन पर देखें और ध्यान से समझने के प्रयास करें फर्स्ट इज पर्मानेंट माइड स्टूडेंट परमानेंट विंड के तीन पॉपुलर एग्जाम्पल हैं ट्रेड विंड वेस्टर्ज एंड ईस्टर्ज द ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द एयर इन डेफिनेट डायरेक्शन कौन कौन सी अभी मैं आपसे लेट्स रिकैप में पूछूंगा माय डियर फ्रेंड्स तो इसे आप याद रखें पॉमनेंट विंड कौन कौन सी है ट्रेड विंड है वेस्टर्लीज है हैं एंड ईस्टर्लीज हैं दीज आर पॉमनेंट विंड कैसे फ्लो करेंगी कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द एयर कैसे एक डिफरेंट डायरेक्शन में सीजनल विंड अपनी पैटर्न को चेंज करेंगी फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मानसून समर में साउथ वेस्ट और विंटर्स में नॉर्थ ईस्ट ये एग्जाम्पल है एक सीजनल विंड का मॉनसून ऑफ इंडिया लोकल विंड दे ब्लो ऑनली ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ डे गाइस लिसन वेरी केयरफुली एंड हैव अ लुक ऑन स्क्रीन अगर हम लैंड ब्रीज की बात करें सी ब्रीज की बात करें लू की बात करें जो गर्मी के मौसम में हॉट ड्राई विंड इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में फ्लो करती है एल डबल ओ तो ये एक एग्जाम्पल है सीजनल विंड का क्वेश्चन इज ट्रेड विंड वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज ये परमानेंट विंड क्यों लुक माय डियर फ्रेंड्स ऑलवेज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो विंड लगातार इक्वेटरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो कर रही है उसे आप ट्रेड विंड बोलते हो जो नॉर्थ से आ रही है और इस की तरफ मूव करे नॉर्थ स्ट्रेट विंड जो साउथ से जा रही है और इस की तरफ फ्लो करी साउथ स्ट्रेट विंड हाई प्रेशर बेल्ट सब ट्रॉपिकल हाई से जो सब पोलर लो की तरफ जा रही है वो वेस्टर्लीज़ है ये भी वेस्टर्लीज़ है फाइन और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ स्टडीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ स्टडीज माय डियर फ्रेंड्स क्लास सेवन एन में हम हाउ दे आर फॉर्म नहीं समझ सकते बट जब मैं क्लास इलेवेंथ एन सी आर टी आपके लेकर ले आऊंगा देन माई फ्रेंड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ दिस इक्वेटर लो और डोल्ड्रम्स आर फॉर्म्ड क्यों आप हॉर्स लेटिट्यूड बोलते हो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को क्यों सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बना इस हाई प्रेशर बेल्ट के फॉर्मेशन का कारण क्या था इन सारी बातों को माई डिफ्रेंड्स हम समझने वाले हैं और तब मैं आपसे वहां क्वेश्चन पूछूंगा बोलोक साइक्लोन साइक्लोन इज लो प्रेशर एरिया लो प्रेशर को आप साइक्लोन बोलते हो हाई प्रेशर को आप एंटी साइक्लोन बोलते हो एंटी साइक्लोन इज हाई प्रेशर ऑलवेज विंड लो प्रेशर में कन्वर्स करेंगी ऑलवेज विंड हाई प्रेशर में बाहर की तरफ फ्लो करेंगे ठीक उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इस प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेड इन दफ बेंगाल आप सुनते रहते हो ठीक इन अक्टूबर नाइनटीन नाइनटी नाइन साइक्लोन हिट फाइव डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा सुपर साइक्लोन साइक्लोन क्या है लो प्रेशर ये क्या करेंगी जब स्ट्राइक करेंगी विंड वेलोसिटी रेन एंड टाइडल सर्ज, हाई विंड से डिस्ट्रक्शन कॉस करेंगी जोरदार बारिश से करेंगी क्यों जब भी लो प्रेशर में विंड कन्वर्स करेंगी तो मॉइस्चर कंटेनिंग विंड ऊपर जाएंगी और ये जोरदार बारिश करेंगी विंड का स्पीड अप टू टू सिक्सटी किलोमीटर पर आवर लगभग ये 36 घंटे तक मेंटेन करेगा और ये बहुत सारी वेजिटेशंस को ट्रीज को फॉरेस्ट को अपरूट करेगा कच्चे हाउसेस डिस्ट्रॉय होंगी एंड दस इट विल कॉज दस इट विल कॉज हाई मैसिव डिस्ट्रक्शन रूफ टॉप ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल स्टेट्स बाहर निकल ब्लो अवे कर जाएंगी पावर सप्लाई टेलीकॉम लाइंस डिस्टर्ब हो जाएंगी हैवी रेनफॉल होगा और साइक्लोन्स कई दिन तक कम से कम तीन दिनों तक अपने इफेक्ट को दिखा रहा है ठीक साइक्लोन इवेंट्स क्या होंगी वाटर में वेव्स जनरेट होंगी टाइडल वेव्स आर फॉर्म्ड। 20 किलोमीटर इनलैंड तक वो अंदर आ जाती हैं और वो कोस्टल एरियाज में दे आर कॉजिंग डियर फ्रेंड्स दे आर कॉजिंग मैसिव डिस्ट्रक्शन दे आर कॉजिंग मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द कोस्टल एरिया आपको एक इमेज दिख रहा है डिस्ट्रक्शन क्रॉस्ड बाय साइक्लोन साइक्लोन क्या है साइक्लोन्स आर लो प्रेशर एरिया लो प्रेशर एरिया ठीक कैसे निकल रही है डिप्रेशन की तरह लो प्रेशर की तरफ ठीक ये आपके सामने केस स्टडीज हैं चूंकि ये पुरानी बात है यहां से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है सो विल विल पुट मोर फोकस जहां से क्वेश्चन बन जाएगा मॉइस्चर वेन वाटर फ्रॉम द लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज जब जितनी एक्सपोज वाटर बॉडीज हैं जब उनके सर्फेस से ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एटमोस्फेयर में लीज होगा ठीक इट बिकम्स वाटर वेपर मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी हिंदी में आप इसे आदता बोलते हो एज द वेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ए ह्यूमिड डे अब एयर में इतनी वाटर वेपर प्रेजेंट है कि उस टेम्परेचर पे एयर और मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाएगी तो आप बोलते हो कि एयर इज सेचूरेटेड यानी उस गिवन टेम्परेचर पे ये एयर मास और मॉइस्चर कंटेन नहीं कर पा रही है ठीक जितनी एयर मास की टेम्परेचर बढ़ेगी उतनी उस एयर मास की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी ठीक इसीलिए अगर कोई एयर मास ग्राउंड के पास है वम है तो उसके पास मॉइस्चर ज्यादा है जब एयर मास ऊपर जा रही ऊपर जा रही है तो आपको अभी मालूम चला है कि ट्रोपोस्फेयर में बढ़ते हाइट के साथ टेम्परेचर लैप्स करेगा एन एल आर लागू होगा तो उस एयर मास की टेम्परेचर घटेगी तो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी घटेगी तो वो एक्सेस मॉइस्चर को वाटर के फॉर्म में लूज करेगा और वो रेनफॉल कॉस करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि वो एयर मास किस लेटीच्यूड पे है कंडीशंस कैसी हैं उसके अकॉर्डिंग वो कई बार वाटर के अलग अलग फॉर्म्स के रूप में उसे रिलीज करेगा और वो प्रेसिपिटेशन कॉस करेगा आइए इन बात को और समझते हैं एज द एयर गेट्स वार्मर हैवलुक मैं सर आप एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड दाटर वेपर इनक्रीजेस मोर एंड मोर ह्यूमिड ऑनिडे क्रॉस टेक्स लॉन्गर टू ड्राइव एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इेट इजली मेकिंग अर्स फील वेरी अनकम्फर्टेबल है न तभी तो उमस भरे माहौल में आप बिल्कुल बेचैन से चिड़चिड़े सो जाते हो कपड़े भी उमस भरे माहौल में जल्दी नहीं सूखते कपड़े सूखने में क्या होगा ऑलवेज वेटर से ड्राई एयर में वाटर का डिफ्यूज होना है वेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट कूलिंग एंड इट कंडेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्लाउड क्या है क्लाउड आर जस्ट ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स वेन दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम्स टू हैवी टू फ्लोट इन द एयर जब वो एटमोस्फेयर में फ्लोट नहीं कर पाती देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन जिसे आप हिंदी में वर्षण बोलते हो जेट प्लेन्स फ्लाई इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल्स बिहाइंड देम द मॉइस्चर फ्रॉम द इंजिन कंडेन्सेस जेट ट्रेल की बात यहां पे हो रही है वी सी द ट्रेल ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम

रेन वाटर फ्लोज डाउन बेर माउंटेन एंड कॉज फ्लडिंग इन द लो लाइंग एरिया अगर माउंटेन के स्लोप पे जितनी ज्यादा यहां पे ट्रीज होंगी उनकी रूट्स उतनी ज्यादा वाटर के इनफिल्ट्रेशन कॉज करेंगी उतना वाटर सोयल में जाएगा उतनी रनऑफ स्लो होगी इरोजन कम होगा और ग्राउंड वाटर की रिस्टोरेशन होगी अगर आपने ट्रीज कट कर दिया है तो इस बिल्कुल स्पीड से वाटर फॉल करेगी और वो जाके इट कैन कॉज कैन कॉज फ्लड इन द लो लाइंग एरियाज वहां पे वो फ्लड कॉज कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल कन्वेक्शनल ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक अभी इसे आप तुरंत समझ जाओगे बहुत ही सिंपल गाइस कि कैसे तीन टाइप के रेनफॉल आपके सामने है कोल्ड एयर और वार्म एयर ये वार्म एयर ये कोल्ड एयर बहुत ध्यान सुनेगा कोल्ड एयर और वार्म एयर जितनी एयर वार्म होगी उतने उस एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी गाइस बी अल्ट्रा अटेंटिव जितनी एयर में मॉइस्चर ज्यादा होगी जितना एयर ह्यूमिड होगा उतनी एयर हल्की होगी जी हाँ जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ड्राई एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा होंगे और वेट एयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा होंगे ऑलवेज नाइट्रोजन हाइड्रोजन से भारी है हैवी है इसीलिए ड्राई एयर इज हैवी मॉइस्ड एयर इज लाइटर तो जब कोल्ड एयर डेंस एयर वार्म एयर लाइटर एयर दोनों कंटेक्ट में आएंगी डिफरेंस इन डेंसिटी प्रिवेंट्स देम फ्रॉम मिक्सिंग और कोल्डर एयर सब्साइड करेगी वार्मर एयर राइजेस 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 और यहां पे फ्रंट की फॉर्मेशन होगी ये वार्म एयर जितनी ऊपर गई हाइट के साथ उसका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी घटेगी वाटर वेपर कंडेंस करेगा एंड सी दिस वार्म एयर इज कॉजिंग रेनफॉल ठीक साइक्लोनिक रेनफॉल इसे आप बोलते हो जब मॉइस्चर कंटेनिंग विंड एक माउंटेन के बैरियर के अलोंग मूव कर रहा है तो ये ओरोग्राफिक ओरोग्राफिक मीन्स माउंटेन बिल्डिंग दिस कॉजेज ओरोग्राफिक रेनफॉल ठीक इस रीजन में ज्यादा रेनफॉल कॉज कर रहा है और जब ये विंड स्लोप के अपोजिट साइड पे आएंगी माउंटेन के लीवर्ड साइड पे आएंगी तो ये अपने मॉइस्चर लूज कर चुकी हैं नीचे आएंगी एयर कंप्रेशन होगा और माउंटेन के बैक साइड में वो इंपार्ट करेंगी रेन सैडो इफेक्ट वो रेन सैडो इफेक्ट इंपार्ट करेंगी कितनी बार ऐसा होगा मोर कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन ट्रॉपिकल रीजन ध्यान सुनिएगा सन की रेज वर्टिकल फॉल कर रही है लेस एरिया को स्ट्राइक कर रही है एक्सपोज वाटर बॉडी से वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज कर रहा है एयर मास की कन्वेक्टिव वर्टिकल राइज हो रही है ये एयर मास जब ऊपर जा रहा है इसकी कन्वेक्टिव राइज हो रही है कन्वेक्टिव वर्टिकल राइज हो रही है तो विथ इंक्रीज़ इन हाइट ड्रॉप इन टेम्परेचर डिक्रीज इन मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी रिलीजियस रेनफॉल और आप जानते हो कि लंग्स ऑफ अर्थ में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इट कॉजेज हैवी रेनफॉल मूसलाधार झमाझम बारिश कन्वेक्सर रेनफॉल इज वेरी कॉमन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इक्टोरियल रेन फॉरेस्ट रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल क्यों भाई इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस इफ रेनफॉल इज लेस क्या होगी बारिश कम होगी तो पानी की कमी होगी सूखा होगा ड्राउट वाटर स्केसिटी और अगर ये ज्यादा हो जाए तो फ्लड तो रेनफॉल का नॉर्मल बैलेंस होना इज रिक्वायर्ड अगर जरूरत तो ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत कम हो जाए तो भी दिक्कत ज्यादा हो जाए तो फ्लड की प्रॉब्लम कम हो जाए तो ड्राउट की प्रॉब्लम ग्राउंड वाटर डिप्रेशन की प्रॉब्लम वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम गाइस, लेट्स रिवाइज राइट इन कमेंट सेक्शन गाइस एंड लेट मी नो बी क्विक एंड फास्ट वेयर गुड ओजोन और पॉजिटिव ओजोन इज फाउंड बी एटेंटिव बी फास्ट विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर हैज गुड ओजोन और पॉजिटिव ओजोन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर हैज़ गुड ओजोन और पॉजिटिव ओजोन वेरी गुड श्वेता सना प्रतिभा सपना ऋतुराज सोलरिक्स वेल्डन गाइज विच लेयर हैज लोवेस्ट टेम्परेचर Which layer has lowest temperature? Which layer has lowest temperature? Maximum weather pattern is confined in which layer? 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 Concy layer of ionosphere. विच लेयर ऑफ आयनोस्फेयर एबजॉब्स सोलर एक्सरेज विच लेयर ऑफ आयनोस्फेयर एब्जॉब्स सोलर एक्सरेज विच लेयर ऑफ आयनोस्फेयर एबजॉब्स सोलर एक्सरेज यू गाइज आर डूइंग ग्रेट बहुत अच्छा कर रहे हो आप वेरी गुड गाइज वेरी गुड वेरी गुड गाइज प्रतिभाषणा इट इज ई लेयर ऑल्सो कॉल्ड एज कैनली लेयर, सो ई लेयर और कैनली लेयर वेरी गुड गाइज नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज वाटर साइकिल हैव अ लुक हैव अ लुक हैव अ लुक पूरी आपको साइकिल बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिख रही है आप स्क्रीन पर फोकस करें गाइस हाउ वाटर इज रिलीज इन द एटमोसफेयर फ्रॉम द एक्सपोज वाटर बॉडीज फ्रॉम इवापोरेशन देन फ्रॉम इवापोरेशन फ्रॉम फ्रेश वाटर फ्रॉम सी इज ओशन सेकेंड प्लांट अपने से वाटर को वेपर के फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम ट्रांसपोरेशन थर्ड हैव लुक थर्ड कैसे फ्रोजन सरफेस से आइस सीधा वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है सबलिमेशन कैसे क्लाउड कर रही है फिर ट्रांसपोर्टेशन फिर इस पानी का डिपोजिशन कैसे ये पानी जाके सॉयल में अंदर जा रहा है उसका इनफिल्ट्रेशन कैसे ये बह जा रहा है सरफेस फ्लो वापस झील में आ जा रहा है वापस समुद्र में आ जा रहे हैं एज ए सरफेस फ्लो और इस तरह पूरी वाटर की साइकिल गाइस ऑपरेट हो रही है इन दिस वे अ प्रॉपर वाटर साइकिल इज ऑपरेटिंग माइ फ्रेंड्स इस आज की क्लास की जो पीपीटीज़ हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, नेम ऑफ चैनल इज टी डॉट मी स्लैश अजीत लाइव आप इसे ज्वाइन कर ले आज ही अभी इनफैक्ट इस पे मैं इस पूरे क्लास की पिपरी डाल दूंगा आज ही डाल दूंगा ठीक अगर कोई डाउट है आपको मेरी क्लास में इफ एनी कंफ्यूजन आप ज्वाइन कर लें यूट्यूब चैनल द नेम ऑफ चैनल इज अजीत तिवारी सर मैं इसमें वीक में आता हूं और मैं लाइव इंट्रेक्शन करता हूं दिस इज यूट्यूब चैनल आप इसमें मुझसे डाउट पूछ सकते हो सो दिस इज टेलीग्राम दिस इज यूट्यूब इस चैप्टर में आप हैवे लोग अजीत तिवारी सर इज यूटूब टी डॉट मी स्लैस अजीत लाइव इज टेलीग्राम वाटर साइकिल आप पढ़ने वाले हो कंडेशन प्रेसिपिटेशन इवापोरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज ओशनिक सर्कुलेशन वेव्स सुनामी टाइड्स ओशनिक करेंट्स इतने इंटरेस्टिंग चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आप गाइस पढ़ने वाले हो फाइन सो ऑलवेज माय फ्रेंड्स हम इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं एंड आई थिंक नो ब्रेक इज रिक्वायर्ड टू यू गाइस। जब मैं इस ओल्ड एज में इतनी हार्डवर्क कर सकता हूं गाइस, सो यू आर यंग मोर एनर्जेटिक एंड ऑलवेज यंग गाइस यू आर गोइंग टू डू वंडर्स मैं जानता हूं ओके okay? सो so, जब मैं वाटर की बात कर रहा हूँ तो आपके माइंड में नदियाँ रिवर्स वाटरफॉल्स पिटर पटर ऑफ द रेन ड्रॉप्स आप कैब खोलते हो तो वो पानी निकल रहा है ठीक पानी का बहना ये सब चीजें आपको वाटर के दिमाग में आ रहा है वेयर डज द वाटर गो द सन हीट कॉजेस इवपोरेशन ऑफ वाटर वेपर और वाटर वेपर जब कूल डाउन होगी तो इट कंडेस इन टू क्लाउड क्या हो रहा है भाई एक्सपोज वाटर बॉडी पे जब सन की रेज फॉल करेंगी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होंगी कंडेंस होंगी क्लाउड फॉर्मेशन होंगी रेनफॉल होंगी सॉयल में इनफिल्ट्रेशन होगी सरफेस रन ऑफ होगा इनफिल्टर्ड वाटर ग्राउंड वाटर को ऐड करेगी और फिर जो सरफेस रन ऑफ होगी वो लेक्स पॉन्ड्स रिवर्स ओशन में रिलीज होंगी है बोलो कैसे पूरी वाटर की साइकिल हमने पीछे चैप्टर के स्टार्टिंग वाले पेज पे अच्छे से देखा द प्रोसेस बाई विच वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन एटमोस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल ये आपको के इमेज में वाटर साइकिल दिख रहा है कि कैसे एक्सपोज वाटर बॉडी से वेपोरेशन फिर एटमोसफेयर में इसका कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन फिर लैंड पे इसका फॉल सरफेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन और फाइनली एडेड टू द वाटर ये आपको पूरी साइकिल बहुत ही अच्छे से दिख रही है ठीक आप जानते हो कि अगर आपने कोई पानी को हरियाणा के खेतों में सिंचाई करने के इस्तेमाल किया है मजे की बात क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर के आसपास अगर कोई गार्डन है कोई खेत है कोई बागीचा है ठीक और उसमें आपने जो पानी सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल किया है हो सकता है कि ये वाटर 100 साल पहले अमेजन रिवर से वहां से इवोपरेट होकर निकला हो और वाटर साइकिल के थ्रू वो आपके घर पे हरियाणा पे आपके होम टाउन पे वो आके वो वाटर को आप यूज कर रहे हो फॉर इरीगेशन द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स पॉन्ड्स स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स द ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन्स सॉल्टी वाटर अगर इस सॉल्ट की बात करें तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट है मेनली सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट जो आप सॉल्ट खाते हो ठीक जो आप कॉमन सॉल्ट कॉमन टेबल सॉल्ट खाते हो सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओके सो इस बात को आप समझने का प्रयास करोगे फाइन सो अ लुक आपको वर्ल्ड की मेजर सीज दिख रही हैं, पैसिफिक द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट एटलांटिक एसेप्ट बिजेस्ट वन इंडियन ओशन टू आर्म्स इंपॉर्टेंट आर्म्स अरेबियन सी एंड बे ऑफ बेंगाल आर्कटिक ओशन सदर्न ओशन सो मेजर ओशंस ऑफ द अर्थ आपको दिख रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सीज कैस्पियन सीज ब्लैक सी मेडिटेरेनियन, रेड सी ईस्ट चाइना सी साउथ चाइना सी कोरल सी ये इमेज इज टेकन फ्रॉम एन ठीक तो इस बात को हम समझ पाएंगे वी नो दैट थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर इफ देर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ वाई डू मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैसिटी अगर थ्री फोर्थ से ज्यादा अर्थ के सरफेस पे वाटर है तो बहुत सारी कंट्रीज को पानी की समस्या क्यों हो रही है ओके मधुरिया आई एम गेटिंग योर कमेंट नाइस ह्यूमर पार्ट कीप अहेड वेरी गुड वेल डन ऑलवेज सच टाइप ऑफ लाइट जोक्स आर वेलकम इन लॉन्ग मेथन क्लासेस इन ऑर्डर टू सस्टेन द क्लास So it was a nice one from your side. Well done. Have a look. All water on the earth is available? Hai? Guys, no. Just let's have a look on the screen. Have a look on the screen. Oceans, this table is taken from the NCRT. Taken from the NCRT.

only more than 2% of water is available in the form of fresh because more than 97% water is saline that is why guys there is scarcity of water तभी पानी की घनघोर घोर गंभीर समस्या है ठीक ये एक एक्टिविटी दी थी वाटर इज वाटर एलॉन्ग कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी और हम कैसे वाटर को वेस्ट कर रहे हैं जबकि फ्रेश वाटर कितना लेस अवेलेबल है मेनी सी सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स गिवन इन योर एनसीआरटी क्लास सेवन एनसीआरटी सम कटिंग्स ऑफ न्यूज पेपर वाई वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस गायस आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आइडिया है आपको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में आइडिया है आप प्रोजेक्ट वर्ष आधारित जानते हो इट इज मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेनफॉल बाई क्लाउड सीडिंग फर्स्टली स्टार्टेड इन कर्नाटका देर इज समिंग मेजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फूट ऑन द सी सोर्स आप जानते हो कि जब आप वेट सैंड पे चलते हो कूल ब्रिज सी बर्ड्स सॉल्ट की स्मेल एयर एंड म्यूजिक ऑफ वेब्स ये सब आपको फैसिलिटेड करते हैं और बिल्कुल आपको रोमांच से भरपूर करते हैं एक तरफ जैसे लेक्स पॉन्ड की वाटर काम है स्टेटिक है ठहराव है ओशनिक वाटर इज ऑलवेज इन सर्कुलेशन कभी वो स्टिल नहीं है और क्वेश्चन इज जो ओशनिक वाटर में मूवमेंट हो रही है उसे आप कैसे बांट रहे हो उसे आप बांटते हो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स वेव्स, टाइड्स और करेंट के फॉर्म में हैव अ लुक ऑफ द पैसिफिक deepest ocean largest ocean pacific plate is occupying 20 percent of the earth's surface area fine have a look waves when you're playing through a ball on the beach and the ball falls into water what happens how the how the ball get washed back to the source ठीक, वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल जब वाटर बार बार राइज और फॉल कर रही है वे द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड एज वेव्स उसे गाइस आप वेब्स बोलते हो अल्टरनेट राइज एंड फॉल इन वाटर इन ओशन क्या बोलेंगे वेव्स अगेन दिस इमेज इज टेकन फ्रॉम सेवेंथ एनसीआरटी ओके स्टॉर्म एंड सुनामी, स्टॉर्म में क्या होगा विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड इट फॉर्म्स ह्यूज वेव्स, ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन अगर अर्थक्वेक आया कई बार ऐसा हुआ कि ओशन के फ्लोर पे मैसिव अर्थक्विक आया ठीक और जब मैसिव अर्थ ओशन के फ्लोर पे आएगा तो राइज एंड फॉल इन वाटर भूकंप से उत्पन्न समुद्री धाराएं सिस्मिक सी दिस सिस्मिक सी वेव्स आर कॉल्ड एज सुनामी सुनामी इज जैपनीज टर्म यह एक जैपनीज टर्म है एंड अर्थ क्योंकि इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन सिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर ह्यूज़ टाइडल वेब कॉल्ड सुनामी फॉर्म, एज हाई एस 15 मीटर द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर वाज़ 150 मीटर क्या आपको 26 दिसंबर 2004 की सुनामी याद है कैसे उसने इंडोनेशियन के बंदा एस आइलैंड पे उसका उस अर्थक्वेक का ईपी सेंटर था एंड दैट कॉजेस मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कैसे वो अंडमान निकोबार आइलैंड पे वो मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा ओके गाइस सो द वेव्स ट्रेवल एट स्पीड ऑफ मोर देन सी किलोमीटर पर आवर अगर वेव्स की स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होंगी गाइस तो बट ऑब्वियस इट इज गोइंग टू कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन डियर फ्रेंड्स अगर आप में से किसी को मेरे क्लास के बारे में नोटिफिकेशन नहीं आया विशाल आई एम गोइंग टू योर क्वेश्चन फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट माई लाइव क्लासेस यू जस्ट ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल डॉट मी अजीत लाइव टी डॉट मी स्लैश अजीत लाइव द सुनामी ऑफ टू थाउजेंड फोर कॉजेज वाइड स्प्रेड डैमेज इंदिरा पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार गॉटर्ज आफ्टर सुनामी जो सिक्स डिग्री फोर्टी फाइव मिनट पे इंडिया का सदर मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट पूरा के पूरा डूब गया था ठीक कब की बात हो रही है 26 दिसंबर 2004 की बात हो रही है ओके पे आया था अर्थक्वेक सुमात्रा आइलैंड कहां था ईपी सेंटर क्लोज टू इट क्या था मैग्नीट्यूड 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल डियर फ्रेंड्स राइट इन कमेंट सेक्शन राइट इन कमेंट सेक्शन मैग्नीट्यूड क्या मेजर करता है एमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग स्पेसिफिक आर्थक्वेक ए और डैमेज इंटेंसिटी मैग्नीच्यूड एनर्जी को मेजर करता है या डैमेज को मेजर करता है ए मैग्नीच्यूड मेजर्स एनर्जी बी मैग्नीच्यूड मेजर्स डैमेज ए और बी राइट इन कमेंट सेक्शन एंड गाइज लेट मी नो ये क्यों हुआ था indian plate was under the burman plate this is a myanmar plate and sudden movement at the sea floor that means to 26 december 2004 tsunami was caused because of sudden movement of indian plate along with myanmar or burman plate okay guys right answer is मैग्नीट्यूड मेजर्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी मेजर्स अमाउंट ऑफ डैमेज मैग्नीट्यूड इन रिक्टर स्केल एंड इंटेंसिटी इन मॉडिफाइड मर्कल स्केल ठीक स्लामिक स्पीड कितनी थी अप टू एट हंड्रेड किलोमीटर पर आर. कंपेयर टू स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स एंड कंपेटिव वास्ट अवे सम ऑफ द आइलैंड इन द इंडियन ओशन इस बात हमने आपसे किया था जो और फिर जाके आपने देखा कि किसने इसने मैसिव डैमेज किया और कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार वेयर वर्स्टली अफेक्टेड यहां पे इनका प्रभाव ज्यादा हुआ While earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a three to four hour notice of potential tsunami. Easily in an ocean pass uh, sorry, such early warning system are in place, place across Pacific. Tsunami International Tsunami Warning System in Honolulu. Fine tsunamis are rare in indian ocean Kyo? because seismic activity is less as compared to pacific. guys, all of you know, the pacific ka margin is circum-pacific belt is ring of fire. all of you know, pacific plate or american plate, ka zone of subduction. all of you know, more than 70% of active volcanoes मेजोरिटी ऑफ अर्थक्वेक इन सरकम पैसिफिक बेल्ट सो पैसिफिक प्लेट इज मोर पैसिफिक प्लेट इज मोर प्रोन टू सुनामी हैव लुक डिस्ट्रक्शन कॉज बाय सुनामी और तमिलनाडु कोस्ट की बात आपसे हो रही है। हैव लुक ऑन स्क्रीन Again, my dear friends, this image is taken from NCRT. Take. So, live key damage. The, this is important. The first indication that tsunami is approaching is rapid withdrawal of water from the coastal region, followed by destructive wave. तो पहले वाटर विड्रॉ हो रहा है और फिर डिस्ट्रक्टिव वेव्स आ रही है दिस इज फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ सुनामी इसे आप याद रखना वेन दिस हैपन ऑन द कोस्ट ऑफ पीपल गोइंग टू द हाई ग्राउंड दे स्टार्ट असेंबलिंग एट द कोस्ट टू व्यू द मेरेकल एज ए कॉन्सिक्वेंस देर वॉज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑन लुकर्स वेन द जजेंटिक वेव स्ट्रक अब लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात जब वापस वेब लौटेगी तो इट विल कॉज अ मैसिव डिस्ट्रक्शन ये मैसिव डिस्ट्रक्शन गाइस कॉज करेगी टाइड्स है द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड एज टाइड माइड फ्रेंड्स अभी हम समझने वाले हैं स्प्रिंग स्प्रिंग टाइड कब होगा नीप टाइट कब होगा सिजकी कंडीशन क्या होती है सिजगी इन कंजंक्शन क्या है सिजगी इन अपोजिशन क्या है इन सारी बातों को हम तुरंत अभी याद करने वाले हैं द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड ए टाइड इसे आप टाइट बोलते हो हाई टाइड कब वेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाई राइजिंग टू इट्स हाइस्ट लेवल जब बिल्कुल वाटर हाइएस्ट लेवल पर राइज करेगा हाई टाइड वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर वापस लौट रहा है तो उसे आप क्या बोल रहे हो लो टाइड स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एग्जेड बाई सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेस टाइड चूंकि मून अर्थ से क्लोज है मून अर्थ से क्लोज है गाइस लिसन वेरी केयरफुली चूंकि मून अर्थ से क्लोज है तो इफेक्ट ऑफ मून विल बी मोर ग्रेविटेशनल पूल ऑफ मून विल बी मोर एज कंपेयर टू सन ठीक हैव अ लुक स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड वाटर ऑफ अर्थ क्लोजर टू मून गेट्स पुल्ड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशन फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइप डूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज सन मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन जब तीनों सेम लाइन में होंगे कौन से फॉर एग्जाम्पल अगर यह सन है अगर ये मून है अगर ये अर्थ है तीनों सेम लाइन में होंगे इट इज कॉल्ड सीजगी कंडीशन एस वाई जेड जी वाई सिजगी कंडीशन ठीक अगर अर्थ सेंटर में आ जाए एक तरफ सन हो एक तरफ मून हो इसे बोलेंगे सिजगी इन ठीक इन ऑपोजिशन जरा इस बात को और समझते हैं अभी एक एंसियाटिक इमेज आएगी और इस बात को समझोगे फुल मून में न्यू मून में तीनों सेम लाइन पे होंगे तो यहां से क्या हो रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून और सन वो वाटर को पुल कर रहा है जब वाटर को पुल करेगा तो हाई टाइट की जनरेशन होगी अर्थ उस बैलेंस को स्टोर करने के लिए इक्वल पुल इधर एग्जर्ट करेगा सिंट्रोफिकल फोर्स एक्सीडिंग सिंट्रोफिकल फोर्स एक्ट करेगी और यहां भी टाइड एग्जर्ट होगा ठीक इस बात को समझिए यहां पर देखिए आप अर्थ मून सन तीनों एक लाइन में है दोनों की फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक तरफ एक्ट कर रही है तो एक्सीडिंग सिंट्रिकल फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन बैलेंस स्टोर करने के लिए एक्ट कर रहा है और ये हाई टाइड और स्प्रिंग टाइड की फॉर्मेशन हो रही है यहां भी फोर्स ऑफ मून की हाई है और सन की इधर से खींच रही है ठीक जब हाई टाइड में क्या हो रहा है तीनों एक लाइन में है ठीक जब आप देखोगे कि तीनों जब एक क्वाड्रेचर राइट एंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं मून की फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे को अपोज कर रही हैं एस दे आर अपोजिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून तो उसे आप बोलते हो लो टाइड और नीप टाइड माइ डर फ्रेंड्स जब मैं आपके रेगुलर फीचर जोग्राफी क्लास में आऊँगा तो मैं आपको और टाइड को डिटेल में बताऊँगा अभी मैं उतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितनी एन सी आर टी में दिया हुआ है एन सी आर टी में दो बातें दी गई हैं टाइट की रिगार्डिंग स्प्रिंग टाइट जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी मून और सन का एक साथ एक कर रहे हैं वेन ऑल थ्री आर इन सेम लाइन इट इज हाई टाइड। जब ये दोनों को एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं अपोज कर रहे हैं क्वाड्रेचर की फॉर्मेशन कर रहे हैं इट इज नीप टाइड और लो टाइड इस बात को हम अच्छे से समझने वाले हैं ठीक स्प्रिंग टाइड हाई टाइड निप टाइड, लो टाइड और जब मैं आगे जाके आपसे बात करूंगा इन रेगुलर क्लासेस तो मैं आपसे टाइड, ठीक है इक्नोक्सल टाइड मिक्स टाइड एपोजियन टाइड पेरिजियम टाइड लेकिन अभी चूंकि हम एनसीआर कर रहे हैं तो मैं उतना ही आपको समझा रहा दिस टाइड्स आर नीब टाइड हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन रेज द वाटर लेवल क्लोज टू सोर्स विज हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजिली हाई टाइड्स हेल्प इन फिशिंग मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड और फिशरमैन उसे आराम से कैच कर पाएगा राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दस टाइडल एनर्जी प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इस तरह गाइस टाइड एनर्जी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट है ओशन करेंट्स ओशन करेंट्स क्या है जैसे आप देखते हो आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन इसे आप इन हिंदी समुद्री धाराएं बोलते हो ये आमतौर पर दो तरह की होंगी वन इज वार्म करेंट वन इज कोल्ड करेंट अगर मैं वार्म करंट की बात करूं तो जो करंट इक्वेटर रीजन से लो लेटीच्यूड से हाई की तरफ जाएंगी उसे आप वार्म करंट बोलोगे जो करंट हाई लेटीट्यूड से पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ लो लेटीच्यूड की तरफ आएंगी उसे आप कोल्ड करेंट बोलोगे माइ डे फ्रेंड्स आई एम रिपीटिंग ओशन करेंट क्या है इट इज स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग लाइक अ रिवर जैसे समुद्र में कोई नदी बह रही हो ठीक अगर ये इक्वेटर से ट्रॉपिकल रीजन से पोल की तरफ जा रही है तो वार्म करेंट पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है तो कोल्ड करेंट ठीक हैव अ लुक द ओशन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड वार्म ओशन करेंट्स जनरली ओरिजिनेटिंग नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लेटिच्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लेटिच्यूड द लेब्रोडोर करेंट इज कोल्ड करेंट गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करेंट माय डे फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ श्वेता वेल्डन लेबडोर करेंट कौन सी ओशन का करेंट है लेबडोर करेंट इज करेंट ऑफ विच ओशन प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन ठीक ओशन करेंट क्या करेगा वो टेम्परेचर को उस रीजन के कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करेगा वार्म कैन ब्रिंग्स अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस। हैव अ लुक अटलांटिक ओशन में नॉर्थ एटलांटिक में लेबडोर इज अ कोल्ड करेंट कमिंग फ्रॉम पोलर एरियाज मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स गल्फ स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल से हाई लेटीट्यूड की तरफ जा रहा है इट इज अ वार्म करेंट जो लो से हाई जाए वार्म करेंट ठीक कैद्रिस करेंट हाई से लो की तरफ आ रहा है कोल्ड करेंट बेंगोला करेंट हाई टू लो जा रहा है कोल्ड करेंट ब्राजीलियन करेंट लो टू हाई जा रहा है वार्म करेंट ठीक साफ साफ आप इसे देख पा रहे हो दैट मच इज गिवेन ओएसओ करेंट हाई टू लो जा रहा है पैसिफिक में कोल्ड करेंट क्रोसियो करेंट लो टू हाई जा रहा है इट इज वार्म करेंट ऑफ पैसिफिक ओशन इंडियन ओशन में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करेंट हाई टू लो जा रहा है इट इज कोल्ड करेंट अगुलहास करेंट लो टू हाई जा रहा है इट इज वार्म करेंट तो माय डियर फ्रेंड्स आप क्या समझ पा रहे हो सेवेंथ की एनसीआरटी के अकॉर्डिंग आपको नेम ऑफ सम करेंट याद रखना है आपसे अगर ये पूछ दें कि ओयसीओ, कुरोसीवो, गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट इर्मिंगर कैनरी बेंगुला करेंट ये कौन से ओशन की करेंट है और कौन कौन सी वॉम है कौन कौन सी कोल्ड है गाइस जब मैं रेगुलर फिजियोजोग्राफी क्लास में आऊँगा तो पूरी ओशनोग्राफी के करेंट्स आपको यही याद कराऊंगा लेकिन एन अटेंड कर लोगे गाइस, यू विल एंजॉय बेटर मैं एनसीआरटी सीरीज लेकर इसलिए आया हूं कि आपको मेरी वो वाली एडवांस क्लासेस हंड्रेड परसेंट समझ में आए और उसे आप अच्छे से याद कर पाओगे काउंटर करेंट इज कोल्ड करेंट है इक्वेटोरियल काउंटर करेंट इज वार्मर क्या हो रहा है यहां पर देखो हरकस देख लो आप विंड जब ड्रैग कर रहा है तो सरफेस वाटर को गीनिया कोस से ब्राजीलियन के बल्जिंग पार्ट पे जमा कर रहा पालेशन हो रहा है और फिर जब यहाँ पे वार्म वाटर की पालेशन हो रही है तो वही नीचे टू डिग्री साउथ के आसपास इक्वेटोरियल करेंट ब्राजील के कोस से गीनिया कोस की तरफ फ्लो कर रहा है ऑल्सो कॉल्ड एज लिमोनोस करेंट तो ये वार्म वाटर की फ्लो है जो आगे जाके यहां पे नॉर्थ इक्वेटर करंट को री करके इक्वेटर पे थ्री डायमेंशनल सर्कुलेशन को वो प्रॉपर से मेंटेन कर पा रहा है है द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट वहां पे फॉगी कंडीशंस होंगी और बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ग्रैंड बैंक बेहतरीन एग्जाम्पल है द एरियाज वेर वार्म एंड कोल्ड करेंट मीट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन तो फॉगी कंडीशन सुटेबल फिशिंग ग्राउंड इज एक्सपीरियंस इन द रिजन गाइज लेट्स रिवाइज एंड बी अटेंटिव हाई टाइड कौन सा है स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड राइज इन द कमेंट सेक्शन बी क्विक एंड फास्ट हाई टाइड इज स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड हाई टाइड इज स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड हाई टाइड इज स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड विच इज हाई टाइड स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड कौन से टाइड में स्प्रिंग और नीप में अर्थ सन मून आर इन स्ट्रेट लाइन इन विच टाइड ऑल द थ्री आर इन स्ट्रेट लाइन ऑल द थ्री आर इन स्ट्रेट लाइन गाइज राइट द नेम ऑफ थ्री वार्म करेंट थ्री वार्म करेंट ऑफ एनी ओशन गाइज राइट द नेम ऑफ थ्री वार्म करेंट ऑफ any ocean three warm current of any ocean three warm current of any ocean guys write the name of three warm current of any ocean well done guys well done three warm current of any ocean three cold current of any ocean three cold current of any ocean three cold current of any ocean well done guys very good very good you guys are rocking next chapter is guys नाउ टफ फेज इज ओवर आप जो चैप्टर्स है दे आर वेरी इजी एंड वी आर गोइंग टू कवर देम इन वेरी एफिशेंट क्विक एंड स्पार्ट मैनर सो गाइस अगेन टेक लॉन्ग डीप इंस्परेशन एक लंबी गाड़ी सांस लें खुद को रिजुनेट करें और आप ये समझें कि जब मैं लगातार चार घंटे खड़े होकर बोल सकता हूँ तो आपके सिलेक्शन के लिए आप खुद के सिलेक्शन के लिए हार्डवर्क क्यों नहीं कर सकते देर इज नो रीजन कि आप अपने लिए हार्डवर्क ना करें ताकि आपकी अच्छी रैंक आ सके ऐसा कोई कारण मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ओके सो गाइज बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर एंड नाउ कम नाउ कम विद द ग्रेट एनर्जी यू गाइज आर हैविंग अबाउट नेचुरल विस्टेशन क्या पढ़ने वाले हम अबाउट फॉरेस्ट ग्रास लैंड सब्स फॉरेस्ट की टाइप्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन डेडियस माइ डे फ्रेंड्स कोई से एग्जाम दोगे वन टू टू क्वेश्चन ऑलवेज एवरी ईयर इन एनी एग्जाम दे आर आस्किंग समाइम्स अप टू थ्री क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर सो गाइस वेरी इजी चैप्टर हम फटाफट इसे याद करने वाले हैं और इसे हम अभी तुरंत फिनिश करेंगे ओके सो होप सो यू गाइस आर रेडी क्या आप बिल्कुल इस चैप्टर को याद करने के लिए तैयार हो यस नो इफ यू गाइस आर रेडी गिव अ बिग थम्स अप बिग थम्स अप और लेट मी नो यू गाइस आर रेडी Give a big thumbs up and let me know that you guys are ready to go through this chapter. Be quick and fast, be quick and fast, guys. Quick and fast, quick and fast. I am always ready for you guys to work more and more harder. Always ready. Even on this free platform, even on this free platform, guys, I am ready for you to work very, very hard. लेट्स स्टार्ट थैंक्स फॉर सपोर्ट गाइज गॉड ब्लेस यू ऑल स्टे फोकस ऑन द स्क्रीन नेचुरल वेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ देर इज अ स्टोरी अबाउट सलीमा दिस स्टोरी इज गिवेन इन योर एनसीआर बुक अ स्टोरी अबाउट सलीमा और आपको आज क्या करना है जैसे मेरी क्लास खत्म होगी आपको मैक्सिमम फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करनी है गाइज इन ऑर्डर टू मेक इट मोर एंड मोर वायरल ताकि दूर तक लोगों के पास प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए ओके okay? और फिर मैं आज नाइट में अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी पूरी पीपीटी शेयर करने वाला हूं ऑलवेज फॉर यू गाइज सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैम्प सी वॉज अटेंडिंग क्लास सिक्स की भी और सेवन की भी टूडे इट्स सेल्फ वो कहां गई मनाली इन हिमाचल अलोंग विथ हर क्लासमेट्स सी रिकॉर्ड हाउ सरप्राइज सी वाज टू चेंजिंग द लैंड फॉर्म नेचुरल विस्टेशन एज बस क्लाइंब हायर हायर एंड हायर कैसे हैव ए अगर ये कोई माउंटेन है इस माउंटेन के फुट हिल पे इस माउंटेन के बेस पे देयर विल बी ट्रॉपिकल एलिमेंट्स ट्रॉपिकल एलिमेंट्स ट्रॉपिकल वेजिटेशंस उस कटिबंधी वनस्पतियां वी ई जी ई टी ए टी आई ओ एन एक हाइट के बाद वहां पे टेम्परेट वेजिटेशंस, टेम्परेट जिटेशंस और फिर बढ़ती ऊंचाई के साथ फिर हाइट पे एल्पाइन वेजिटेशन एल्पाइन वेजिटेशन फिर मैंने फ्रेंड्स एक ऐसी हाइट आएगी कोई पेड़ वहां मौजूद नहीं होगा ऑल ट्रीज आर एबसेंट आप उसे ट्री लाइन बोलते हो जिस लाइन के बियॉन्ड कोई पेड़ मौजूद न हो उसे आप ट्री लाइन बोलते हो फिर एक सर्टेन हाइट के एवरी थिंग आप उसे स्नो लाइन बोलते हो इस ट्री लाइन जिसके बियॉन्ड ट्रीज एबसेंट हैं, स्नो लाइन जिसके ऊपर सब कुछ हिम से आच्छादित है कवर है आप इस रिजन को बोलते हो एल्पाइन टुंड्रा क्या बोलते हो एल्पाइन टुंड्रा तो किसी भी माउंटेन के अगर आप फुटहिल से बेस से बढ़ती ऊंचाई के साथ जाओगे तो पैटर्न ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस पैटर्न ऑफ वेजिटेशंस ये सब के सब अकॉर्डिंगली दे विल चेंज एट द फ्लोर मोर ट्रॉपिकल वेजिटेशन देन टेम्परेट वेजिटेशन देन एल्पाइन वेजिटेशन देन ट्री लाइन बियॉन्ड स्नो लाइन इन बिटवीन ट्री लाइन एंड स्नो लाइन माइफ फ्रेंड्स दिस टाइप ऑफ टुंड्रा इज कॉल्ड एल्पाइन टुंड्रा उसे आप क्या बोलते हो गाइज उसे आप एल्पाइन टुंड्रा बोलते हो So, जैसे वो ऊपर जा रही थी अपने ग्रुप के साथ गाड़ी ऊपर जा रही थी सी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कॉन सेफ कैनोपीज ऑन द स्लोप्स उसे क्या बोलेंगे इन हिंदी कोर धारी वन कॉनी ट्रीज सी नोटिस ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन द टॉल ट्रीज रोडोडोज दिखें फ्रॉम मनाली सीवास ट्रेवलिंग अप टू रोहतान पास क्या देखा लैंडवास कवर्ड विथ शॉर्ट ग्लासेस एंड स्नो इन सम प्लेसेस गाइज क्लास जब खत्म हो जाएगी तो आप माउंटेन के पासस को ऑब्जर्व करना ये बात अलग है कि आगे में पूरी मैपिंग की क्लासेस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ माई डिफेंड्स ऑन दिस फ्री प्लेटफॉर्म इट सेल्फ मा ने क्या देखा देर इज क्लोज दिस बिटवीन द हाइट ऑफ द लैंड एंड करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन अभी आपने समझा कैसे हाइट के अकॉर्डिंग वेजिटेशन का पैटर्न चेंज हो रहा है विद चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस और जब क्लाइमेट चेंज होगी तो वनस्पतियों का पैटर्न वेजिटेशन का पैटर्न चेंज जरूर होगा ग्रोथ ऑफ of डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल natural vegetation varies फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन the फैक्टर्स जाहिर सी बात है माइडर फ्रेंड्स जैसी हाइट होगी वैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होगा जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होगी जैसा स्लोप होगा वैसी सोइल होगी जैसा रेनफॉल होगा जैसी सोयल होगी वैसी उनका वेजिटेशन पैटर्न होगी सो माय डियर फ्रेंड्स क्लाइमेट एंड वेजिटेशन बोथ आर इंटरलिंक्ड जैसी वेजिटेशन होगी फिर वो इफेक्ट डालेगी क्लाइमेट पे। वैसा ट्रांसप्रेशन का पैटर्न होगा वैसी वाटर साइकिल होगी और उसके अकॉर्डिंग ग्राउंड वाटर की इनफिल्ट्रेशन होगी पीछे आज ही हमने पढ़ा प्रॉपरली इन द वाटर साइकिल हाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड टाइप्स ऑफ नेचर विस्टेशन थ्री ब्रॉड कैटेगरी फॉरेस्ट विच ग्रोज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेटिफुल इतनी पर्याप्त टेम्परेचर और रेनफॉल है कि ट्री को सपोर्ट कर पाए आप कोई खूबसूरत सा रोोड्रोन दिख रहा है ठीक ग्रासलैंड विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन ठीक और जब सूखे क्षेत्र होंगे थॉर्नी स्रब्स कांटे वाली झाड़िया ये कैसी फीचर होंगी ये हो जाएंगी कुछ मरुस्थली अनुकूलन जीरो फिटिक फीचर वाई बिकॉज रीजन इज ड्राई सलीमा अपनी एक्सपीरियंस को अपने फादर के साथ गाय शेयर करते है सलीमा वॉर शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विथ हर फादर जो वर्ल्ड के कई सारे जगह को घूम चुके थे उन्हें उसने अपने फादर को बताया अबाउट कॉनिफरस फॉरेस्ट अबाउट थॉर्नी बुशेस अबाउट द थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन एंड मोर बातों बातों में आप समझ पा रहे हो कि हिमालयन रीजन में पूरी की पूरी हिमालयन रीजन में गाइस पूरी की पूरी प्रॉपर विस्टेशन यहां पे प्रेजेंट है हिमालय हैज ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम इक्वेटर टू वर्स एंड चेंज इन द टाइप ऑफ विस्टेशन अकर्स बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन अभी मैंने आपको डायग्राम से शो किया था कैसे बेस पे ट्रॉपिकल फिर मिड हाइट पे टेम्परेट और फर्दर हाइट पे एल्पाइन स्टेशन वहां पे प्रेजेंट थी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज लंग्स ऑफ अर्थ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको मालूम है दिस आर लस ग्रीन डेंस फॉरेस्ट माइ डा फ्रेंड्स विद इन हाफ एन आवर टू फोर्टी फाइव मिनट्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट टॉपिक एंड वी हैव कवर्ड अ ग्रेट जर्नी टूडे ओके गाइज सो गेट रेडी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हो आप कहाँ मिलेंगी इक्वेटर के आसपास क्लोज टू द ट्रॉपिकल रीजन क्यों क्योंकि यहां पर कन्वेक्सल रेन फॉल इज हैवी मोर देन टू हंड्रेड सेंटीमीटर रेनफॉल ठीक दिस रिजन आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द एयर रोज बारिश होंगी कैसी होंगी झमाझम होंगी हैव एक्ट्रिक कैसा बायोम कैसा फॉरेस्ट एवरग्रीन रोज पेड़ों से दो चार पत्तियां गिरेंगी और दो चार निकलेंगी जब भी आप फॉरेस्ट को ऑब्जर्व करोगे फॉरेस्ट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट सदा बहार है क्यों क्योंकि रोज पत्तियां गिर रही हैं और रोज निकल रही हैं ठीक दैट मीन्स इन एवरग्रीन फॉरेस्ट लीफ फॉल अकर्स डेली एवरग्रीन फॉरेस्ट में लीफ फॉल रोज होगा ठीक थिक कैनोपीज ऑफ क्लोजली स्पेस ट्रीज जब इतने डेंस फॉरेस्ट होंगी तो ये ग्राउंड पे लाइट को पहुंचने से रोक इवन इफ सन रेज आर वर्टिकल सूर्य के किरणों के लंबवत पड़ने के बावजूद भी सन के रेज के वर्टिकल फॉल करने के बावजूद भी माइड फ्रेंड्स आपको जान के आश्चर्य फील होगा कि दैट यहां पे ग्राउंड पे सरफेस पे लाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही ठीक कौन से ट्रीज हार्ड वुड ट्रीज ये स्टेट एग्जामिनेशन में एसएससी एग्जामिनेशन में यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस झारखंड पीसीएस वेस्ट बंगाल इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं रोजवुड इबोनी महागोनी आर कॉमन ट्रीज फाउंड हेयर ट्रॉपिकल डिस्डियस फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल एज मॉन्सून फॉरेस्ट कहा मिलेगा लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया माइ फ्रेंड्स इंडिया का मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई ट्रॉपिकल डिस फॉरेस्ट आपको पता है कि देर आर एट और नाइन लेक्चर्स ऑन दिस लेट्स क्रैक यूपीएससी जो कि मैंने आपको बायोम्स के बारे में लिए बता रखा है माय फ्रेंड्स अगर आप इस क्लास के बाद जब फ्री होइएगा तो अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यू पी एस पर जाइएगा एनवायरमेंट इकोलॉजी बाय अजीत तिवारी सर्च करिएगा 50 वीडियोस की सीरीज़ मिलेगी आपको ऑन एनवायरमेंट उसमें बायोम्स के लेक्चर ज़रूर देखिएगा मस्ट वॉच फॉर यू गाइज इसमें क्या हो रहा है एक्स नॉर्दन ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका दिस रिजन एक्सपीरियंसेस सीजनल चेंजेस ट्री सेट द लीव्स इन द ड्राई सीजन क्यों भाई अगर पेड़ अपनी पत्तियों को गर्मी के मौसम में गिरा देंगे तो उनकी रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन घट जाएगी और जब रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन घट जाएगी तो उनकी वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और बुरे वक्तों को आराम से काट लेंगी टीक साल नीम शीशम दिज आर वेरी कॉमन एंड इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ उष कटिबंधीय पर्णपाती वन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट डेसिडियस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में ड्राई सीजन में ट्रीज अपने लीव्स को लूज कर रही हैं एंड द हार्ड वो ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर साल टीक नीम एंड सीशम माय डे फ्रेंड्स इसे आप याद रखिएगा हार ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर्स ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। आप जानते हो टाइगर्स लायंस एलिफेंट लंगूर एंड मंकीज आर कॉमन एनिमल ऑफ दिस रीजन आपको ये ट्रॉपिकल डिजिडस फॉरेस्ट दिख रहा है इंडिया का मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया एमोंग फॉरेस्ट ट्रीज लीव कब लूज कर रही है ड्राई सीजन में वाई टू रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन ट्रांसपोरेशन क्या है वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर के फॉर्म में प्योर फॉर्म में लीव्स के सरफेस में प्रेजेंट इंस्ट्रोमेटा के थ्रू एटमोसफेयर में रिलीज हो रहा गाइस उसे आप ट्रांसप्रेशन बोल रहे हो टाइगर्स गोल्डन लंगूर्स दे आर द कॉमन टेम्परेट एवेग्रीन फॉरेस्ट कहाँ प्रेजेंट होंगी इन मिड लेटीट्यूडल कोस्टल रीजन कॉमनली फाउंड अलोंग ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट साउथ ईस्ट यूएसए सदर्न चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राजील इसमें दोनों तरह की हार्ड और सॉफ्ट वुड ट्रीज ओक पाइन यूक्लिप्टस ये दोनों प्रेजेंट होंगी यूक्लिप्टस इज नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है एंड फॉर इंडिया इट इज इकोलॉजिकल टेररिस्ट आप इन हिंदी सफेदा इन इंग्लिश वाइट वुड ट्री पॉपुलरली कॉल्ड एज यूक्लिप्टस इसे आप जिसकी रूट्स डीपर होती हैं ये इंडिया के ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करता है और फिर इंडिया के ट्रॉपिकल ओरिजिन के ट्रीज के लिए टफ कंपटीशन रेजिस्टेंस ऑफर करता है एंड दस माइ फ्रेंड्स इट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल टेररिस्ट टू इंडिया आपको ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट दिख रहा है आपको एलिफेंट्स दिख रही हैं टेम्पर डेस्टिनेस फॉरेस्ट जब आप और उच्च अक्षांशों पर जाओगे देर आर मोर टेम्पर डेस्टिनेस फॉरेस्ट देर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए चाइना न्यूजीलैंड चिली एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप ठीक कॉमन ट्रीज आर ओक एस बीच कई बार ये ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को लूज करती माय माइड फ्रेंड्स आप इस बात को समझोगे कई बार इन एडप्टेशन टू कोल्ड कोल्ड का इफेक्ट के कारण ये अपनी पत्तियों को लूज करती हैं। डियर फॉक्सेस आर द एनिमल कॉमनली फाउंड बर्ड्स फिजेंड मोनाल्स आर आल्सो फाउंड ये आपको फिजेंड बर्ड दिख रही है मोनाल बर्ड दिख रही है और ये आपको टेम्परेट डिस्डियस फॉरेस्ट दिख रहा है प्रेजेंट ओवर द हाई लेटिट्यूड दिस आर विजिबल टू यू गाइज अगेन दिस इमेजेस है मेडिटेरेनियन वेस्टेशन थे मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट आर कवर्ड बाई टेम्परेट एवरग्रीन एंड डिस्डियस ट्रीज वेस्ट और साउथ वेस्ट में दे आर डिफरेंट दे हैव मेडिटेनियन वेस्टेशन कहा मिलेगा मेनली अराउंड द मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर ऑफ यूरोप अफ्रीका, एशिया हिंस द नेम इज गिवन एज मेडिटेरेनियन, क्योंकि वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी आप mediterranean type of climatic conditions also, where summer is dry and rainfall occurs during winters rainfall is occurring during winters summer is dry this kind of vegetation is also found outside actual mediterranean region in california in the usa southwest africa एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपको एक वाइन यार्ड दिख रहा है इन मेडिटेनियन रीजन ये रीजन सिट्रस फ्रूट के लिए खट्टे फलों के लिए काफी फेमस है वेरी फेमस फॉर सिट्रस फ्रूट साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया दिस रीजन आर मार्क्ट फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स सो रेनफॉल इज अकरिंग इन विंटर्स खट्टे फल सिट्रस फ्रूट्स ऑरेंजेस फिग अजीर ओलिव एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट वाट दे वॉन्ट टू ग्रो इसीलिए यहां पे उतनी डेंस वाइल्ड लाइफ लाइक दैट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं होगी कॉनिफरस फॉरेस्ट कोण वन टेगा बायोम के क्षेत्र है हायर लैटीच्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमोस्फेयर स्पेक्टिकुलर कॉनिफरस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑल्सो कॉल एज बायोम ऑल्सो कॉल एज सर्कम पोलर बोरियल फॉरेस्ट ऑल्सो सीन इन हायर अल्टीच्यूड बताया था आपको पीछे अभी कि कैसे ये कॉनिफरस फॉरेस्ट अगर कोई पहाड़ ट्रॉपिकल रीजन में भी मौजूद है तो उसके ग्रेट हाइट पे इस तरह के फॉरेस्ट प्रेजेंट होंगे दे आर टॉल सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज दिस वुड्स आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड न्यूज प्रिंट तो आप देख पा रहे हो कि सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज से आप न्यूज पेपर न्यूज प्रिंट पल्प वगैरह वगैरह बना रहे हो मैच बॉक्सेस पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड चीर पाइन सीडार आर इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट इन पेड़ों के नाम हम याद रखेंगे सिल्वर फॉक्स मिंग पोलर बियर आर कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर गाइज अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है साफ साफ कॉनिफरस फॉरेस्ट स्नो कवर्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट Grassland. Tropical grassland grow on either side of equator and extend till tropics. Vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall. Three to four meters high tongi. Take savanna grassland of Africa are of this type. Elephants, zebra, giraffe, deer, leopard. आर कॉमन फाउंड इन ट्रॉपिकल ग्रास लैंड जाहिर सी बात है इस ग्रेट हाइट वाले ग्रास को आप एलिफेंट ग्रास बोलते हो क्यों भाई क्योंकि ये ग्रासेस टेस्टी हैं जूसी हैं फॉर एलिफेंट और कई बार एलिफेंट उसमें बैठ के छुप भी जा रही है किसमें इस एलिफेंट ग्रास में हैव लुक ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है लुक एफ्रीकन सवाना टेम्परेट ग्रास लैंड देश आर फाउंड इन मिड लेटिट्यूड जोन्स एंड इन इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट जो यहाँ की ग्रासेस होंगी वो शॉर्ट होंगी और न्यूट्रिशस होंगी वाइल्ड बफेलो, बाइसंस एंटीलॉप इनके कॉमन एनिमल होंगे फॉर टेम्परेट रिजन थॉर्नी बुशेस, देश आर फाउंड इन ड्राई डेजर्ट लाइक रिजन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगी इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट माइडरेंड्स जब हम इलेवेंथ की एनसीआरटी कर रहे होंगे देन आई विल एक्सप्लेन कि कैसे परमानेंट विंड, मैं अपनी इस बात को आगे बढ़ाऊं आप कमेंट सेक्शन में तीन परमानेंट विंड के नाम बताएं, राइट नेम ऑफ थ्री परमानेंट विंड डिस्कस टूडे नेम ऑफ थ्री परमानेंट विंड जो सबसे पहले बताएगा आई विल टेक नेम ऑफ दैट गाई नेम ऑफ थ्री परमानेंट विंड बी क्विक नेम ऑफ थ्री परमानेंट विंड बी क्विक एंड फास्ट आई एम वेटिंग फॉर ट्रेड विंड वेस्टर्ली स्टली शालू शर्मा ग्रेट स्वेता भारती ग्रेट ग्रेट So, ये आपके जो जब ट्रेड विंड ब्लो करेंगी तो वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेल्ट के ईस्टर्न पार्ट में दे विल कॉज रेनफॉल और जब वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पहुंचेंगी तो उनका मॉइस्चर खत्म हो चुका रहेगा इसीलिए ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट आर मोर कॉमन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट गाइज ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट आर मोर कॉमन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड इफेक्ट आप कमेंट सेक्शन से में लिख के बताओ आज ही पढ़ा आपने ट्रेड विंड कौन सी प्रेशर बेल्ट से कौन सी प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो कर रही है ट्रेड विंड कहां से कहां फ्लो करेंगी ट्रेड विंड कहां से कहां फ्लो करेंगी जो सबसे पहले बताएगा आई विल टेक नेम ट्रेड विंड कहां से कहां फ्लो करेंगी काइज बी क्विक एंड फास्ट नेम नेम प्रेशर बेल्ट कौन सी प्रेशर बेल्ट है वो नेम प्रेशर बेल्ट ऑलवेज विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो राइट द नेम ट्रेड विंड कौन सी प्रेशर बेल्ट से कौन सी प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो करती है बिक क्विक एंड फास्ट गाइड्स आम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स ट्रेड विंड कौन सी प्रेशर बेल्ट से कौन सी प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो करती है कौन सी प्रेशर बेल्ट से कौन सी ओके okay, या yeah. सर्फराज श्वेता निशा ऋतुराज प्रतिभा करेक्ट आंसर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हॉर्स लेटिट्यूड टू इक्वेटोरियल लो और डोलड्रम सब ट्रॉपिकल टू डोल्ड्रम इज द राइट आंसर गाइस वेल डन वेल डन गाइस बिग थम्स अप टू यू फ्रॉम माय साइड वेल डन इन टेम्पर ग्रासलैंड लैंड कवर इज स्कार्स बिकॉज स्कैंटी रेनफॉल थोड़ी बारिश और बहुत स्कॉर्चिंग हीट ठीक आपको वर्ल्ड के मैप में कुछ डेजर्ट्स के बारे में नाम देखना है फाइन द ग्रोथ ऑफ नेचुरल इज़ नेचुर लिमिटेड कुछ मॉसेस लाइक वगैरह ग्रो कर रही हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन आप कॉन्फ्रेंस बायोम को बोल रहे हो ठीक पोलर एरियाज ऑफ यूरोप एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका और टुंड्रा टाइप ऑफ बायो में क्या होंगी यहाँ पे ट्रीज नहीं होंगी रेनफॉल लिमिटिंग होगा और एनिमल्स के बॉडी में लो टेम्परेचर को बचाने के लिए अगर आप टुंड्रा की बात कर रहे हो ठीक तो थिक फर थिक स्किन अपने को बचा पाए ठीक कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस में सील वाल रसेस मस्क ऑक्स आर्कटिक फॉक्स आर्कटिक आउल आर्कटिक फॉक्स माइनस फोर्टी फाइव डिग्री तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाता है क्यों डबल कोट ऑफ फर अराउंड देयर बॉडी सो दे कैन टॉलरेट लो टेम्परेचर और इस तरह सलीमा की जर्नी ने पूरी बायोम्स के बारे में गाइस हमें अच्छे से समझा दिया हैव लुक सील लर बियर वाल रसेस हाउ दे कैन सर्वाइव गाइज लेट्स रिवाइज सेगमेंट में आते हैं और आप मुझे दो ट्री का नाम बताओ ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट राइट नेम ऑफ टू ट्रीज बी क्विक एंड फास्ट नेम ऑफ टू ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बी क्विक एंड फास्ट नेम ऑफ टू ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड देन टू ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल डिस टू ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल डिस टू ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल डिस वेल डन गाइज बहुत अच्छा कर रहे हो आप वेरी गुड वेरी गुड गाइज ह्यूमन एनवायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन गाइज अब बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उसे हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं गाइज मैं कहीं कोई हड़बड़ी नहीं कर रहा मैं चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से हम पढ़ें सो नेक्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कॉम्युनिकेशन क्या पढ़ोगे आप परमानेंट सेटलमेंट टेम्प्ररी सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट रोडवेज रेलवेज वाटरवेज एयरवेज कॉम्युनिकेशन आप इस चैप्टर में ये कंटेंट पढ़ने वाले हो चैप्टर वन में आपने पढ़ा था अबाउट अर्ली ह्यूमन डिपेंड एंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड clothing एंड shelter. ठीक और फिर आपने समझा कैसे व्हील की इन्वेंशन हुई कैसे ट्रांसपोर्टेशन इजी हुआ कम्युनिकेशन फास्टर हुआ हमारी नीड बढ़ती गई हमने एनवायरमेंट को मॉडिफाई किया व्हाट इज सेटलमेंट सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केवस आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ केव किसके द्वारा निर्मित लैंड फॉर्म है केव किसके द्वारा निर्मित लैंड फॉर्म है केव किसके द्वारा निर्मित लैंड फॉर्म है राइट इन कमेंट सेक्शन गाइज केव किसके द्वारा निर्मित लैंड फॉर्म है राइट आंसर इज सी वेव्स वेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकेम्स नेसेसरी टू हैव सेटलमेंट नियर द रिवर वैली तो जो शुरू की सेटलमेंट हुई चूंकि आप जानते हो अभी आपने पढ़ा कि फ्लड प्लेन रिवर का डिपोजिशन लैंडफॉर्म है फ्लड प्लेन अभी आपने आज ही पढ़ा कि फ्लड प्लेन इज फर्टाइल ठीक लैंड फर्टाइल है वाटर अवेलेबल है कल्टिवेशन स्टार्ट हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि अब लोग वहाँ पे सेटल करेंगे ठीक विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर ये और बड़े हो गए फ्लोरिस्ट एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर द रिवर वैली क्या हुआ? नदियों के किनारे जितनी बड़ी बड़ी हैं सेटलमेंट्स हैं वो वहीं पे क्यों बसी क्यों लैंड फर्टाइल था सी रूट फॉर ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन रिवर रूट फॉर ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन वाटर अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन कल्टिवेशन स्टार्ट हो चुका था स्लोप जेंटल था फ्लैट था फ्लड प्लेन रिवर के मिड सेक्शन और लोअर रिचेस में बन रही है तो लैंड फर्टाइल थी सो ऑल कंडीशंस वेर हाईली फेवरेबल So recall the name of civilization that grow along the bank of river Indus, Tigris, Nile, and Huanghe. Famous names. Settlement. Settlement Yato permanent Hongi, Yato temporary Hongi. Settlements which are occupied for a short time are temporary settlements. People living in deep forest. हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन ऑफ एंड डवेल इन सच टेम्प्रेरी सेटलमेंट ठीक और जब क्या होगा जब पीपल प्रैक्टिस करेंगी वो यह क्या करेंगी हंटिंग गैदरिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड ट्रांस ह्यूमेंस जिसे हिंदी में आप ऋतुप्रवास बोलते हो फाइन सो यह क्या करेंगे टेम्प्री सेटलमेंट वाले हंटिंग, गैदरिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड ट्रांसफ्यूमेंस शिफ्टिंग कल्टिवेशन मीन्स पहले एक फॉरेस्ट के पैच को जलाया एक सीजन दो सीजन खेती करी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किया डोमिनेंस की वैल्यू बढ़ाई और जब सॉयल की फर्टिलिटी कम हो गई तो उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करने के बजाय वो नेक्स्ट इलाके में शिफ्ट कर गए ऑल्सो कॉल्ड स्लैश बर्न कल्टिवेशन ऑल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन मोर एंड मोर सेटमेंट यदि आपको ह्यूमन सेटलमेंट दिख रही है टूडे आर परमानेंट इन दिस सेटीमेंट्स पीपुल बिल्ड होम्स टू लिव इन लोग घर बसा बना के घर बसा रहे हैं बना रहे हैं और बसा रहे हैं इट वॉज मैरिज बर्थडे पार्टी

प्रेशर ऑन द रोड इज वेरी हाई और जब ये व्हीकल्स जा रही हैं तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कार्बन ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रही हैं एंड दिस पोलटेन्स आर कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग, लंडन टाइप ऑफ स्मॉग लाइक दिस ओके सो व्हाई पीपल आर कमिंग टू सिटीज जाहिर सी बात है For job, for better education, for medical facilities, guys, you are so lucky कि आप दिल्ली के पॉल्यूशन को फेस नहीं कर पा रहे हो नहीं कर रहे हो और आप अपने होम टाउन पे क्लीन एयर ब्रीद करके आप ऑनलाइन टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हो अगर आप चाह रहे हो कि और टॉप एजुकेटर्स आपको मिले फॉर दैट इट इज हाईली रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन और जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं जो आपको करना चाहिए ताकि अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएं डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माई कोड अजीत लाइव आई एम ऑलवेज फॉर यू ऑन द पेड कोर्स एज वेल एज फ्री कोर्सेज गाइड्स है ठीक तो सिटीज में क्या हो रहा है आजकल वाटर सप्लाई इज ए बिग इशू शॉर्टेज ऑफ पावर इज ए बिग इशू आप देख रहे हो कैसे बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर दिल्ली में सरकारें बन जा रही हैं और कुछ बिगड़ जा रही हैं और विलेज में नॉट हैव बिंग सिनेमाज सिनेमा हॉल्स वेल इक्विप्ड स्कूल्स गुड हॉस्पिटल्स बट वी हैवे लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीद जो शहरों में नहीं है रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन नाम समझ में आ रहा है कि विलेजेस आर द रूरल पीपल किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर फिशिंग फॉरेस्ट्री क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्केटर्ड कई बार क्या होगा गांव दूर दूर तक फैलते हैं तो स्केटर्ड है अब गाइस जो चैप्टर बचे हैं दे आर वेरी स्मॉल टेन टू फिफ्टीन मिनट्स मोर दस से पंद्रह मिनट और पेशेंस बनाए रखेंगे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होगा क्लोज क्लोज सी द इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट ये आपको स्कैटर्ड दूर दूर क्या होगा ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एक्सटेंसिव एरिया हिल्स में लैंड ज्यादा है लोग कम है लैंड ज्यादा है लोग कम है तो वहां पे स्कैटर्ड सेटलमेंट होंगी

रेस प्लेटफॉर्म पे ऐसे बना के अब इस पे घर बनाते हैं थिक मड वॉल हाउसेस थैस आर वेरी कॉमन इन हॉट क्लाइमेट जहां पे बिल्कुल गर्म मौसम है तो गांव में मोटे मोटी दीवार किसकी मड की बनी होती थी लोकल मटेरियल लाइक स्टोन मड क्ले स्टो आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज है लुक हाउसेज ऑन स्टील ताकि पानी नीचे से निकल जाए स्लोप कैसा फ्लैश रूफ का ऐसा था कि पानी न रुके टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट इन अर्बन एरियाज पीपल किसमें इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विसेज ठीक आप इस बात को जानते हो ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाई विच पीपल एंड गुड्स मूव इन अर्ली डेज इट टूक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू तो ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस पीपुल अपने पैरों पे चल रहे थे बैलगाड़ियों पे ठीक है कि यात्रा कर रहे थे लोग घोड़ों पे जा रहे थे लोग है ना? नाउ नाउ जब देखा आपने कैसे टाइम के थ्रू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज हुआ और आज भी लोग एनिमल्स को यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट इन द विलेज एरिया सी हॉर्स कार्ट क्या कभी आप लोगों ने हॉस कार्ट की सवारी की है लेटमी नो कभी आपने हॉर्स कार्ट की सवारी की है गाइस आपको तो दिख रहा है टुंड्रा का टुंड्रा रीजन का ये हाउस इस हाउस को बोलोगे इग्लू, और जो लोग यहां रहते हैं उसे बोलते हो एस्कीमोज एस्किमोज ठीक इन आवर कंट्रीज डंकी म्यूल्स ब्लॉक्स एंड कैमल्स आर कॉमन इन द एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका लामाज ऑफ कैमल ठीक आर यूज एंड याग आर वेरी कॉमन इन तिब्बत द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम द अदर कंट्री यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया या तो वो सी रूट से आते थे और लैंड रूट से आते थे लेकिन जब से एर एरोप्लेन की डिस्कवरी हुई जाहिर सी बात है कि यह सारी जर्नी बहुत ही इजी हो गई है और आप कुछ घंटों में छः से आठ घंटों में ही आप इंडिया से यूरोप चले जा रहे हो ठीक आपकी टाइम और एनर्जी दोनों सेव हो रही है फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज वन रेलवेज टू वाटरवेज थ्री एंड एयरवेज फोर रोडवेज मोस्ट कॉमनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस रोड कैसे होंगी या तो मिटल्ड होंगी पक्का या अनमेटल्ड होंगी कच्चा ठीक जो प्लेन्स होंगी वहां पे बस्तियां घनी होंगी डेंस रोड नेटवर्क होगा रोड्स कहाँ बनेंगी डेजर्ट में भी बन सकती है फॉरेस्ट में बन सकती है हाई माउंटेन बन सकती है मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज वन ऑफ द हाइएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मनाली ले हाईवे आपको ये पक्की सड़क दिख रही है ये आपको अनमिटल गांव का कच्चा सड़क दिख रहा है रेलवेज हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली लौह पथगामी रेलवे स्टीम इंजन के डिस्कवरी के बाद इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन को एक नया बूम मिला और स्पीड डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट हुई डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जर रिप्लेस द स्टीम इंजन नाउडेज क्या कभी आपने स्टीम इंजन में जर्नी की है गाइस कभी आपने स्टीम इंजन में जर्नी की है इन प्लेसेस फास्ट ट्रेन हैव इंट्रोड्यूस्ड टू तो मेक द जर्नी फास्टर आप जानते हो कि प्लेन एरियाज में कैसे और डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज है ठीक एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल्स के थ्रू आप देखते हो कि टफ माउंटेन्स टेरेंस में भी रेलवे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पॉसिबल हो गई है भले ये नंबर में कम है इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड एंड इट इज लार्जेस्ट इन एशिया ये एशिया का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। हैव लुक वेरी फेमस से काजगा तक रशिया के वेस्टर्न रीजन से सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर बिल्कुल पैसिफिक कोस्ट तक ब्लाडी वो तक सो ग्स इन वेस्टर्न रसिया टू व्लाडी ऑन द पैसिफिक कोस्ट कितनी लंबी ये जर्नी आपको दिख रही है लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम एक बार किसी स्टेट में हाल ही में क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से स्टेशन इसके बीच में पड़ती हैं दैट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम क्लास सेवन एन सी आर टी गाइस क्लास सेवन एन सी आर टी और लोग उसका एंसर नहीं कर पाए थे ई इसलिए गाइस कभी भी एन को आप लाइटली नहीं लोगे ओके और उसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे तभी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं वाटरवेज सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वेर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन क्यों चीपेस्ट है नॉन पॉल्यूटिंग हैवी एंड बल्की गुड्स को आप लॉन्ग डिस्टेंस में लेके जा सकते हो चाहे इन वाटरवेज और चाहे सी रूट्स नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज जब रिवर और लेक में करोगे आप इसे बोलते इन इनलैंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड रिवर नाइल इन अफ्रीका गाइज सो ये आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस बात को आप समझने का प्रयास कर रहे हो have a look sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from country to another or ye port se connected some of the important ports of the world are singapore and mumbai in asia new york los angeles in north america रियो डि जेनेरियो इन साउथ अमेरिका डर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया एंड लंडन एंड रोटोडोम इन यूरोप माइडर फ्रेंड्स जैसे क्लास ओवर होगी आप वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में इन सारे लोकेशंस को ढूंढने वाले हो ओके okay? आप सारे लोकेशंस को आप मैप में लोकेट करने वाले हो कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और आप कम से कम इसके अलावा फाइव इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का नाम जो मैंने एन से नहीं लिया है उनका नाम फाइव इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा एयरवेज फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स आजकल सस्ती हो गई हैं एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली एफेक्टेड बाई बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म ऑनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरिया स्पेशली जहाँ पर कोई रोडवेज नहीं है कोई रेलवे नहीं है वहाँ आप रिमोट एरिया में टफ टेरेन में इसी के थ्रू ही जा सकते हो हेलीकॉप्टर्स आर आपको दिख रहा है एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इन एसेबल एरियाज एंड इन टाइम फॉर ऑफ कैलमिटीज जब कभी प्राकृतिक आपदाएं है, आती हैं मैं साइड हो जा रहा हूं आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें ठीक जब कहीं पे भूकंप आ गया बाढ़ आ गया भगवान न करे क्लाउड बस्टिंग हुई तो ऐसे टफ टेरेन टफ कंडीशन में गाइज ऑलवेज आप जानते हो कि यहां पे फूड वाटर क्लोज मेडिसिन लेकर हेलीकॉप्टर्स ही पहुँचती हैं सम ऑफ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आर डेली मुंबई न्यूयॉर्क लंडन पेरिस फ्रैंकफर्ट एंड कैरो आप पता लगाना कि कैरो कहां पे हैं राइट इन कमेंट सेक्शन वेयर इज कैरो कॉम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स जैसे आप टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे फोन पे मोबाइल पे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे वैसे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम फास्ट हो रहा है हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं एजुकेट कर पा रहे हैं और एंटरटेन कर पा रहे गाइज सो टू एजुकेट एज वेल एज टू इंटरटेन मास मीडिया जिससे आप न्यूज़पेपर, रेडियो टेलीविजन ठीक हम बहुत से लोगों के साथ इकट्ठे बात कर सकते हैं कॉम्युनिकेट विथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मासेस सो दे आर कॉल्ड एज मास मीडिया गाइज आजकल सोशल मीडिया इज मोर इफेक्टिव मोर क्विक मोर इंस्टेंट मोर इंफ्लुएंशियल द मेड हैम्युनिकेशन इवन फास्टर सेटेलाइट हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट अंडरग्राउंड वाटर की सर्विंग माइनरल वेल्थ वे ठीक वेदर फॉरकास्टिंग डिजस्टर वार्निंग नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ई मेल्स थ्रू इंटरनेट ये सब जानते हो आप वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेल फोन्स जिससे आप क्लास कर रहे हो अभी हैॉपुलर internet not only provides us with the worldwide information and interaction, but also has made our lives more comfortable. now we can reserve tickets for railways, airways, and even cinemas and hotel seatings at the home. with this type of interconnectivity of people, services and institutions across the world, we are लार्ज अ ग्लोबल सोसाइटी एंड सी यू गाइज आर पार्ट ऑफ माई दिस ऑनलाइन फैमिली ओके सो आप देख पा रहे हो कैसे ये प्रोग्रेस हुई हाउ दिस प्रोग्रेसिस है ना एक बहुत ही बेहतरीन इमेज एनसीआरटी में दिया हुआ था ये आप कुछ मेजर सी पोर्ट्स देख रहे हो आपको लोकेट करना था केप टाउन डरबन स आय सेंटियागो लीमा क्विटो है ना इस तरह की चीजों को आप देख सकते हो गायस सो इसे हमने साथ साथ रिकेप कर लिया नाउ कम इन द नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन छोटा सा चैप्टर है बस फ्यू मिनट्स मोर ह्यूमन एनवायरमेंट इंट्रेक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रिजन गाइस आइए इसमें बात करते हैं आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो अबाउट लाइफ इन द अमेजन बेसिन क्लाइमेट रेन फॉरस्ट पीपल लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र लेक्स एंड रिवर्स लेट्स सी वन बाई वन ठीक तो अगर मैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बात करूं तो यहां पे एक स्टोरी है अबाउट रेनु का ठीक पीपल फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री वर्ल्ड सबका कुछ लोग ड्राई डेजर्ट से थे कुछ फ्रॉम फ्रोजन लैंड थे कुछ हॉट वेट रेन फॉरेस्ट रीजन थे ठीक रेनगो ने ऑब्जर्व करा सब लोगों का अलग अलग पैटर्न फूडिंग का क्लोथिंग का सिल्टर का उसे उनके श्रीकांत अंकल ने एक्सप्लेन करा आइए इस बात को जरा हम स्टोरी के फॉर्म में समझने का प्रयास करें गाइस। सो अ लुक हैव अ लुक हैव अ लुक

क्या देखोगे आप ये कहाँ प्रेजेंट है ठीक इक्वेटोरियल रीजन प्रेजेंट है रिवर अमेजन यहां से फ्लो कर रही है ठीक और हैव लुक हाउ दिस फ्रॉम दिस एंड माउंटेनस रीजन दिस अमेजन इज फ्लोइंग एंड फॉर्मिंग अ माउथ देयर इज डेल्टा फॉर्मेशन जहां रिवर सी में जा रही है एटलांटिक ओशन में जा रही ये है ये माउथ है ओरिजिन इज हेड नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज पुरुष निगरों जुरुआई सब ज्वाइन कर रही है टू फॉर्म अमेजन बेसिन अमेजन ड्रेस लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्राजील पार्ट ऑफ द पेरू बोलीविया इक्वेडोर कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेने स्मॉल पार्ट ऑफ वेनिजुला ठीक आपको आपके लिए होमवर्क है नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन आपको इस लैटीट्यूड पे कौन सी कंट्री लाई कर रही है आपको पता लगाना है कंट्रीज ऑफ द बेसिन प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन ठीक राइट इन कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो द कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासिस इन द साउथ अमेरिका क्लाइमेट अमेजन बेसिन अगर इक्वेटर के पास से गुजर रही है तो कैसे क्लाइमेट होगी हॉट एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशन डे और नाइट ऑलमोस्ट इक्वल होंगी हॉट एंड ह्यूमिड डे होगा स्वेटिंग प्रॉपर नहीं होगी स्किन चिपचिपा होगा रोज रेनफॉल होगी कन्वेक्शन टाइप ऑफ रेनफॉल होगी हैवी रेनफॉल होगी हाई ह्यूमिडिटी वहां पे प्रेजेंट होगी नाइट पे टेम्परेचर ड्रॉप करेगा लेकिन ह्यूमिडिटी नाइट पे हाई होगी बिकॉज ऑफ हैवी कन्वेक्शनल रेनफॉल इट रेन है थिक फॉरेस्ट वर्टिकल स्टेटिफिकेशन लस ग्रीन कैनोपी ग्राउंड कैसा होगा डार्क होगा क्योंकि लाइट प्रॉपर ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रही है सेफ टॉयलेंट स्टेशन वहां पे ग्रो करेंगी ऑर्किड्स ब्रोमिलियट्स ग्रो एस प्लांट पेरासाइड्स एंड रेन फॉरेस्ट की हाई वैल्यू ऑफ फ्लोरा एंड फोना होगी इट इज ऑल्सो कॉल्ड अमेजन फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ आप अमेजन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हो गाइज माइड फ्रेंड्स मैंने आपके लिए ऐसा प्लान किया है कि हर वीक में मैं एक लॉन्ग मैराथन एनसीआरटी लेकर आऊंगा गाइज तो नेक्स्ट वीक में क्लास एट की एनसीआरटी में खत्म करूंगा डोंट वरी बर्ड्स सच एस सी टोक हमिंग बर्ड्स बर्ड ऑफ पैराडाइज ब्रेंड ब्रिलियंटी कलर प्लूमेज ओवर साइज बिल दिख रहा है आपको फॉर इटिंग मेक दम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया ये लाउड नॉइस भी फॉरेस्ट में क्रिएट करती हैं एनिमल्स जो ट्री पे बैठने वाले होंगे बहुत सारे वृक्ष निवासियों को बोलोगे आर बोरियल्स ट्री डॉपीस अभी टॉपीस दिखाऊंगा आपको आर ऑल्सो फाउंड वेरियस रेपटाइल्सि एग्जाम्पल ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस जंगल्स क्रोकोडाइस स्नेक्स पाइथन आर ऑल्सो प्रेजेंट

हाइएस्ट वैल्यू ऑफ जैव विविधता बायो डाइवर्सिटी यह आपको टॉपिक दिख रहा है सेवन स्पीस ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग फ्लैश इटिंग प्लानांस और आपको एंड दस इट इज एक्सट्रीम रिच इन बायोडाइवर्सिटी पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट दे ग्रो मोस्ट ऑफ द फूड इन स्मॉल एरिया आफ्टर क्लियरिंग आजकल यहां पर इलीगल माइनिंग ओवर एक्सपोर्टेशन डिफॉरेस्टेशन फॉर टिम्बर यह सब आजकल बड़ी समस्याएं हैं वाइल मेन हंट एंड फिश अलॉन्ग द रिवर्स वेक केयर ऑफ द क्रॉप क्या ग्रो करेंगे टैप योका पाइन एप्पल एंड स्वीट पोटैटो एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन इट इज वुमेन हुई बाई फिटिंग देम द्रो ये क्या करेंगी स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जिसे आप क्या बोलते हो ऑल्सो कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन मेनियोक क्या है मेनियोक इज अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे गाइस व्हाट इज व्हाट इज राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज मेनियग इट द स्टेपल फूड इज मैन एज ऑल्सो नोन एज कसावा जैसे हमारी आलू उगाते हो आप इट इज़ ऑल्सो अंडरग्राउंड ग्रोन अंडरग्राउंड लाइक पोटैटो दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड चीटियाँ खाते हैं एक सेक्स कैश क्रॉप्स क्या ग्रो करेंगे कॉफी मेज कोकोवा आर ऑल्सो ग्रोन हमारे इंडिया के भी कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में ट्राइब्स हैं जो एंड चीटिया खाते हैं मलोका व्हाट इज सी मैन्यो क्या है मलोका क्या है द रेन फॉल्स प्रोवाइड लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेस सम फैमिलीज लिव इन हाउसेस सेफ्ट लाइक बिहाइव मधुमक्खी के छत्ते की तरह अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस कॉल्ड एस मलोका वाटर मलोका लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस आर कॉल्ड एस मलोका विथ स्टीपली स्लैंड रूफ ताकि वह हैवी रेन से बच जाए लाइफ ऑफ पीपल ऑफ अमेजन बेसिन स्लोली चेंजिंग अब वो भी मॉडर्न हो रहे हैं ठीक वो भी अब क्या कर रहे हैं वो भी अपने पैटर्न को चेंज कर रहे हैं ठीक टिंग द रिवर इन नाइनटीन सेवेंटी द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्टल गाइज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि ट्रांस अमेजन हाईवे कहा से कहा किस दो लोकेशन को कनेक्ट करती है राइट इन कमेंट सेक्शन ट्रांस अमेजन हाईवे किस दो इंपॉर्टेंट लोकेशन को कनेक्ट करती है राइट इन द कमेंट सेक्शन एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर रिचिंग वेरियस प्लेसेस द इंडिजनस पॉपुलेशन वॉज पुस्ड आउट फ्रॉम एरियाज एंड एंडफोर्स टू सेटल इन द न्यू एरियाज वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस दियर डिस्टिंगटिव वे ऑफ फार्मिंग वो अब ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिशनल के बजाय कैश क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं कैश क्रॉप आर ग्रोन मोर एंड मोर इन दिस एरियाज़, एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट ये एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज बिन डिस एनुअली इन द अमेजन बेसिन आप देख सकते हो कि रेपिड रेट ऑफ फॉरेस्ट क्या होगा जब फॉरेस्ट क्लियर होगी और हेवी रेनफॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी ठीक और फिर क्या होगा जब ग्राउंड हटेगी तो हाई रेट ऑफ सॉइल इरोजन एंड दिस हाई रेट ऑफ सॉइल इरोजन विल कॉज क्रीपिंग डेथ ऑफ सॉइल आप साफ साफ देख पा रहे हो कि द टॉप सॉयल इज वास्ट अवे एज द रेनफॉल एंड लस फॉरेस्ट टर्न इन टू बैरन लैंडस्केप है अजीब सी बात कि इतनी हैवी रेनफॉल के होने के बावजूद अगर फॉरेस्ट क्लियर हो गया तो पूरी 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी एंड हाई रेट ऑफ सॉइल इरोजन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज लॉस एंड फॉरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू टू बैरन लैंड बंजर भूमि hey, कैसे फॉरेस्ट की ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो रही है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन गाइस हैव लुक ऑन स्क्रीन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये आप देख पा रहे हो कि दे आर फॉर्मिंग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ प्रेजेंट है बिटवीन टेन डिग्री नॉर्थ टू थर्टी डिग्री नॉर्थ लेटीच्यूड ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक घाघरा सोन चंबल गंडक कोसी एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट माइडर फ्रेंड्स आपको आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के दो तीन ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखने हैं माइडर फ्रेंड्स मैं आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के दो तीन ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखने हैं राइट नेम ऑफ टू और थ्री ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र ठीक आप इसके दो तीन ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखें आपको एक ब्रह्मपुत्र रिवर दिख रही है राइट नेम ऑफ लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो इस ब्रह्मपुत्र रिवर पे है लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फाइन आप इसे लिखें फास्ट सुंदरवन डेल्टा आप देख पा रहे हो सुंदरवन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड द प्लेन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र द प्लेन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा द माउंटेन्स एंड फुट हिल ऑफ द हिमालयाज एंड द सुंदरवन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरियाज क्या होंगी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस मॉनसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम द मिड जून टू मिड सेप्टेंबर एंड समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कूल आपको गाइस कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि सुंदरवन सॉरी गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में कौन कौन सी स्टेट लाई कर रही हैं राइट द नेम ऑफ स्टेट इन कमेंट सेक्शन विच आर लाइंग इन गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन तो नॉर्थ ईस्ट से कौन कौन सी रिवर ब्रह्मपुत्रा में और नॉर्दन पार्ट में कौन कौन सी रिवर गंगा में द बेसिन एरिया हैज वेरी टोपोग्राफी एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन द माउंटेन एरियाज विथ स्टीप स्लोप हैस्पिटेबल टेरेन दे आर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन माउंटेनस रीजन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र जाहिर सी बात है कि जब माउंटेनस रीजन होगी उसमें जब टेरेन इन हॉस्पिटेबल होंगी गाइस तो वहां पे कम लोग रहेंगे और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहां पे लेस होगी प्लेन एरिया मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन सोयल फर्टाइल एलोवियल सॉइल एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स डेंसिटी इज वेरी हाई मेन क्रॉप इज पैडी कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सफिशेंट वाटर इट इज ग्रोन इन एरियाज वेयर अमाउंट ऑफ रेन फॉल इज हाई सी आपको पैडी कल्टिवेशन दिख रहा है गाइज कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि पैडी किसका एग्जाम्पल है ए स्वैंप बी मार्स पैडी किसका एग्जाम्पल है ए स्वैंप का या बी मार्स का गाइज बी क्विक एंड फास्ट एंड लेट मी नो पैडी इज एग्जाम्पल ऑफ स्वैंप और मार्स पैडी किस एग्जाम्पल है स्वैंप का एग्जाम्पल है या मार्स का एग्जाम्पल है लेट मी नो bus few minutes more wheat maize sorghum gram and millets are other crops cash crops sugarcane and jute are also grown banana plantations are also seen in areas of the plain in west bengal and assam tea is grown in plantation एंड सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन द पार्ट ऑफ बिहार एंड असम कल्टिवेशन ऑफ सिल्क राइट इन कमेंट सेक्शन कल्टीवेशन ऑफ सिल्क इज सिलवीकल्चर ऑर सेकल्चर सिल्वी कल्चर और सेकल्चर कल्टिवेशन ऑफ सिल्क इज सिल्वी कल्चर और से कल्चर इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वे स्लोप आर जेंटल क्रॉप आर ग्रोन ऑन द टेरेसेस। ये आपको असम का चाय बगान दिख रहा है विस्टेशन कवर ऑफ द एरियाज वेरीज़ अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन ट्रॉपिकल डिजनस ट्रीज ग्रो अलॉन्ग विथ थिक साल एंड पीपल थिक बेंबू आर कॉमन इन ब्रह्मपुत्रा प्लेन डेल्टास कवर्ड विथ मैंग्रोव बताया था आपको पार्ट ऑफ उत्तराखंड सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉनिफ्रस ट्रीज लाइक पाइन देवदार फिर कैन बी सीन बिकॉज क्लाइमेट इज कूल एंड स्लोप इज स्टीप बिल्कुल स्पष्ट प्रेजेंट है वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन एलिफेंट्स टाइगर डियर मंकीस आर कॉमन वन हॉन्ड राइनो इज फाउंड इन ब्रह्मपुत्र प्लेन इन डेल्टा रॉयल बेंगोल टाइगर क्रोकोडाइल एलिगेटर्स आर फाउंड एक्वेटिक लाइफ अबाउंड इन द फ्रेश वाटर लेक्स एंड द बे ऑफ बेंगाल आपको वन हॉर्न राइनो और क्रोकोडाइल दिख रहा है ठीक फिश एंड राइस ज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया ठीक मौची बात वहां का कॉमन फूड है एक केस स्टडी है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस एनसीआर में दिया था नॉट रिक्वायर्ड गंग, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है सेवरल बिग टाउन सी सिटीज ऑफ इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो चुका है कानपुर वाराणसी लखनऊ पटना कोलकाता ऑल दिसन लैक्स पीपल वेस्ट वाटर इन टाउन से रिवर में जा रही है एंड कॉजिंग इंडस्ट्री से जा रही है एंड कॉजिंग पॉल्यूशन ऑफ द रिवर विच इज अग कंसर्न काो दैट आप इसे अच्छे से जानते हो वाराणसी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ठीक ऑल फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द प्लेन एरियाज रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वाटर वे एक इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है पार्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर्स कोलकाता इज इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट जाहिर सी बात है टूरिज्म इज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा प्रयागराज ऑन द बैंक ऑफ कॉन्फ्लेस ऑफ गंगा यमुना बुद्धिस्ट स्टूप इन उत्तर प्रदेश जैसे कि सारनाथ बनारस के पास एंड बिहार जानते हुए बोध गया लखनऊ विथ इमाम इमामबाड़ा, असम विथ काजीरंगा, फेमस फॉर वन हॉन्न राइनो ऑल्सो मानस विथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड अरुणाचल प्रदेश विथ अ डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेसेस वर्थ टू विजिट अरुणाचल प्रदेश इज वेरी ब्यूटिफुल गाइस सो वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर नाउ कम इन लास्ट चैप्टर लास्ट सेकेंड चैप्टर बहुत छोटा सा है लाइफ इन टेम्परेड ग्रास लैंड ग्रासलैंड में हम वर्ल्ड के ग्रास लैंड टेम्परेड रिजन प्रेरीज, फ्लोरा और फना की बात करने वाले हैं जहाँ पे ट्रीज प्रेजेंट थे अब ग्रासलैंड में क्या होगा दे आर मेनली ट्री लेस एरिया ग्रास लैंड मेक अप ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस टाइप ऑफ प्लान दैट ग्रो हेयर ग्रेटली डेवलप डिपेंड अपॉन कैसी सॉयल है कैसा क्लाइमेट है वो तय करेगा किस टाइप की ग्रासेस वहाँ पर ग्रो करेंगी फाइन एज क्लाइमेट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रास लैंड इट इज जनरली यूज एज बेसिस टू डिवाइड द वर्ल्ड ग्रास लैंड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज जो टेम्परेट रीजन में होंगे टेम्परेट ग्रास लैंड जो ट्रॉपिकल रीजन में होंगे उसे आप बोलोगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सी बात है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाद बीच में गाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो ग्रासलैंड ग्रो करेंगी दे आर ट्रॉपिकल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में अगर ग्रो करेंगी दे आर टेम्परेट ग्रास लैंड ग्रासलैंड में नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज ठीक अगर मैं प्रेरीज की बात करूं तो वेरी फेमस रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्रीलेस कहाँ की बात हो रही है नॉर्थ अमेरिका की लो लाइंग एरियाज में कुछ वुडलैंड ग्रो करती हैं टॉल ग्रासेस अप टू टू मीटर्स हाई डोमिनेट्स लैंडस्केप ठीक और पूरा जितने दूर देख सकते हो सिर्फ आप ग्रासेस ग्रासेस ग्रासेस, ग्रासेस ग्रो करती हैं एंड दस प्रेरी इज सी ऑफ ग्रास प्रेरी को क्या बोलते हो आप प्रेरी इज सी ऑफ ग्रास एक तरफ रॉकी माउंटेन एक तरफ ग्रेट लेक्स सो so, रॉकी माउंट अगर मैं नॉर्थ अमेरिका को रफली ड्रॉ कर दूं तो रॉकी रौ, माउंटेन्स और ग्रेट लेक्स के बीच में आप इसे देख रहे हो लुक एट द मैप मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका यू कैन सी दैट प्रेरिस कवर पार्ट ऑफ यूएसए एंड पार्ट ऑफ कैनेडा मैं साइड जा रहा हूं आप स्क्रीन पर देखें इन द यूएसए एरिया इज ड्रेन बाई ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी एंड द कैनिडन प्रेरीज एरियाज आर ड्रेन बाई ट्रिब्यूटरीज ऑफ सासकान रिवर यानी मिसिपी और सासकान के साकचवान रिवर के ट्रिब्यूटरीज इस एरिया को ड्रेन कर रही है यह आपको सी ऑफ ग्रास प्रेरीज दिख रहा है ग्रासिस कैसे होंगी सॉफ्ट होंगी डिकम्पोज करेंगी दे विल एड ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मेटर टू सॉइल एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल गायस इज कॉल्ड एज ब्लैक चेरनोज और मोलिसोल आपको साफ साफ प्रेरीज का रिजन साफ साफ प्रेरीज का बेल्ट आपको ग्रेट लेक्स और रॉकीस के बीच में दिख रहा है कैसी सॉइल ब्लैक सॉइल दिस ब्लैक सोइल ऑल्सो कॉल्ड एज चेर ऑल्सो कॉल्ड एज चेर्नोज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिस बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपॉर्टिंग ब्लैक कलर टू स्वाइल क्लाइमेट चूंकि यह हार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में है क्लाइमेट इज ऑफ continental type far away from marine influence extreme temperature summer are warm with temperature of around 20 degree and winters minus 20 degree so high range of temperature minus 20 degree kaha observe kya in winnipeg canada in winters a thick blanket of snow cover this region and annual rainfall is moderate and ideal for the growth of grasses ठीक चूंकि नॉर्थ से नॉर्थ और साउथ से कोई बैरियर नहीं है तो विंड इज ब्लोइंग चिनुक चिनुक इज ब्लोइंग हेयर चिनुक क्या है चिनुक इज अ लोकल विंड ब्लोइंग इन द रीजन प्रेरीज आर एक्चुअली ट्रीलेस वाटर जहां अवेलेबल होंगी ये हमने आपसे बताया था कि कुछ ट्रीज ग्रो करेंगे विलो क्रिकेट बेट से अच्छा बनता है एल्डर्स एंड पॉपुलर्स ग्रो जहाँ रेनफॉल पचास सेंटीमीटर ज़्यादा होंगी वहाँ पे सो, सोयल इज़ फर्टाइल सो फार्मिंग इज डन मेजर क्रॉप्स क्या होंगी मेज एंड अदर क्रॉप्स लाइक पोटैटो सोयाबीन्स कॉटन एंड अल्फ़ा अल्फ़ा जो कि एक बहुत ही न्यूट्रीस ग्रास है लेगमस ग्रास है अल्फा अल्फा इज ग्रोन इसी अल्फ़ा अल्फा से टॉनिक बनती है जो आप बच्चों को देते हो इन ग्रोइंग पीरियड क्योंकि दिस इज रिच इन प्रोटीन अल्फा अल्फा ग्रास से अल्फा अल्फा टॉनिक मेड इज गिवन रेंचेस क्या है काउबॉय क्या है एरियाज में रेनफॉल इज वेरी लिटिल अनरलेबल ग्रासेस आर शॉर्ट एंड स्पार्स दिस एरियाज आर सुटेबल फॉर केटल रियरिंग ठीक घास छोटी होंगी दूर दूर होंगी रेनफॉल प्रॉपर नहीं है तो घास प्रॉपर ग्रो कर रही है ऐसे ही जानवरों के रेयरिंग करने वाले जो लार्ज कैटल फार्म्स हैं दे आर कॉल्ड एज रेंचेस सो रेंचेस आर लार्ज कैटल फार्म्स और जो लोग इसकी देखभाल करते हैं हट्टे कट्टे बॉडी वाले स्टडी मैन दे आर कॉल्ड एज काउ बॉय ये आपको काउ बॉय दिख रहा है जो कि रेंचेस में कैटल्स की देखभाल कर रहे हैं बाइसन जंगली भैंसा अमेरिकन बफैलो बाइसन और अमेरिकन बफेलो जो आजकल बहुत ही खतरे पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ द रिजन नियरली गॉड एक्सटिंकड ड्यू टू इट्स मोर एंड मोर हंटिंग नाउ एडेज इट इज अंडर प्रोटेक्टेड कैटेगरीज अदर एनिमल फाउंड आर रेबिड्स कोफर्स एंड प्रेरी डॉग्स सो दे आर अदर इम्पॉर्टेंट एनिमल्स ऑफ द रीजन पीपल कैसे होंगे हार्ड वर्किंग होंगे क्लाइमेट हार्स होगा सो so, टेक्नोलॉजी के हेल्प से वो अपनी रिसोर्सेज को एक्सप्लर्ट कर रहे हैं टू ऑफ द मोस्ट डेवलप कंट्री इन द वर्ल्ड द यू एस एन कैनडा दोनों इसी रीजन में प्रजेंट हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन गाइज जस्ट वेट सम टेक्निकल इशू ये मैं नहीं थका लेकिन गाइस ड्यू टू टेक्निकल इशू लेट्स वेट फॉर वन और टू मिनट्स अगर ये रीस्टार्ट नहीं होगा तो टुडे आई विल वाइंड क्लास दिस मोमेंट सम टेक्निकल इशू गॉट देयर लेट्स वेट फॉर दैट Waits for few seconds. Let's wait for... So, waiting for maximum few minutes, one or two minutes maximum. Okay, dear, just few minutes, few minutes, few minutes. ये बीच में अपने आप अपडेट कहां से आ गया जस्ट मिनट आई थिंक गाइस ये हम लोग का टेक्नोलॉजी ब्रेक हो गया इट इज आवर टेक्नोलॉजी ब्रेक गाइस अपने आप अपने आप ये बीच में ब्रेक आ गया आमतौर पर ऐसा होता नहीं सम टेक्निकल इशू सो वी आर ट्राइंग टू शॉर्ट आउट हम हम इसे बस एक दो मिनट वेट करेंगे नो आशीज सर इज नॉट टेकिंग ब्रेक सो so, ये ऑटोमेटिक कुछ अपडेट आ गया बीच में और अगर ये वन और टू मिनट में गाइस अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ देन टुडे आई विल फिनिश क्लास हेयर इट गाइस बीच में मैं एक दो दिन यह स्पायल वाज आउट ऑफ स्टेशन सो लेट्स वेट कल परसों दो दिन में क्लास नहीं ले पाया सो so, इसका मुझे भी दुख है बिकॉज आई आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन So, not able to take classes either on the YouTube or. Uh, Raki, nothing is going on. It is a long marathon class. Long marathon class, and class started from 4 p.m. and continuous. We have covered more than four hours forty minutes. I'm waiting for a few minutes. या माई सेल्फ अंजना पा ऑल्सो वेटिंग पूजा बट ऑलवियस निखिल ऑलवियस निखिल कल हम लोग फिजिकल जोग्राफी को कंटिन्यू करने वाले हैं और हर वीक में कल हम लोग फिजिकल जोग्राफी कंटिन्यू करेंगे तब तक हम अपनी स्ट्रेटजी समझते हैं जब तक ये अपने को अपडेट कर रहा है हम अपनी स्ट्रेटी समझते हैं कल हमने आपके लिए प्लान किया है कल हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल जोग्राफी उसमें हम खत्म करेंगे एलियन लैंड फॉर्म फिर ग्लेशर लैंड फॉर्म देन आई विल स्टार्ट क्लाइमेटोलॉजी इन क्लाइमेटोलॉजी आप प्रॉपर तरीके से मूव करोगे अबाउट एटमॉस्फेयर अबाउट द प्रॉपर डिटेल्स अबाउट द प्रेशर बेल्ट अबाउट द विंड अबाउट द साइक्लोन अबाउट द एंटी साइक्लोन अबाउट द जेट स्ट्रीम ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ जेट स्ट्रीम आप ये पढ़ोगे ठीक अबाउट द प्रेसिपिटेशन अबाउट द क्लाउड्स आप इंपॉर्टेंट उसे समझने वाले हो अबाउट द क्लाउड फॉर्मेशन उसके टाइप्स वो समझोगे आप ठीक और फिर हम आगे मूव करेंगे देन विल एंटर इन द ओशनोग्राफी ओशनोग्राफी में पढ़ोगे आप अबाउट द कन्फिग्रेशन ऑफ द ओशन फ्लोर वो पढ़ने के बाद सेल्फ स्लोप राइज मिड ओशन रिजिस एबिसल फ्लोर जब ये खत्म करेंगे देन वी विल कम ऑन अबाउट द टेम्परेचर अबाउट द सेलिनिटी और जब हम टेम्परेचर और सेलिटी को कवर कर लेंगे गाइज

प्रॉपर एग्जैक्ट एक्सप्लेशन ऑफ द टाइट्स वो कवर करेंगे एंड गाइज देन आफ्टर कवरिंग दिस फिजिकल जोग्राफी आई विल कम विद द मैपिंग सेगमेंट और फिर मैं आपकी मैपिंग सेगमेंट को कवर करने वाला हूं ओके okay? और इसी बीच में वीक में वन और मैक्सिमम टू आई विल टेक मैराथन सेशन मोस्ट प्रोबेबली वन बिकॉज लंबी क्लास होगी या गाइज अ लॉट टू कम अ लॉट टू कम फॉर यू गाइस और फिर मैं आपके लिए साथ साथ एम सी क्वीज भी लेकर आने वाला हूँ या वी वी प्लान टू कवर एंटायर सिक्स टू ट्वेल्व जोग्राफी में पूरा मैंने प्लान किया है कि मैं सिक्स टू ट्वेल्व की जोग्राफी को गाइस कवर करूँ ओके और तब तक उधर मेरे जो अन अकेडमी सब्सक्रिप्सन में अल्टीमेट कोर्स ऑन कंप्लीट इंडियन जोग्राफी बिल्कुल जबरदस्त प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला है ठीक और आप जानते हो कि ऑन द प्लस ऑन अकेडमी सब्सक्रिप्सन कोर्स ऑलवेज देयर आर यूज टू इंट्रैक्ट मोर एंड मोर All PPTs, PDFs are available. Doubt clearing sessions are there. Proper MCQs are planned, quizzes are planned. So guys, agar aap apni preparation ko लेकर sincere ho so don't worry, don't worry. आप उस दिन आप क्या करना? आप class को academy के platform पे जाएँ, मेरा code इस्तेमाल करें, अपने friend को recommend करें guys, और आप code Ajit Life का इस्तेमाल करें। अगर आपने अभी तक मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है गाइज देन डोंट फॉ टू फॉलो मी ऑन अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैस एट द रेट ऑफ अजीत लाइव ओके टमोरोज क्लास टाइमिंग इज गोइंग टू बी एट पी एम आई थिंक इट विल टेक मोर टाइम सो गाइज चूंकि ये ज्यादा टाइम ले रहा है यू कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल अजीत तिवारी सर एट द रेट जनरल स्टडीज सो गाइज एज इट इज टेकिंग मोर टाइम almost we have covered only few pages are left guys. okay so that's all for today class see you tomorrow with very interesting topics of the landform. tomorrow 8pm i'm repeating tomorrow 8pm guys god bless you all thanks for watching bye bye good night to you all